तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में स्वागत है। और हम लोग फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स कर रहे हैं। मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूं, ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पूरे 55 पेजेस का है, 55 पेजेस का है, और पूरा इनकम टैक्स ये रिवाइज कर देता है। तो अगर आपने पहले हमारी क्लासेस की हुई हैं, एक एक चीज को पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए रिवीजन बुक बहुत अच्छी है, तुरंत रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने क्लासेस नहीं भी की हुई हैं तो भी रिवाइज हो जाएगा, आप सिर्फ मेरे साथ रहिए। मैं क्या करूंगा, मैं रीडिंग लगाना शुरू करूंगा। जैसे जैसे मैं रीडिंग लगाऊंगा और आपको दिमाग में सब कुछ रिकॉल होना चाहिए। रिकॉल तभी होगा जब आपने पहले पढ़ा ही नहीं है, उसको याद भी किया हुआ है। तो मैं बहुतों को देखता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा ये मानना है और बहुत अच्छी तरह से मानना है, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद याद करने से ही फायदा होता है, वरना कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप ना एग्जाम में लिख पाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ नोटिसेस बनाने होते हैं, प्लीडिंग्स बनानी होती है, रिटर्न स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं सूट फाइल करने के लिए, और या फिर एप्लीकेशन देना होता है, उन सब के लिए आपको वो वर्ड्स याद होने चाहिए, सेक्शंस याद होने चाहिए, नंबर्स याद होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। अब आइए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 1-4। इसमें एक एक वर्ड जो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1-4, रिविजन टाइम है 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट रिविजन में आप घड़ी निकाल दीजिए, जब आप खुद पढ़ेंगे। तो मैंने 10 बजे शुरू किया, कितने बजे खत्म किया, सर 10:15 में खत्म किया। और जब आप पढ़ रहे होंगे तो याद भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिवीजन टाइम आप 15 मिनट्स लिख दीजिए। जब आप सेकंड बार रिवीजन करेंगे तो फिर टाइम ऑब्वियसली कम होगा, फिर कम होगा, हो सकता फोर्थ रिविजन में 2 मिनट में ही रिविजन पूरा हो जाए। तो हम लोग आपको याद दिलाने के लिए हर जगह लिख रहे हैं, डिड यू मेमोराइज, इफ नो देन यू मस्ट मेमोराइज विद इन 24 आवर्स। और सबसे खास बात इस किताब की यह है कि हमने एक छोटा छोटा कोट लिखा हुआ, नेवर से डाई, बेसिक कॉन्सेप्ट में। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजों को आने में समय लगता है, समझने में भी समय लगता है, गुड थिंग्स टेक टाइम। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी में, अब याद नहीं करोगे तो कब करोगे, इफ नाउ, इफ नॉट नाउ व्हेन, सब जगह ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चैप्टर के साथ एक छोटा छोटा कोट दिया हुआ है, 3-3 वर्ड्स का। अब आइए बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम डिफाइंड किस सेक्शन में है, जरा बताएंगे, इनकम डिफाइंड किस सेक्शन में है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में, इनकम इंक्लूड्स। तो मैं अगर यहां से ऐसे शुरू करना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा रिविजन में, तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे आ रहा हूँ, रीडिंग लगाना है। बेसिक क्या करना है, रीडिंग लगाना है ताकि आप रिकॉल करते रहें। रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दिया, तो रेंट क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसके पीछे क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को ही, उस बिजनेस को ही बेच देंगे तो कैपिटल रिसीट आएगा। तो रिसीट फॉर विच देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम इज ए कैपिटल रिसीट। और अगर आप को पैसा कोई एवं ही दे दे, जैसे गिफ्ट्स, बिना कोई सोर्स के, तो वो भी कैपिटल रिसीट है। सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज कैपिटल रिसीट, एंड जिसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जैसे एग्जांपल गिफ्ट्स, वो भी रेवेन्यू कैपिटल रिसीट है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कैपिटल रिसीट, रिसीट फॉर विच देयर डू नॉट एग्जिस्ट अ सोर्स ऑफ इनकम इज अ कैपिटल रिसीट, एग्जांपल गिफ्ट्स। सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अगर सोर्स ऑफ इनकम कोई बेच देंगे तो कैपिटल रिसीट जनरेट होगा। टैक्स ट्रीटमेंट, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड अंडर द एक्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, टैक्स ट्रीटमेंट कैपिटल रिसीट का। एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली टैक्सेबल। तो हमने कैपिटल गेन में इसको टैक्स किया था, प्रॉपर्टी जब बेच रहे हैं, गिफ्ट्स को हमने अदर सोर्सेस में टैक्स किया था, वैसे है तो टैक्सेबल नहीं, लेकिन इसको टैक्स बनाया गया। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो इनकम डिफाइन करता है, उस इनकम के डेफिनेशन में स्पेशली ये सब डाला गया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो रिसीट है वो इनकम नहीं है, रिसीट में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद इनकम आती है,
Expenditure incurred for maintenance of source of income is a revenue expenditure. Expenditure incurred for acquisition of source of income is a capital expenditure. इसीलिए सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते थे. गिफ्ट जब मिल रहा है उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होता नहीं था, इसलिए कुछ माइनस करते नहीं थे. अब कुछ डेफिनेशंस. असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर. असेसमेंट ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेड. तो असेसमेंट ईयर जब भी होगा 12 महीने का होगा, 12 महीने से कम का हो नहीं सकता है. और जब भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा. 1 अप्रैल में अगर 12 महीने जोड़ेंगे तो 31 मार्च तक जाएगा. प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. एक्सेप्शंस टू द प्रीवियस ईयर. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. ये याद रखिएगा, ये एडवांस टैक्स नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है. आपने यहां पैसे कमाते रहते हैं तो आपको 15th ऑफ एवरी क्वार्टर आपको टैक्स देना पड़ता है, हाँ या ना? तो पहला क्वार्टर आता है 15th जून, 15th सितंबर, 15th दिसंबर, 15th मार्च. इसको हम लोग कहते हैं एडवांस टैक्स. यानी कि जो टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना चाहिए था वो टैक्स आप प्रीवियस ईयर में देते हैं. प्रीवियस ईयर में देते हैं तो उसको हम लोग प्रीपेड टैक्स या एडवांस टैक्स भी कहते हैं. लेकिन ये जो हम लोग एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट एन एडवांस टैक्स. बोला आपने अगर यहां पैसा कमाया है तो आपको 100% टैक्स आपको यही देना है. ये वाला टैक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको असेसमेंट ईयर में देना है. असेसमेंट ईयर में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. प्रीवियस ईयर में कमाइए, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दीजिए. आया? जिसमें 5 एक्सेप्शन है. जिसमें पहला है इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनीज. ये नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनीज क्या है, जैसे बताता हूं. ये मान लीजिए कोई शिप दुबई से आती है, इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग करती है, फिर लोडिंग करती है, और फिर भी ये वापस चली जाएगी. फिर ये कब आएगी नहीं पता, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है. तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि जब वो लोडिंग कर रहा है तो ये शिपिंग कंपनी इंडिया से पैसा कमा रहा है, इंडियन इनकम कमा रहा है, हाँ या ना? और अगर इंडियन इनकम कमा रहा है तो इसको टैक्स यहीं पर देना पड़ेगा. और अगर यहीं पर देना पड़ेगा तो कब देगा? उसी वक्त देगा. ऐसा नहीं है कि चला जाएगा फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर में इसको ढूंढेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. शिप को छोड़ने से पहले यहां पर पोर्ट में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे होते हैं. तो जब शिपिंग बिल ये सब आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग के पास भी जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब टैक्स पूरा वसूल लेता है तभी लेट गो ऑर्डर देता है, यानी कि शिप को जाने की परमिशन देता है. That is section 172, income of a non-resident shipping company. लेकिन ये एयरलाइन के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि एयरलाइन अगर मैं कनाडा से उड़ रहा हूं, कनाडा से तो नहीं उड़ते हम लोग, अगर मैं यूएसए से उड़ रहा हूं, हमारी एयरलाइन अगर यूएसए से उड़ रही है तो कॉरस्पॉन्डिंगली यूएसए की एयरलाइन भी हमारे यहां से उड़ रही है. और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जिस कंट्री का वो एयरलाइन है उसी कंट्री में टैक्स लगेगा, भले वो उस कंट्री से इनकम कमा रहा हो. यानी कि जब भी टैक्सेबल होगा रेसिडेंट बेसिस पे ही होगा. यानी कि अगर इंडियन एयरलाइंस इंडिया से कार्गो और पैसेंजर लेती है तो वो तो इंडियन इनकम है, वो टैक्सेबल होगा ही. यूएसए से कार्गो पैसेंजर लेती है तो यूएसए की इनकम है, लेकिन DTAA में लिखा हुआ है कि यूएसए वाला टैक्स नहीं लेगा, जब भी लगेगा यहां लगेगा. ऐसा शिपिंग में नहीं लिखा हुआ. ये आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अब आइए, तो इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी. फिर दूसरा है 174 में, इनकम ऑफ ए पर्सन लीविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया. तो इनकम ऑफ ए पर्सन, मान लीजिए आपकी इंडिया के बाहर नौकरी लग जाती है तो बताइए आप इंडिया वापस आना आएंगे? कब आएंगे आपको भी नहीं पता. अगर नौकरी लगी है तो 2-3 साल जब फुर्सत मिलेगी तब आएंगे. तो बोले जब आप यहां पर छोड़ के जा रहे हैं तो इस पीरियड का टैक्स आपको दे के जाना होगा, पे टैक्स. तो प्रीवियस ईयर में ही देना होगा, असेसमेंट ईयर का वेट आपको नहीं करना है. करेक्ट. आपकी नौकरी इंडिया के बाहर लग रही है,
लेकिन मान लीजिए एक ऐसा होता है कि कोई बाहर का क्रिकेटर इंडिया आता है, यहाँ पर 2 महीना क्रिकेट खेल के वापस चला जाएगा, ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो इसको भी कहा गया कि आप जब इंडिया छोड़ेंगे तो क्रिकेट से जितनी भी इनकम कमाया है पहले उस पर टैक्स देंगे, तभी इंडिया छोड़ पाएंगे। तो इनकम ऑफ ए, देखिए क्या लैंग्वेज क्या है, इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, ये पर्सन रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। 174A, यहां क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक फ्लाईओवर बनना है। अब ये फ्लाईओवर बनने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, टेंडर में लिखा हुआ जिसका 500 करोड़ का टर्नओवर होगा वही इस टेंडर को भर सकता है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो दो कंपनी ने आपस में एक जॉइंट वेंचर किया, दोनों कंपनी को मिला देंगे तो टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है। यानी कि ये दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर सिर्फ बनाया, सिर्फ इसलिए ये फ्लाईओवर बना पाए। मान ली फ्लाईओवर 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही फ्लाईओवर 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। तो ये फ्लाईओवर का बनने का काम शुरू हुआ जून में, सितंबर में खत्म होगा, तो इसको इसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा। पढ़ते हैं, असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज दैट इज मेकिंग ऑफ फ्लाईओवर लाइकली टू बी डिसॉल्व इन द सेम ईयर ऑफ फॉर्मेशन, जिस ईयर में फॉर्म हुआ है उसी ईयर में डिसॉल्व होगा, तो आपको उसी ईयर में प्रीवियस ईयर में टैक्स देना होगा। सेक्शन 175, द एसेसी लाइकली टू ट्रांसफर हिज एसेट विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, इसलिए क्योंकि बेनामी ट्रांजेक्शन ये सब आ गए हैं। बेनामी ट्रांजेक्शन का लॉ आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 175, और इसमें मैं आपको बता दूं कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं बेनामी लॉ पर किताब भी लिख रहा हूं तो इसलिए मैं दे भी सकता हूं। ए, मान लीजिए ए को कोई टैक्स देना है, जीएसटी देना है और इनकम टैक्स देना है। अगर ये जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं देगा तो इसके पास एक लैंड है जिसकी वैल्यू 10 करोड़ है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको जब्त कर लेगी और इससे टैक्स वसूल लेगी। तो ए क्या करता है, ये सी को ट्रांसफर कर देता है ये लाइन, और ये कहता है अपने पास रखो। जैसे आप छोटे बच्चे को कभी रास्ते में जा रहे हैं और आप किसी को अपना बैग पकड़ा देते हैं, शॉपिंग मॉल में अपना बैग पकड़ाते, रखिए थोड़ा सा मैं अभी आता हूं, और फिर आपसे उससे बैग ले लेते हैं। तो आप ऐसा ही करता है इमोबल प्रॉपर्टी के साथ, ज्वेलरी के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। तो आपने ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी, ये कहकर कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं वापस ले लूंगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को वो बेनामी ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इनकम टैक्स का अगर लॉ अप्लाई करें, यानी कि ये वाला सेक्शन 175, तो ये कहता है कि इससे पहले आप करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है, उसी से पहले आपके पास पहुंचता और ये टैक्स ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, एसएससी लाइकली टू ट्रांसफर इज एसेट, लाइकली ट्रांसफर किया नहीं है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ट्रांसफर करेगा, likely to transfer his asset with a view to avoid payment of tax, तभी applicable होगा। लेकिन ये आज के डेट में इनकम टैक्स इसको अप्लाई नहीं करते, इसे जब बेनामी लॉ ही अप्लाई कर दे, कर भी सकती है क्योंकि बेनामी लॉ तो तभी एप्लीकेबल होगा जब ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर देगा, है ना। और जब वो ट्रांसफर कर देगा तब कहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिमाग लगाएगा। तो इसीलिए 175 becomes important also in some of, लेकिन मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजनल अटैचमेंट। इनकम टैक्स में राजेश जी है ही, जीएसटी में है ही प्रोविजनल अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स में शेड्यूल 1 में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन 176, इनकम ऑफ ए डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जीएसटी में तो है, बंद कर रहे हैं तो भैया बताओ, नोटिस दो, नहीं बंद। और अगर इनकम टैक्स में क्या है कि अगर आप बंद कर दिया आपने कोई बिजनेस तो उसके 15 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और नोटिस के साथ साथ आपको इस प्रीवियस ईयर तक, यानी कि यहां तक जितना भी आपका टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। आया, तो मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। डेफिनेशन ऑफ पर्सन, देर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन, इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयू ऑफ कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एसएससी, पर्सन हु पेज टैक्स, इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी,
person who pays tax, interest or penalty, or the person who is liable to pay tax, interest or penalty, any proceeding undertaken, agar kisi ke aapke paas agar koi income tax ka notice aa gaya hai to bhi aap SSC ban jayenge. A deemed SSC, a person who is in default, TDS payment karne ka default kar diya, you become an SSC. So every person is not an SSC, yaad rakhiyega. मान लीजिए माइनर चाइल्ड है, ये फिक्स डिपॉजिट से पैसा कमाता है, तो माइनर चाइल्ड इज एन पर्सन बट ही इज नॉट एन एसएससी बिकॉज हिज पेरेंट्स आर लायबल टू पे टैक्स. तो पेरेंट्स इज एन एसएससी. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो हमने यहां क्या लिखा है, एसएससी का मतलब पर्सन हु पेज टैक्स और लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी. तो माइनर चाइल्ड का एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने. इनकम, इनकम इंक्लूड्स सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, गिफ्ट्स, कैपिटल रिसीट है लेकिन इनकम के डेफिनेशन में है, डोनेशन कैपिटल रिसीट है लेकिन इनकम के डेफिनेशन में है, कैपिटल गेन कैपिटल रिसीट है इनकम के डेफिनेशन में है, लेकिन एक्सीडेंट कंपनसेशन आपको मिलता है तो वो इनकम के डेफिनेशन में नहीं है. इनकम के डेफिनेशन में नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. तो किसी भी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगने के लिए इनकम के डेफिनेशन में होना जरूरी है. अब आइए असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का डिफरेंस कर लेते हैं आपके साथ. Assessment year is the financial year in which tax is paid. Previous year is the financial year in which income is earned. तो पहले पैसा कमाएंगे उसके बाद टैक्स देंगे. Assessment year succeeds previous year precedes assessment year. Assessment year always starts from 1st April and ends on 31st March. All previous year with the first and subsequent shall always end on 31st March. लेकिन जो पहला previous year, मान लीजिए मेरा property 1 जनवरी को खरीदी, तो मेरा उस property का previous year 1 जनवरी से शुरू होगा. मेरा जॉब 1 जून को मैंने शुरू किया तो उस जॉब का प्रीवियस ईयर 1 जून से शुरू होगा. हाउएवर स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. तो जितने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम उतने ज्यादा फर्स्ट प्रीवियस ईयर. द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज फिक्स्ड फॉर 12 मंथ्स. द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ्स. अगर मेरे पास 31 मार्च को ही मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो मेरा प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है. It can exist even for a day if the source of income newly coming into existence in the set financial year is 31st March. Aya. Aya, residential status. Section 5 to 9. 5, 6, 9. Teeny section padhte hain isme. 5, 6 and 9. 7 or 8. 7 salary mein aur 8 other sources mein. Section 6 ke 6 सब सेक्शंस हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 इंडिविजुअल और 2 एचयूएफ फर्म एओपी बीआई, 3 कंपनी, 4 लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी. यहां से लेकर यहां तक बेसिक कंडीशन है. बेसिक कंडीशन ये तो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा. सेटिस्फाई कर गया तो रेजिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट. और 5 हम लोग को करना नहीं है. और सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को एप्लीकेबल है. और इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर एडिशनल कंडीशन, इसको कहते हैं एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा. कर गया तो आर डैश ओआर, नहीं किया तो आर डैश एनओआर. अगर बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करता तो एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह हो गया कि इंडिविजुअल और एचयूएफ आर डैश ओआर हो सकता है, आर डैश एनओआर हो सकता है और एनआर हो सकता है. लेकिन बाकी एचयूएफ भी आर डैश ओ आर, आर डैश एन ओ आर और एन आर. अगर मुझे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो 6-1 एंड 6-6, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो 6-2 एंड 6-6. यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और बेसिकली एचयूएफ के लिए जो एडिशनल कंडीशन है वो सेम है, वही है जो इंडिविजुअल का है. एचयूएफ का हम एडिशनल कंडीशन हम कर्ता से चेक कर लेते हैं. लेकिन फर्म एओपी बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, या तो ये सिर्फ रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं. इनके लिए ओआर एनओआर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 6-6 सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ का एप्लीकेबल है, इनको एप्लीकेबल नहीं है. करेक्ट है. अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, आरओआर आरएनओआर हम लोग करते क्यों हैं, तो इसका बेसिक रीजन यही है. आर डैश एनओआर और ये एनआर, अगर इंडियन इनकम है तो सोर्स बेसिस पे हर कोई टैक्स देगा रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस. अगर फॉरेन इनकम है तो वो रेजिडेंट बेसिस पे फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देता है और नॉन रेजिडेंट नहीं देता. लेकिन आर डैश एन ओ आर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बिजनेस इनकम एंड अदर इनकम.
बिजनेस इनकम पे तभी देता है वन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशनल इनकम, और अदर इनकम पे तभी देता है व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट मान लीजिए अभी है नहीं, रिसीव्ड इन इंडिया का, तो ऐसे सोचिए यानी कि जैसे ही अगर आप आर डैश एन ओ आर हो गए तो आप एक इंडिविजुअल हैं जो जनरली यूएसए में रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, वहां पर रेंटल इनकम आती है, सैलरी की इनकम आती है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स या शेयर से डिविडेंड या इंटरेस्ट आता है, ये सब क्या है? बिजनेस इनकम तो नहीं है, अदर इनकम है। और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आर डैश एन ओ आर होने के बावजूद हम इस इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, यानी कि रेजिडेंट होने के बावजूद हम इस इनकम को इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली और फर्दर डिवाइड कर दिया गया एन ओ आर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो ये एडवांटेज हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिया है, बाकी लोगों को नहीं दिया। तो अगर बाकी यानी कि फर्म है, इन कंपनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस या तो आर होगा या एनआर होगा, तो आर होगा तो टैक्सेबल है, एनआर होगा और आर है तो इंडियन इनकम पे भी टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम पे भी टैक्सेबल है। तो अगर आप फॉरेन कंपनी है और इंडिया में रेजिडेंट हो गए, अगर आप फर्म है इंडिया में रेजिडेंट हो गए, तो ये सारी इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंस हमने किया है वो सिर्फ फॉरेन इनकम के लिए और वो सिर्फ आर डैश एन ओ आर के लिए किया है। अब आगे नाउ बेसिक कंडीशन क्या है इंडिविजुअल का, जब हम लोग सिक्स सब सेक्शन वन कर रहे हैं, 182 डेज इंडिया में रह लिया या 182 डेज नहीं रहा तो 60 डेज उस प्रीवियस ईयर में, और उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज रह लिया तो फर्दर कंडीशन है एंड पिछले चार साल में वो 365 दिन रह लिया तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, आर, या तो ये सेटिस्फाई करे या ये सेटिस्फाई करे, यानी कि 182 डेज सेटिस्फाई कर लिया तो बी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ 182 डेज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो बी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन तो रेजिडेंट है, नॉट डू नॉट सेटिस्फाई ये भी नहीं सेटिस्फाई करता, ये भी नहीं सेटिस्फाई करता तो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। एक हमने और किया था सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ए, और जिसमें हमने ये कहा था कि एक इंडियन सिटीजन, एक इंडिविजुअल है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और ये देशभक्त है, इसको किसी एक कंट्री में तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी कंट्री में टैक्स नहीं देता। बोला सर कैसे नहीं देता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पैसिफिक ओशियन में केमैन आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है जिसमें केमैन आइलैंड भी है, ये अपने आप को कंट्री बोलता है, 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर, पॉपुलेशन है 200, और ये इंडियन सिटीजन यहां रहने लगता है, यहां 10 दिन रहा इंडिया में और यहां रहा 300 355 डेज। अगर मैं 6 सबसेक्शन 1 अप्लाई करूं तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट होगा, क्योंकि ना 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना 60 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। और ये केमैन आइलैंड टैक्स हेवन कंट्री है, ये पॉपुलेशन जिसकी 2000 है, यहां पर टैक्स जीरो, और यहां नॉन रेजिडेंट है तो यहां भी टैक्स जीरो आएगा, इंडियन इनकम पे तो आएगा, लेकिन फॉरेन इनकम, मान लो जर्मनी से वो पैसा कमा रहा है कोई, ऑस्ट्रेलिया से पैसा कमा रहा है, तो इंडिया के लिए तो ये फॉरेन इनकम है, और केमैन आइलैंड से कोई पैसा कमा रहा है तो केमैन आइलैंड से अगर कोई पैसा कमा रहा है, केमैन आइलैंड में टैक्स जीरो दिया, इंडिया में भी टैक्स जीरो दे रहा है, क्योंकि इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पर टैक्स देगा नहीं। तो ऐसे लोगों को इंडियन सिटीजन, और ये ऐसा काम करता कौन है, सुपर रिच करते हैं, तो ऐसे सुपर रिच, और सुपर रिच का मतलब जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इज ग्रेटर देन 15 लाख, जिसकी टोटल इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 15 लाख, और वो ऐसी कंट्री में जाके रहता है जहां पर टैक्स जीरो है और नॉर्मल प्रोविजन के कारण वो नॉन रेजिडेंट हो जा रहा है, तो हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ए लगाएंगे और इसको रेजिडेंट कर देंगे। हेलो, तो मैं सबसे पहले 6(1) चेक करूंगा, यहां नॉन रेजिडेंट आ गया, अब मैं 6 सबसेक्शन 1 ए चेक करूंगा और यहां पर अगर वो रेजिडेंट आ जाता है तो रेजिडेंट है, और एडिशनल कंडीशन मान लेंगे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आर डैश एन ओ आर है। तो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग 15 लाख,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया. आपको नंबर ऑफ डेज चेक करने की जरूरत नहीं है. इन दैट प्रीवियस ईयर इफ इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल रहने के कारण और डोमिसाइल और रेजिडेंट और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर. लेकिन DTAA के कारण है तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. किसके कारण है? रहने के कारण है. और हमारा टैक्स हेवन कंट्री से कोई DTAA है नहीं. तो मैं जर्मनी में रहता हूँ, USA में रहता हूँ, 365 दिन या 300 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो DTAA के कारण टैक्स जीरो हो रहा है. लेकिन यहाँ पर जो केमैन आइलैंड है, आप बेसिकली मान लीजिए ये टैक्स हेवन कंट्री के बारे में बात कर रहा है. आया? और यहां पर आप अपने किताब में लिख लीजिएगा ही इज R-NOR. अब आइए एक्सेप्शन. फर्स्ट एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन चेक ओनली 182 डेज. ये एक्सेप्शन किसके लिए है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 जब एप्लीकेबल होगा तभी एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा, वरना इसके लिए एक्सेप्शन नहीं बनाया. ये तो खुद ही एक्सेप्शन है एक तरह का. अगर इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो आपको सिर्फ 182 डेज चेक करना है. और अगर आप लॉ देखेंगे तो लिखता है 60 डेज के बदले 182 डेज. तो अगर मैं 60 डेज के बदले 182 डेज करूंगा तो मैं यही आ जाऊंगा. इसीलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ 182 डेज चेक करना है. इफ एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स ऑन अ विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तब भी सिर्फ 182 डेज चेक करना. अब पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होता है? एक्स, इसके फादर, इसके मदर, दादा, दादी, नाना, नानी, या तो ये या तो ये या तो ये या इनमें से कोई, यानी कि सात में से कोई भी. डेट ऑफ बर्थ बिफोर 15th अगस्त 1947. प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो आप कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. एक्स का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फादर सेटिस्फाई करेगा, फादर नहीं सेटिस्फाई होगा तो दादा सेटिस्फाई करेगा, दादा नहीं सेटिस्फाई किया तो दादी सेटिस्फाई करेगी, दादी भी नहीं सेटिस्फाई किया तो नाना ट्रांसफर सेटिस्फाई, नानी ट्रांसफर सेटिस्फाई, कोई भी तो सेटिस्फाई करे कि इसका दिल इंडिया के लिए धड़कने लगे. जैसे ही इसका दिल इंडिया के लिए धड़कने लगेगा ये पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो जाएगा. और हम पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन सिर्फ फॉरेन सिटीजन का चेक करते हैं, इंडियन सिटीजन का पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन चेक नहीं करते हैं. तो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यहां लिखा हुआ है, पर्सन इज सेट टू बी इंडियन ऑरिजिन इफ ही हिमसेल्फ या फिर पेरेंट्स फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. चेक डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिफोर 15th अगस्त 1947 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज इंडिया, पाकिस्तान एंड और बांग्लादेश. सेकेंड एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन चेक ओनली 182 डेज इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, जो हमने यहां लिख दिया. थर्ड एक्सेप्शन, अब ये अभी भी फिर से आया, इन्होंने क्या कहा? बोले ये थर्ड एक्सेप्शन क्या है? बोलता अगर 60 डेज की जगह 120 डेज चेक कीजिए. इफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द वर्ड 60 डेज देयर इन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर 120 डेज. तो ये क्या हो जाएगा? 120 डेज शिफ्ट, 60 डेज की जगह कितना करना है? 120 days. तो यहां भी सुपर रिच के लिए कहा गया. अब एक बात बताइए, यहां भी ये R-NOR हो जाएगा क्योंकि मानेंगे कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. R-NOR, अगर मान लेते एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो क्या होता, ये भी दोनों चीज बता देता हूं. अब जैसे मैं माना एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर हो रहा है तो करना क्या चाह रही है वो, ये जो पैसिव इनकम कमा रही है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आप सी बीच के किनारे मजे ले रहे हैं और इंडिया में भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, उस कंट्री में भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या सही अच्छा लगता है आपको? अब देखिए क्या हुआ. मान लीजिए आप केमैन आइलैंड में, केमैन आइलैंड में खाली बैंक से याद रखिएगा 10 करोड़ रुपया आप यहां से, आप इंडियन सिटीजन हैं, 10 करोड़ रुपया यहां से ले गए, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का खत्म कर दिया आपने और केमैन आइलैंड में जाके फिक्स डिपॉजिट करवा दिया और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या बोलकर गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लीजिए पापा हैं आपके, बोले पापा 10 करोड़ रुपया दे दो, मैं केमैन आइलैंड जा रहा हूँ, वहां पर बहुत पैसे कमाऊंगा, इंडिया भेजूंगा. बोले बहुत बढ़िया, तो ले जाओ 10 करोड़ रुपया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले जाने दिया आपको, 10 करोड़ रुपया आपने रुपी में दिया, गवर्नमेंट ने आपको डॉलर दे दिया और डॉलर आप इंडिया के बाहर लेके केमैन आइलैंड में आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया. फिक्स डिपॉजिट से मिलता है इंटरेस्ट,
अरे भैया ये इंटरेस्ट जो मिला है वो इंडिया में तो टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आपका रेजिडेंस स्टेटस R-OR होगा, तभी तो इंडियन इनकम में यहां टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम में यहां टैक्सेबल नहीं, फॉरेन इनकम वाला भी टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका रेजिडेंस स्टेटस R-OR है तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये तो फॉरेन इनकम है, ये तो फॉरेन इनकम है, आपने इसको ले जाने भी दिया और R-NOR जब बना दिया तो ये नॉट टैक्सेबल है क्योंकि ये इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया और ये पैसिव इनकम है। लेकिन अगर आपने ये कहा होता सर मैं 10 करोड़ रुपया इंडिया के बाहर ले जा रहा हूं, बिजनेस करूंगा इसका, तो अगर बिजनेस करोगे तो इंडिया से कंट्रोल भी होगा, इंडिया से कंट्रोल होगा तो ये इनकम यहां पर टैक्सेबल हो जाती है। तो लॉ मेकर ने इसको ऐसे लोगों को जो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं उनको R-NOR बनाया है, OR बनाते तो ये शामत आ जाती, R-NOR बनाया है तो सिर्फ बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल, बाकी इनकम इज नॉट टैक्सेबल। पर क्लास में अच्छी तरह से हमने बता दिया, यहां दोबारा रिपीट भी कर दिया। अब आते हैं एडिशनल कंडीशन में, एडिशनल कंडीशन में एंड लिखा हुआ है, यानी कि दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला है ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट कैसे चेक करेंगे, ऊपर वाले से 60 डेज एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, और फिर उसमें 182 डेज, ये सारे कंडीशन, 6-1A ये भी कंडीशन, और 6-1A तो खर्च चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एडिशनल कंडीशन कब चेक करना है, व्हेन योर केस फॉल्स इन 6-1, योर केस फॉल्स इन एक्सेप्शन व्हेन यू लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, योर केस फॉल्स इन एक्सेप्शन व्हेन यू कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। तो 2 out of 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड इन लास्ट 7 ईयर्स यू आर इन इंडिया फॉर 730 डेज, if you satisfy both the additional condition then your residence status R-OR, otherwise R-NOR। aur agar aapka case yahan fall karta 15 lakh wala 120 days wala ya fir deemed resident wala 1A wala to aap R-NOR kehlayenge, R-OR nahi kehlayenge, not R-OR, correct hai। to ye ho gaya residential status of individual and HUF। hum residential status of other person mein bahut hi aasan hai, HUF firm AOP BOI, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज होली और पार्शली इन इंडिया तो रेजिडेंट होगा, और होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा सभी बाकी पर्सन के लिए। लेकिन कंपनी है, अगर आप इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज रेजिडेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी टू द फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस as an of an entity as a whole are in substance made, it simply means the place where the board meetings are held। ye humne bahut short mein likha hai, iska bahut bada video humne banaya hua bhi hai jo youtube mein, to khair itna hi bahut hai inter level ke liye। incidence of tax ye baat humne abhi aapko batai di yahan par, incidence of tax section 5 hai, agar aap indian income kama rahe hain to source basis pe har koi tax dega irrespective of residential status, लेकिन अगर आप फॉरेन इनकम कमा रहे हैं तो सोर्स बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होगा, R-OR रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स देगा, R-NOR बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम है तो टैक्सेबल, बिजनेस इज कंट्रोल ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल इज सेटअप इन इंडिया, लेकिन बाकी जितनी भी इनकम है वो सब नॉट टैक्सेबल है अंटिल अनलेस दे आर रिसीव्ड इन इंडिया। और नॉन रेजिडेंट है तो नॉट टैक्सेबल है, ना सोर्स बेसिस पर टैक्स हुआ ना रेजिडेंट बेसिस पर टैक्स हुआ, लेकिन ये इनकम विल बी टैक्सेबल इंडिया इफ दे आर रिसीव्ड इन इंडिया। अब आइए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि इंडियन इनकम कब कहलाएगा, यहां से लेकर 8 क्लॉजेस हैं। अगर आपका बिजनेस, अगर आप इंडिया के चलते पैसा कमाते हैं तो वो इंडियन इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। और बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, कुछ एक्टिविटी आप इंडिया में करते हैं, कुछ एक्टिविटी इंडिया के बाहर करते हैं, वो सब बिजनेस कनेक्शन का पार्ट होगा, क्योंकि इतना सा भी एक्टिविटी अगर आपने इंडिया में किया है तो इट विल बी डीम दैट यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया। तो बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड पार्ट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज कैरिड आउट इंडिया, फैक्ट्री आउटसाइड इंडिया लेकिन आपने सेल्समैन इंडिया में भेजे हैं तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा, ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और टेरिटोरियल नेक्सस,
एक्सेप्शन टू द बिजनेस कनेक्शन. ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, तो बिजनेस इनकम को अपॉर्चुनमेंट करके इंडिया में टैक्सेबल करेंगे. अगर आप इंडिया में सिर्फ परचेज करते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. इफ यू आर कलेक्टिंग एनी न्यूज इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया बाय फॉरेन सिटीजन, बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. एक डायमंड वाला भी था जो हमने यहां लिखा नहीं है. फिर इफ द एसेट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, उस एसेट से जितनी भी इनकम होगी या इस एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम. सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बाय एनी पर्सन, अगर इफ यू आर रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया फॉर एनी कंपनी, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, दैट इज एन इंडियन इनकम. फिर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका एम्प्लॉयर है और आप इंप्लॉई हैं हु इज रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो वैसे तो ये इनकम अक्रूज आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में इसको डीम्ड इंडियन इनकम मान लिया गया. तो एम्बेसीज में जितने लोग काम करते हैं, रॉ एजेंसी में जितने लोग काम करते हैं, वो इंडियन सिटीजन होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका एम्प्लॉयर होता है, तो डीम्ड इंडियन इनकम. जैसे ही इंडियन इनकम माना गया तो हुआ क्या, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट था और नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद उसकी इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो गई, क्योंकि फॉरेन इनकम को हमने क्या मान लिया है, इंडियन इनकम मान लिया. मैं लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, और हम लोग ऑब्वियसली जल्दी कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं. इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम. इंडियन इनकम अगर नेचुरल कंडीशन से इंडियन इनकम होती बिकॉज योर सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया, तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होती. लेकिन फॉरेन इनकम को, सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया लेकिन वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर गए, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एम्प्लॉई इंडियन सिटीजन है, तो इसको हम लोग इंडियन इनकम मानते हैं और टैक्स कर दिया. जैसे ही इंडियन इनकम मान के टैक्स कर दिया, इसकी बेसिक सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो गई, अलाउंसेस इंडिया में टैक्सेबल हो गया, परक्विजिट्स भी इंडिया में टैक्सेबल हो गया. लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट्स के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में एग्जेम्पशन दे दी, सिर्फ बेसिक सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो रही है. तो हाउएवर एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज यूज इन इंडिया, इफ लोन इज यूज इन इंडिया तो इंटरेस्ट को हम इंडियन इनकम मानेंगे, और इंडियन इनकम मानेंगे तो सोर्स बेसिस पे टैक्स हो जाएगा. रॉयल्टी फ्रॉम नॉलेज विच इज यूज इन इंडिया, तो नॉलेज अगर यूज इन इंडिया है तो रॉयल्टी को हम इंडिया में सोर्स बेसिस पे टैक्स कर देंगे, और सोर्स बेसिस पर अगर टैक्स कर रहे हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज वेयर टेक्निकल एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, अगर टेक्निकल एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, fees for technical services becomes taxable in India or source basis for taxable hoga irrespective of residential status. Income arising outside India being gifts paid after this date by a person resident in India to a non-resident not being company or to a foreign company. So India se aap 1 crore rupaye le jayen, bahar mein jaake gift de dein, to ek resident agar non-resident ko gift karega, to ye gift mana jayega Indian income hai, or so irrespective of source of income, इस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और रेजिडेंट को कहेंगे कि आप टैक्स काट के दे 195 में. आया, अब बताइए मेरे को. अच्छा, ये एक बच गया. इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एयर स्पेस अबव टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक है, एयर स्पेस 12 नॉटिकल माइल तक है. तो 12 नॉटिकल माइल के ऊपर जो एयर स्पेस है वो इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो एयर स्पेस है वो इंडिया नहीं है. एयर स्पेस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर पानी में आएंगे तो पानी में 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है. और ये जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक 200 नॉटिकल माइल होगा, क्योंकि श्रीलंका भी बीच में आ रहा है, तो ये छोटा भी हो सकता है. इधर बाकी कंट्री आ रही है, इधर पाकिस्तान आ रहा है, तो इसलिए ये सब छोटा है. फिर ऑयल रिग, यहाँ पर ऑयल रिग आपका है, मुंबई हाई में ऑयल रिग है, तो ये ऑयल रिग से जो पैसा कमा रहे हैं बिकॉज विदिन 200 नॉटिकल माइल, इससे जो भी पैसा कमाएंगे इंडियन इनकम कहलाएगा. और एयर स्पेस पे अगर कोई आपने सैटेलाइट छोड़ा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर ऊपर है, जो हमेशा वो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर ही रहेगा, तो इस सैटेलाइट को किराए पे देकर आप कोई पैसा कमा रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज एन इंडियन इनकम. ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का ये कोई आर के लक्ष्मण जी का कार्टून था, दिखाई नहीं दे रहा है. अच्छा, एक चीज रह गया, अगर इंटरेस्ट रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, लोन इज यूज आउटसाइड इंडिया, नॉलेज इज यूज आउटसाइड इंडिया, टेक्निकल एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड आउटसाइड इंडिया, बट इट इज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ऑलवेज एन इंडियन इनकम, ऑलवेज एन इंडियन इनकम, तो सोर्स बेसिस पर टैक्स देगा.
चलिए अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक, थैंक यू। देखिए इसका फायदा तब है जब आपका पूरा इनकम टैक्स हो गया है। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। और टेबुलर प्रेजेंटेशन में बता दूं, तभी अच्छा है जब आप रिवीजन के लिए है, अदरवाइज बेकार है। तो जो हमने ओरिजिनल नोट बनाया है, अब रेजिडेंशियल लेटर्स में लगता है 20-25 पेज का होगा जो ओरिजिनल है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, गुड टू रिकॉल अंडरस्टैंड। तो चलिए अब कल मिलते हैं, सैलरी करेंगे आपके साथ। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और इनकम फ्रॉम सैलरीज का फास्ट ट्रैक क्विक रिविजन इनकम टैक्स शुरू कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो रिविजन टाइम हमने 40 मिनट्स लिखा हुआ है। आप फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन में ये सब टाइम लिखते रहिए। और इफ नॉट नाउ व्हेन, आज नहीं अभी रिवाइज नहीं करोगे, अभी याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो शुरू करें। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15-17, जहां पर हमने पहला जो चार्जिंग सेक्शन है वहां पर हम लोग दो सवाल कर रहे थे कि विच इनकम इज चार्ज अंडर द हेड सैलरी, यानी कि आपको पैसा मिला है वो सैलरी का है, हाउस प्रॉपर्टी का है, पीजीबीपी का है, कैट गेन का या अदर सोर्सेज का है, तो उसका कौन से कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे कि सैलरी के घर का दरवाजा खुल देगा। तो जो आपको मैंने बताया था पांच घर है, हर एक घर में जाके नॉकिंग होगी हर एक रिसीट की, इनकम की, कौन सी इनकम जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते तो इनकम है। अब इनकम है तो किस हेड की इनकम है, तो सैलरी में कौन सी इनकम है, वेयर देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, then such income which is defined under section 2 subsection 24 is charged under the head salary, where an individual is born, or how do you determine whether there exists a relationship of employer and employee, so employee is bound to follow the instruction of the employer, and further one more instruction how that work should be done wo bhi usko he is bound to follow, where an individual is bound to follow the instruction of other it is said that there exists a relationship of employer and employee, kisi bhi tarah ka instruction which work should be done and how the work should be done, agar dono wo follow karta hai and is bound to follow as per the contract of employment, then there exists a relationship of employer and employee, then such income will be charged under the head salary. Agar wo sirf kaun sa kaam karna hai, kaise karna hai, ye bound nahi hai, to employer employee ka relationship exist nahi karta hai, aur ye income kis head mein jaake taxable hoga, ya to PGBP mein jayega ya other sources mein jayega, it is just like a consultancy. Now when salary is charged to tax, किस फाइनेंशियल ईयर की इनकम मानेंगे, तो बोला कि ड्यू और रिसीट विच एवर मेच्योर्स अर्लियर, तो सैलरी चार्ज टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस विच एवर मेच्योर्स अर्लियर। यहां पर ड्यू लिखा हुआ है, अक्रूवल नहीं लिखा हुआ है। अक्रूवल लिखा, अक्रूवल का मतलब क्या होता है, डेली बेसिस पे जब जब आप काम करने जाते हैं तो आपकी सैलरी एक्यूमुलेट करती रहती है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन ड्यू कब होगा, जब आपको इस सैलरी को मांगने का हक मिलेगा। तो सैलरी चार्ज टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस or on receipt basis whichever matures earlier, lekin there are four salary which are taxable only on receipt basis, jisme pehla hai advance salary, bonus, to bonus due basis pe taxable nahi hoga, bonus jab employee ko mil jata hai tab taxable hota hai, aur employer ko is bonus ka pgbp mein deduction tabhi milta hai jab section 43b ke deduction ko wo satisfy karta hai, yani ki on or before due date of filing of return ye bonus pay kar dega तो उसको डिडक्शन मिलेगा, और इंप्लॉय के हैंड में टैक्सेबल तभी होगा जब इंप्लॉय को मिल जाएगा। सैलरी इन लियो ऑफ नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड आपको नहीं दिया गया उसके बदले जो सैलरी मिला है वो टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पे। एंड एरियर्स ऑफ सैलरी इफ सैलरी इज इंक्रीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है तो ये सैलरी कब टैक्सेबल होगा, जब वो आपको रिसीव होगा। परक्विजिट्स, जितने भी परक्विजिट्स हैं उस पर ड्यू और रिसीट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ऑन प्रोवाइडेड बेसिस, यानी कि मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज टू एम्प्लॉइज, तो आपके घर, आपको घर दिया गया है और घर की अगर आपको चाबी दे दी गई है, उस घर में आप चाबी ताला खोल के रहते हैं या नहीं रहते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। आपके घर में पानी का नलका है तो टैक्सेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है टैक्सेबल है, जितना भी बिल है। बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा, रीइंबर्समेंट पेड बेसिस पे होगा। तो ये सारा हमने यही लिख दिया। अब आते हैं अलाउंसेस के ऊपर। अलाउंसेस हमने बताया था इट इज अ पॉकेट मनी, और कंडीशंस क्या बताया था, कैश होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस दिया जाता है और फिक्स्ड होता है। तो मान लीजिए आपको 200 पर मंथ मील अलाउंस दिया गया है, 200 पर मंथ मील अलाउंस, तो ये मील अलाउंस पर्पस है मील खाने के लिए, कैश में दिया गया है और मंथली फिक्स दिया गया है, तो इट बिकम्स अलाउंसेस। लेकिन अगर यही फिक्स नहीं हो तो ये परक्विजिट बन जाएगा कि आप मिल का बिल लेके आइए, खाने का बिल लेके आइए, जितना बिल होगा हम रीइंबर्स कर देंगे, तो दैट इज परक्विजिट। ये सारे अलाउंसेस को हमने कई पार्ट में डिवाइड भी किया हुआ है, जैसे ये है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड पार्शली। तो पहले फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस देखते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में जो हमने 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 किया था आपके साथ, जहां पर इंप्लॉयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंप्लॉई आपका इंडियन सिटीजन है, तो अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट, बेसिक सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड देन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज को अगर अलाउंस मिलेगा तो एग्जेम्प्ट है। यूएनओ के एम्प्लॉइज को कोई सैलरी मिलेगी, क्या लिखा हुआ, सैलरी मिलेगी तो एग्जेम्प्ट है। तो आप देखिए यहां पर सैलरी लिख रहा है, यहां अलाउंस लिख रहा है, यहां अलाउंस एंड परक्विजिट्स लिख रहा है। तो अगर मैं अगर सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, बेसिक सैलरी, अलाउंस एंड परक्विजिट्स, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में अगर फॉल करता है, और 913 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 हमने बताया था एक साथ पढ़ना है, 913 एप्लीकेबल होगा तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पर अलाउंस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट है, बेसिक सैलरी बिकम्स टैक्सेबल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस में अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, लेकिन बेसिक सैलरी और परक्विजिट्स टैक्सेबल है। कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट भी हैं, कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट भी है, जैसे रहने के लिए घर, गाड़ी, ये सब एग्जेम्प्ट है। यूएनओ के एम्प्लॉइज को सब चीज एग्जेम्प्ट है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस को हमने कहा था स्कोप ड्राफ्ट। ना स्कोप ड्राफ्ट मतलब एस से सर्वेंट अलाउंस, सी से सिटी कंपलसरी, ओवर टाइम प्रोजेक्ट यहां देखते रहिएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस ड्राफ्ट, ये डियरनेस अलाउंस, रूरल अलाउंस, एब्सेंट अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये सारा यहाँ आ गया। इसके अलावा बाकी कुछ अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मैरिज अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, हॉलीडे होम अलाउंस, फिजिकली फिट अलाउंस, लंच अलाउंस, ब्रेकफास्ट अलाउंस एंड डिनर अलाउंस, यानी कि किसी भी नाम से दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलाउंसेस दिया जाता है मोटिवेट द एम्प्लॉइज, और अगर वो मोटिवेट हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको अलाउंसेस मिला है इनको छोड़ के तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। स्पेशल अलाउंस को छोड़ के तो फुल्ली टैक्सेबल है। पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस जिसमें सिर्फ HR है इनको छोड़ के तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये नाम बहुत लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नाम लिखे जो एग्जाम में जनरली आते हैं। अब स्पेशल लॉयंस, स्पेशल लॉयंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने कहा कि पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में फर्क यही है कि पार्ट 1 में जो जिस काम के लिए आपको अलाउंस दिया गया है उस काम के लिए अगर आप खर्च कर देंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। पार्ट 2 में जिस काम के लिए दिया गया है उसका खर्च करे या ना करे आपको एग्जेम्प्शन मिलके रहेगा एज पर इनकम टैक्स। तो यहां पर पार्ट 1 एग्जेम्प्शन में लिखा हुआ अमाउंट स्पेंट टुवर्ड्स ऑफिशियल पर्पस और स्पेसिफाइड पर्पस, यानी कि जिस काम के लिए दिया गया है उस काम के लिए आपको खर्च करना है, स्पेंड टुवर्ड्स ऑफिशियल और स्पेसिफाइड पर्पस। इसका हमने एक एक्रोनिम बनाया था डक। देखिए यहां पर देखिएगा, ट्रांसफर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रांसफर, हेल्पर, एकेडमिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेली, यूनिफॉर्म, कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। आप सिर्फ ये जो एकेडमिक है आप ये कह सकते हैं कि इंप्लॉय को आगे पढ़ने के लिए जो पैसा दिया गया दैट इज एकेडमिक अलाउंस, और ये जनरली पर्सनल पर्पस के लिए होता है और ये उसके बावजूद टैक्सेबल हो गया। बाकी ट्रांसफर, डेली, हेल्पर, यूनिफॉर्म, कन्वेंस, ट्रैवलिंग, ये सब तो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है। एक डेली अलाउंस जो होता है, डेली अलाउंस क्या होता है, जो आपको मान लीजिए आप कोई बस का ड्राइवर है वो दिल्ली से अमृतसर लेके जा रहा है बस को, तो दिल्ली से अमृतसर जिस दिन
सेम डे आना जाना पॉसिबल नहीं है, 800 किलोमीटर का अगर जर्नी है ये, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर रहेगा, रास्ते में खाना पीना करेगा, और फिर वो वापस को बस भी लेके आएगा, और उसका ओरिजिनल रेजिडेंस दिल्ली में है, तो क्या करता है, रास्ते में जो खर्च होते हैं और यहाँ पर रहने खाने पीने का खर्चा, इन सबको मीट करने के लिए, इंप्लॉय को मीट करने के लिए उसको डेली अलाउंस दिया जा रहा है। तो इस ये दैट इज डेली अलाउंस, और जितना खर्च करेगा उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आते हैं पार्ट टू में, क्या लिखा हुआ, जितना इनकम टैक्स में लिखा हुआ उतना एग्जम्प्ट होगा, आप खर्च करें या ना करें। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जहां पर आपने फिर से रेसिडेंस और आपका 10 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, तो आप ये डेली बेसिस पे आप रेजिडेंस से ऑफिस और बैक करेंगे, तो उसका नाम लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ऑफिस पहुंचने के बाद आप ऑफिस के आसपास की जगह में जाएंगे, यानी कि विद इन सिटी तो आपको मिलता है कन्वेयंस अलाउंस। आपको सिटी के बाहर टूर के लिए भेज दिया गया तो ये मिलता आपको ट्रैवलिंग अलाउंस। आप जिस सिटी में आउटसाइड सिटी गए हैं आप, वहां पर उस सिटी में के आसपास आपको टूरिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए मिलता आपको डेली अलाउंस। और डेली अलाउंस में टूर भी आता है, अकोमोडेशन भी आता है, और फूड भी आता है, लॉजिंग बोर्डिंग ये सब आता है, दैट इज डेली अलाउंस। इसमें अगर आप देखेंगे डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये पार्ट वन में था, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पार्ट टू में है। तो अब हम लोग पार्ट वन में अगर है तो जितना खर्च करेगा तो एग्जम्प्ट है, पार्ट टू में ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 पर मंथ मिला करता था, ये अब नहीं मिलता है, अब इसके बदले मिलता है स्टैंडर्ड ऑप्शन, जो हम लोग करेंगे आगे। और अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन को लिए मिलता है, ब्लाइंड हो तो मिल जाता है एग्जम्प्शन। वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है, चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एग्जम्प्शन की। एग्जम्प्शन सिर्फ डिसेबल्ड को मिलेगा, और कितना, अप टू ₹3200 पर मंथ इज एग्जम्प्ट फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो अगर 4000 मिल रहा है और खर्च कर रहा है मान लीजिए ₹4000 खर्च कर रहा है, तो एग्जम्प्शन 4000 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जम्प्शन के एग्जम्प्शन खर्चे के बेसिस पर नहीं है, जितना लिखा हुआ उतना है, तो 3200 ही एग्जम्प्शन मिलेगा, खर्च ज्यादा करे या कम करे। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस, हमने यहाँ पर बताया था बच्चे होने चाहिए, पढ़ाई करे या ना करे, हॉस्टल में रहे या ना रहे, ये एग्जम्प्शन मिलकर रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ इज एग्जम्प्ट मैक्सिमम टू चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ इज एग्जम्प्ट मैक्सिमम टू चाइल्ड। आउटस्टेशन अलाउंस इज जस्ट लाइक डेली अलाउंस, या तो आपको डेली अलाउंस मिलेगा या आउटस्टेशन अलाउंस मिलेगा, यानी कि अपने सिटी से बाहर जाने के लिए, तो अपने सिटी से बाहर जाएंगे तो फिक्स बेसिस पे आपको 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट। लेकिन ये आउटस्टेशन अलाउंस किसको मिलता है, ये आउटस्टेशन अलाउंस किसको मिलता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलता है। तो एग्जम्प्शन भी किसको मिलेगी, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलेगी, यानी कि जो ट्रेन चला रहे हैं, जो बस चला रहे हैं, जो प्लेन चला रहे हैं, उनके लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के एम्प्लॉइज आउटस्टेशन अलाउंस का एग्जम्प्शन नहीं ले सकते, वो डेली अलाउंस का ही एग्जम्प्शन लेंगे। आया, अब आइए पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंस में, जब एचआरए है, एचआरए में हमने मैक्सिमम एक्चुअल फॉर्मूला MAF बना दिया है, ताकि आप याद रखें मैक्सिमम एग्जम्प्शन कितना मिलेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में, तो 50% ऑफ सुपर एनुएशन सैलरी और SAS यानी कि SAS का मतलब क्या हुआ, बेसिक सैलरी प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होना चाहिए कि DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड। तो ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी और प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है कि ग्रेच्युटी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, यानी जितने साल काम किया, 10 साल काम किया, इनटू बेसिक सैलरी प्लस 50% ऑफ DA। इसका मतलब क्या हो गया कि 50% DA बेसिक सैलरी में हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस लिए ऐड कर रहे हैं, ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए। तो SAS क्या होता है कि DA इज एडेड टू बेसिक सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, देन दिस DA इज अ
पार्ट ऑफ सास, और यही एचआरए के कैलकुलेशन में भी काम आएगा। और प्लस कमीशन, इफ कमीशन किस लिए, कमीशन वही वाला ऐड करेंगे इफ इट इज बेस्ड ऑन सेल्स टर्नओवर एंड दैट सेल्स टर्नओवर इज अचीव्ड बाय एम्प्लॉई। तो कंपनी का टर्नओवर नहीं, जैसे यूरोप के फॉक्स के एम्प्लॉइज हैं वो टर्नओवर जो अचीव करते हैं डोर टू डोर सेल करके, उनके बारे में बात कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ सेल्स पीपल के लिए ही कमीशन ऐड होता है, और इसलिए भी ऐड होता है कि जिसको कमीशन इसके बेसिस पे मिलता है उनको बेसिक सैलरी उनकी कम कर दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस कमीशन इफ बेस्ड ऑन सेल्स टर्नओवर एंड सेल्स टर्नओवर इज अचीव्ड बाय एम्प्लॉई देन इट विल बी पार्ट ऑफ सास, और अगर अदर देन मेट्रो सिटीज है तो 40% ऑफ सास। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फॉर्मूला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सास। और हमने कहा था अनअफोर्डेबल रेंट का एग्जेम्पशन मिलता है, तो आप 10% ऑफ सास तक अफोर्डेबल रेंट है उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 10% ऑफ सास से जितना ज्यादा आप पेमेंट करेंगे उसी का एग्जेम्पशन मिलेगा। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आया इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, ग्रॉस सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। फिर एंटरटेनमेंट अलायंस, एंटरटेनमेंट अलायंस का जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलायंस, प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलायंस इज फुल्ली टैक्सेबल। जो हमने यह फुल्ली टैक्सेबल अलायंसेस में ई फॉर एंटरटेनमेंट अलायंस किया था, यानी कि ग्रॉस सैलरी में हर हालत में चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरटेनमेंट अलायंस ऐड होकर रहेगा। नीचे जब हम लोग माइनस करेंगे, नीचे जब माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी में से, तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए माइनस होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए माइनस नहीं होगा। वैसे प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए तो नुकसानदेह हो गया। भैया प्राइवेट एम्प्लॉय क्या करता है, वो एंटरटेनमेंट अलायंस का रीइंबर्समेंट करवा लेता है, और एंटरटेनमेंट अलायंस का नहीं, एंटरटेनमेंट के खर्चे का रीइंबर्समेंट करवा लेता है। और अगर अगर ऐसा रीइंबर्समेंट है फॉर ऑफिशियल पर्पस है तो वो तो फिर परक्विजिट्स अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। दूसरी बात, एंटरटेनमेंट अलायंस होता क्या है, इंप्लॉई अपने एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट अलायंस ले सकता है या इंप्लॉई क्लाइंट के एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट अलायंस ले सकता है। तो ये जो एंटरटेनमेंट अलायंस मिलता है वो क्लाइंट के एंटरटेनमेंट के लिए मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास क्लाइंट तो नहीं आते, जो विजिटर्स आते हैं उनको खाना पीना खिलाने के लिए एंटरटेनमेंट अलायंस मिलता है। तो बहुत पुराना है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया है, और मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलायंस मिलता होगा। लेकिन एकेडमिक है, मैक्सिमम 5,000, एक्चुअल फॉर्मूला 20%, और बेसिक सैलरी है, सास नहीं है, याद रखिए। यहाँ भी MAF आ गया, तो हमने जगह जगह ये एक्रोनिमी यूज किया हुआ है, इसीलिए हमारी किताब का नाम मेमोरी रिटेंशन टेक्निक्स भी है। हमने खुद के कुछ टेक्निक्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। तो MAF मैक्सिमम 5,000, और ये 5,000 में पर मंथ ये सब नहीं लिखा हुआ, पूरे इनकम टैक्स में याद रखिएगा, जहां पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था ये आप मान के चलिए ये लमसम है। लमसम अगर आपको एंटरटेनमेंट अलायंस 3 महीने के लिए मिल रहा है तब भी 5,000, अगर एंटरटेनमेंट अलायंस आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है तब भी 5,000, दैट इज द मैक्सिमम फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलायंस रिसीव एंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, अगर ये लमसम है 5,000 तो ये बेसिक सैलरी भी पूरा लमसम होगा, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो उनके स्टेट में जो काम करता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगा देती है। प्रोफेशनल टैक्स कब, जब सेल्फ एम्प्लॉयड पे लगता है, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स कब, जब एम्प्लॉयज पे लगता है। और क्योंकि ये आपका खर्चा है, सैलरी को कमाने का खर्चा है, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका माइनस होगा, किस कहां होगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में। ये खर्चा एम्प्लॉई को करना चाहिए, लेकिन अगर एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉई के बिहाफ में तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा। डिडक्शन अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। वेयर द दिस टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई देन इट इज फर्स्ट एडेड टू ग्रॉस सैलरी एंड देन डिडक्शन इज अलाउड, तब डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट अलायंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों को मिलता है। आया अच्छा, अब अच्छा ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, अगर आपको किसी को पीडीएफ अलग से खरीदना है क्योंकि यूट्यूब में जाएगा उनके लिए भी बताना है, तो एक किताब हमारी आती है फास्ट ट्रैक क्विक रिविजन इनकम टैक्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई भी इसको खरीदना चाहता है अलग से, पूरी किताब नहीं खरीदना चाहता, इसकी पीडीएफ खरीदना चाहता है, तो 100 रुपीज में ये मिलती है, आप जाइए पेमेंट कीजिए डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर,
स्पेसिफाइड इंप्लॉय। अब आता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ परक्विजिट्स। नाउ परक्विजिट्स के टैक्स ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही पुराना लॉ इन्होंने बनाया हुआ, अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया है। आज परक्विजिट्स की टैक्स ट्रीटमेंट के लिए इंप्लॉयज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेसिफाइड इंप्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड। हमने लॉजिक बताया था कि स्पेसिफाइड इंप्लॉय कौन होता है, जो कंपनी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, कंपनी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, वो है स्पेसिफाइड इंप्लॉय। और अगर ये कंपनी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है तो कंपनी अगर कुछ भी खरीदेगी, मान लीजिए कंपनी गाड़ी खरीदती है, तो सबसे पहले अपने आप को दे देगा, जो कंपनी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है। तो कौन है वो जो कंपनी के रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, वो है डायरेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड इंप्लॉय। तो इंप्लॉय भी है प्लस डायरेक्टर भी है। शेयर होल्डर जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी कि 20% प्लस इंप्लॉय भी है। और ये जो लास्ट है, ये हमारा लॉजिक खराब करता है, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ ये। और ये कैश टैक्सेबल सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो ये स्पेसिफाइड इंप्लॉय है। तो आज 50,000 यानी कि 4,000 पर मंथ, तो आजकल पीएम की भी सैलरी इससे ज्यादा होती है, तो यहां लॉजिक खराब होता है। लेकिन ओरिजिनली जब ये कई साल पहले, 20 साल पहले आया था, तब तो वो ठीक था, लेकिन आज के डेट में ये कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होना चाहिए, जो अभी तक चेंज नहीं हुआ। और जो डायरेक्टर नहीं है, 20% एम्प्लॉय नहीं है, ये नहीं है, तो वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। वो सब ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सारे परक्विजिट्स सबके हैंड में टैक्सेबल नहीं है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हमने परक्विजिट्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हमने कहा था कैटेगरी ए परक्विजिट्स, कैटेगरी बी परक्विजिट्स और कैटेगरी सी परक्विजिट्स। ए को हमने कहा था एफएलओ, बीएफएल, एफएलओ, सुल, जीएमएच, सीसीपीए, अभी बता रहे हैं गेट एमएससी और अदर्स। हमने कहा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो सब किसी भी तरह का परक्विजिट्स है, हर परक्विजिट्स में टैक्स देगा। ये नॉन स्पेसिफाइड है तो इस पे देगा, इन पे नहीं देगा, इस पे नहीं देगा। तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय होने से, क्योंकि कंपनी के रिसोर्सेस को आप कंट्रोल करते हैं, आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉय में कम देना पड़ रहा है। अब आइए, तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय, इंप्लॉय प्लस डायरेक्टर, इंप्लॉय प्लस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एंड इंप्लॉय होल्डिंग एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर इन अ कंपनी, एंड इनकम फ्रॉम सैलरी लेस सैलरी इन काइंड, यानी कि कैश टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स ₹50,000, तो ये कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय, कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉय होगा। अब आइए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, जिसको हम लोग कैटेगरी ए परक्विजिट्स बोल रहे हैं, कैटेगरी ए, ये रहा कैटेगरी ए परक्विजिट्स। और अगर कैटेगरी ए परक्विजिट्स है तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड इंप्लॉय दोनों देंगे, दोनों देंगे। और है कौन कौन से? ए फॉर एकोमोडेशन, एफएलओ, सुल, जीएमएस, सीसीईए, एकोमोडेशन, ईए कुछ और लिखा हुआ है, एकोमोडेशन, फर्नीचर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑब्लिगेशन, एफएलओ हो गया, सुल, सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, यूज ऑफ एसेट्स, एक मिनट, यूज ऑफ एसेट, लोन फैसिलिटी, सुल, जीएमएच, गिफ्ट्स, मील फैसिलिटी, हॉलिडे होम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, क्लब, ईसोप एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इतने हो गए। तो अब आते हैं अकोमोडेशन के ऊपर। ना अकोमोडेशन कब टैक्सेबल है? हमने कहा था जितने भी परक्विजिट्स हैं, एक बात और मैं बता दूं, वैल्यूएशन और परक्विजिट में हमने बताया था ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल एज पर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, यानी कि जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा उतना टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने कोई फर्नीचर किराए पे लेके आपको एम्प्लॉय को दिया है तो जितना किराया है उतना टैक्सेबल होगा, बिकॉज दिस इज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अगर मैंने आपको गाड़ी किराए पे लेके दी है तो जितना गाड़ी है का किराया है उतना एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने खरीद के आपको दिया है तो जितना मैंने खरीदा है वो आपको मैंने बेचा नहीं है, याद रखिएगा, मैं तो आपको यूज करने दे रहा हूं, तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, करेक्ट है। और अगर एम्प्लॉय ही खरीदता है और रीइंबर्समेंट करवा लेता है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या होगा? जितना रुपया रीइंबर्स करवाएगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा।
तो हमने आपके साथ एक टेबल बनाया था, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ. अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, अरेंज्ड परक्विजिट्स इज अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर एंड अरेंज्ड बाय एम्प्लॉई. अगर अरेंज्ड बाय एम्प्लॉई है तब तो आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. जितना अमाउंट रीइंबर्स्ड होगा, जितना अमाउंट रीइंबर्स्ड होगा उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई, बिकॉज दिस इज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर आपको या तो खरीद के एसेट देगा या फिर हायर करके देगा. अगर हायर पे दिया, किराए पे लेके दिया, तब भी कोई दिमाग नहीं लगाना, हायर चार्जेस टैक्सेबल है. लेकिन अगर खरीद के दिया तब सोचना पड़ता है क्या चीज टैक्सेबल है. तो यहां पर जनरली है 10% पर आना आया, और अगर रिकवरी है तो माइनस हो जाएगा. अब आते हैं, ये जो रूल हमने बताया था ये अकोमोडेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1000 square feet की जो जगह है पूरे इंडिया में, अगर 1000 square feet की आप रहने की जगह देखेंगे तो वाइड वेरिएशन ऑन रेंट है, वाइड वेरिएशन ऑन परचेज वैल्यू है. तो ओन्ड है तो परचेज वैल्यू के बेसिस पर 10% टैक्सेबल कर देंगे, और किसी इंप्लॉय की बेसिक सैलरी मान लीजिए 1,00,000 रुपया है पर मंथ, तो वो दिल्ली में कमा रहा है 1,00,000 रुपया पर मंथ क्योंकि दिल्ली में उसको रहने के लिए दिया गया है, तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. और अगर यही अजमेर में या कुछ छोटे से गांव में 1,00,000 रुपया पर मंथ है और वहां रह रहा है तो इसको कम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वहां परचेज वैल्यू कम है. तो इक्विटी लाने के लिए उन्होंने कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन में अप्लाई नहीं किया. और क्या किया ये देखिए, सिटी हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ, लेटेस्ट सेंसस है याद रखिएगा, ये 2001 नहीं होगा, लेटेस्ट सेंसस. अगर अकोमोडेशन इज अप टू 10 lakh और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, खरीद के दे रहा है, तो 10% नहीं, 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल. 10 lakh से 25 lakh के बीच में 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल, और एक्सीड्स 25 lakh तो 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल. कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होता है तो जितने रुपए का उसने रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदा उतने रुपए का 10% या 7.5% करते हैं. लेकिन ऐसा किया नहीं, उन्होंने क्या किया, अकोमोडेशन सैलरी के बेसिस पे टैक्स कर दिया. उससे क्या हुआ, इक्विटी आ गई. अब जो दिल्ली में रहने वाला 1,00,000 रुपया पर मंथ के बेसिस पे और जो गांव में रहने वाला उसके लिए भी 1,00,000 रुपया पर मंथ के बेसिस पे टैक्सेबिलिटी कर दिया. तो इक्विटी लाने के लिए ये किया. और अगर कम पॉपुलेशन है तो कम टैक्सेबल, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा टैक्सेबल. तो इक्विटी पूरी तरह से आ गई. तो 7.5% अकोमोडेशन सैलरी, अकोमोडेशन सैलरी, अकोमोडेशन सैलरी. अकोमोडेशन सैलरी क्या होता है, बोला जितना भी आप सैलरी से कमा रहे हैं, दैट इज अकोमोडेशन सैलरी. तीन को छोड़ के कौन कौन से, डीएनएस अलायंस, परक्विजिट्स और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड. ये लिखा हुआ है, अकोमोडेशन सैलरी डू नॉट इंक्लूड परक्विजिट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. बाकी सब कुछ सास में तो सिर्फ दो ही चीज हम लोग ऐड कर रहे थे, बेसिक सैलरी तो है ही है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन इफ, और कमीशन में भी कंडीशन था, लेकिन यहां पर कमीशन में कोई कंडीशन है, सब कमीशन. और एक बात बता दूं, अकोमोडेशन सैलरी जब भी कंप्यूट करते हैं हम लोग ड्यू बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, यानी कि अकोमोडेशन सैलरी जब भी कैलकुलेट करेंगे ड्यू बेसिस पे. लेकिन याद रखिएगा, बोनस ड्यू बेसिस पे अकोमोडेशन सैलरी में आएगा, लेकिन टैक्सेबिलिटी आएगी रिसीट बेसिस पे, टैक्सेबिलिटी आएगी रिसीट बेसिस पे. एडवांस सैलरी अकोमोडेशन सैलरी में नहीं आएगा क्योंकि ड्यू नहीं हुआ, ये तो पहले ही मिल गया इसीलिए एडवांस सैलरी है. तो याद रखिएगा, जब भी कोई रूल अप्लाई करना हो, इनकम फ्रॉम सैलरी जब निकाल रहे हैं तो ड्यू और रिसीट व्हिचएवर मैच्योर सैलरी है, लेकिन जब आप अकोमोडेशन सैलरी निकाल रहे हैं तो ड्यू बेसिस ही है, ड्यू बेसिस. और इनफैक्ट सास जब निकाल रहे हैं तब भी ड्यू बेसिस है, सास ये वाला आचार्य के लिए जब आप सास निकालेंगे या लीव सैलरी ग्रेचुटी के लिए निकालेंगे तब भी ये ड्यू बेसिस पे ही है. आया, तो अकोमोडेशन सैलरी में सब कुछ आता है ड्यू बेसिस पे, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, फीस, तीन चीज को छोड़ के जो हमने यहां लिखा है. अगर आपको रहने के लिए घर, रहने के लिए जगह होटल में दी गई है तो 24% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर इज टैक्सेबल. अब होटल याद रखिएगा, गांव में हो, जंगल में हो, फाइव स्टार है तो रेट,
इक्वल है, जितना दिल्ली में उतना ही जंगल में भी होगा, इनफैक्ट जंगल में तो ज्यादा होगा। तो पॉपुलेशन ये सबके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता, होटल का अकोमोडेशन की सैलरी, इसीलिए सबसे ज्यादा है 24% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी और हायर चार्जेस विच एवरेज लोअर। एग्जेम्प्ट अगर आपको सिर्फ 15 दिन के लिए टेम्पररी स्टे के लिए दिया गया है तो ये होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपको टेम्पररी स्टे के लिए दिया गया फ्रॉम, अगर आपको ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। फर्नीचर, यहां से देखिए फर्नीचर में कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट आ गया। ओन बाय एम्प्लॉयर एट द 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज टैक्सेबल, डब्ल्यूटीवी नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखिए क्या डिफरेंस है, अकोमोडेशन टैक्सेबल करते वक्त अकोमोडेशन सैलरी के बेसिस पर टैक्सेबल किया, फ्लैट का कॉस्ट नहीं लिया। यहाँ पर फर्नीचर का कॉस्ट लिया है हमने, यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि इक्विटी लानिंग है। और यहाँ हायर बाय एम्प्लॉयर है तो जितना हायर चार्ज उतना टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, हमने पहले ही बता दिया, अगर पेड बाय एम्प्लॉई है तब तो ऐड होना नहीं है, सिर्फ डिडक्शन मिलेगा ATC का। लेकिन एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉई के बिहाफ पे तो पहले ऐड होगा सैलरी में, किस बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, लेकिन ATC का डिडक्शन मिलेगा पेड बेसिस पे। ये सब याद रखिएगा, इन क्वेश्चन आएंगे। और मैंने कहा था जहां कलेक्टिव इंजॉयमेंट ऑफ परचेजर्स होता है वहां जनरली एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर ग्रुप इंश्योरेंस किया गया है, कलेक्टिव इंजॉयमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल एज के बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग एवरेज बेसिस पे टैक्स नहीं कर सकते। और इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मार्केट में अगर इतना एज है तो इतना प्रीमियम टैक्स कर देंगे, तो मार्केट फीस के बेसिस पे भी टैक्स नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम अगर कलेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ परक्विजिट्स है तो एग्जेम्प्ट करेंगे। इसके बाद ओ AFLO ऑब्लिगेशन, AFLO ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कोई भी बिल हो, किसी भी तरह का बिल हो, अगर वो पेमेंट एम्प्लॉय को करना चाहिए लेकिन अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए रीइंबर्समेंट है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और पर्सनल पर्पस के लिए तो जितना रीइंबर्स होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा। और टैक्सेबल किस बेसिस पे होगा, पेड बेसिस पे। एक बात याद रखिएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, ये कैसे पता लगता है, हमने बताया अगर वर्ड रीइंबर्स लिखा हुआ है इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, अगर वर्ड फैसिलिटी लिखा हुआ है देन इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन इट इज ए फैसिलिटी, यानी कि एम्प्लॉयर दुकान खोल के एम्प्लॉय को यूज करने दे रहा है तो इट इज फैसिलिटी। तो याद रखिएगा अरेंज बाय एम्प्लॉयर है तो कैसे पता लगेगा, अगर लिखा हुआ मान लीजिए मील फैसिलिटी, लिखा हुआ कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इसका मतलब एम्प्लॉयर ने हेडेक लिया है, एम्प्लॉयर ने दुकान खोली है। और अगर मील रीइंबर्समेंट, कैंटीन रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट या कोई और रीइंबर्समेंट, इसका मतलब एम्प्लॉय के नाम पर बिल है जिसका वो रीइंबर्समेंट करवा रहा है। अब आते हैं FLO के बाद SUL, SUL, जिसमें पहला है सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स। चलिए सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स में अगेन कॉस्ट टू द अगर एम्प्लॉयर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बोले एम्प्लॉयर ने अगर पहले से एसेट खरीदा हुआ है या नया एसेट खरीदता है 10 लाख रुपए का, 4 साल यूज करता है तो 4 साल का डिप्रिसिएशन में माइनस कर दूंगा, मान लीजिए वो आ जाता है 3 लाख, तो ये कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या हो गया, 7 लाख। अब इस एसेट्स को वो 1 लाख रुपया को एम्प्लॉय में को बेच देता है तो कितना एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा, 6 लाख। तो यही कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज प्राइस ऑफ द मूवेबल एसेट्स। फिर इन्होंने इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन के रेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, ये डिप्रिसिएशन के रेट कौन से हैं जो सैलरी में लिखे हुए हैं, याद रखिएगा डिप्रिसिएशन का चैप्टर का नहीं डाल लीजिएगा यहाँ पर। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड टू कंप्यूटर, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा 50% WDV, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट एग्जिस्ट करता है इसलिए WDV के बेसिस पे। मोटर कार 20% WDV के बेसिस पे, और अदर एसेट्स का सेकंड हैंड मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता 10% SLR। और हमने बताया था इसको याद करने का तरीका, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितने साल बाद लगता है आपको बदल देना चाहिए, 2 साल बाद, तो 100 डिवाइड बाय 2 50%। मोटर कार 5 साल बाद जनरली लोग बदलते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 5 20%, क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट एग्जिस्ट करता है इसलिए WDV। और अदर एसेट सोफा सेट फर्नीचर ये सब 10 साल बाद और कबाड़ में ही बिकता है इसलिए SLF। तो ये कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर आ जाएगा लेस सेल प्राइस ऑफ द एसेट, यानी कि रिकवरी, ये माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट आ जाएगा।
लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने बनाई हुई चीजें एम्प्लॉय को बेचता है, यानी कि स्टॉक एंड ट्रेड बेचता है, तो एग्जेम्प्ट है। और अगर ये चीज फ्री में दे देता है तो 5,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, गिफ्ट ऑफ एसेट अप टू ₹5,000। अब आते हैं यूज ऑफ एसेट। यूज ऑफ एसेट वैसा ही है जो हमने फर्नीचर का किया था, 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, किराए पे लिया तो किराया। लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टेलीफोन को अगर यूज करने एम्प्लॉयर देगा, चाहे भले ही पर्सनल पर्पस के लिए दिया हो, वो एग्जेम्प्ट है। अब आइए लोन फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ओन अकाउंट, यानी कि एम्प्लॉयर अपने अकाउंट में से पैसे एम्प्लॉय को देता है लोन के रूप में, तो एग्जेम्प्ट है। यहां पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में लिख देता कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से पैसा निकाल के देता है, तो वो लोन नहीं हुआ, एम्प्लॉय का अपना ही पैसा हुआ, तो टैक्सेबिलिटी का मतलब नहीं बनता है। अब ये लोन फैसिलिटी को टैक्सेबल कैसे करेंगे, बोला SBI लेंडिंग रेट के बेसिस पे। अगर मैं एम्प्लॉयर का कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकालने जाऊं, तो एम्प्लॉयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, तो मुश्किल होगा इसको इंप्लीमेंट करना। तो इन्होंने कहा सबसे बड़ा बैंक इंडिया का SBI है, SBI जिस रेट पे देगा वो रेट। अब दूसरी बात, अगर इंप्लॉय लोन ले रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, हजारों करोड़ों इंप्लॉयज है, वो अलग अलग डेट को लेंगे, और SBI लेंडिंग रेट हर डेट को अगर लोन का रेट चेंज करता तो मुश्किल होगी। मतलब किसी भी डेट को आप लोन लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अप्रैल को SBI लेंडिंग रेट, SBI ने जो रेट अनाउंस किया उस बेसिस पे। इसके बाद मतलब कैलकुलेशन कैसा होगा, डेली बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे होगा, पर डेली बेसिस पे तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करते हैं हम लोग मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और सर मंथली बेसिस पे किस डे को, फर्स्ट डे या लास्ट डे, लास्ट डे। तो बोला अमाउंट ऑफ ईच लोन आउटस्टैंडिंग, ईच का मतलब अगर आपने 3 तरह के लोन लिए, मोटर कार लोन अलग लिया, पर्सनल लोन अलग लिया, एडुकेशन लोन अलग लिया, तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। ईच लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो हर मंथ के लास्ट में आप देखिए अगर आउटस्टैंडिंग है तो कैलकुलेट कीजिए, नहीं है तो मत कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपया का लोन लिया 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को वापस कर दिया, तो कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इज 0। फिर नॉट टैक्सेबल, कब नॉन टैक्सेबल होगा, इफ द एग्रीगेट ऑफ लोन अमाउंट डो नॉट एक्सीड ₹20,000। यानी कि अगर आपने 3 लोन लिया है, तीनों लोन को मिला लीजिए और तीनों को चेक कीजिए कि वो क्या 20,000 से एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अगर इफ लोन इज टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, रूल 3 में दिया हुआ, रूल 3A में है शायद, स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उसके लिए अगर आपने लोन लिया तो वो एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट्स इन काइंड अप टू ₹5,000 एग्जेम्प्ट, गिफ्ट्स इन कैश तो बोनस है, तो बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। अब आते हैं, अब देखिए सुल हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं GMH, जी कर लिया, MHCCEA, एम से मील फैसिलिटी। अगेन मील फैसिलिटी में अगेन कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, खुद का कैंटीन है, यानी कि एम्प्लॉयर ने खुद के कैंटीन से अगर मील दे रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोला कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर के बेसिस। बोला कैसे 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 कैसे, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में क्या होगा, मान लीजिए पूरे मील को बनाने का दाल रोटी 3 तरह की सब्जी सलाद पापड़ अचार ये सबको पूरा बनाने का खर्चा आता है, और मान लीजिए 50,000 और 1,000 एम्प्लॉइज है, तो 50 पर मील आ गया, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकल जाएगा, टोटल मील का खर्चा डिवाइडेड बाय एम्प्लॉइज तो आ गया कॉस्ट पर मील। जनरली कॉस्ट पर मील आपके एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर आ जाएगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अप टू ₹50 पर मील, लेकिन इसमें कंडीशंस है, एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आपको ऑफिस आवर्स में दिया जाए और ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर ही दिया जाए, कहीं बाहर में ले आके दिया जाएगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फिर अगर आउटसोर्स कैंटीन है तो एम्प्लॉयर अपना कैंटीन नहीं चला रहा है, बाहर वाले को बोला कि तुम प्रोवाइड करो, तो फिर सेम कंडीशंस है, मील्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ईटेबल एट ईटिंग जॉइंट्स, यानी कि पैक नहीं करवा सकते, तब भी एग्जेम्पशन है, अमाउंट ₹50 पर मील। एग्जेम्प्ट क्या है, टी और स्नैक्स एग्जेम्प्ट है, मील प्रोवाइड इन ए रिमोट एरिया और एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। रिमोट एरिया का मैं मतलब बता देता हूँ, रिमोट एरिया ऐसा टाउन जिसका पॉपुलेशन शायद 10,000 ही लिखा हुआ है, 10,000 से कम है, यहाँ से 40 किलोमीटर का एक रेडियस बनाइए, इस 40 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जो जगह है दैट इज रिमोट एरिया, और यहाँ पर अगर आपको खाने के लिए दिया जा रहा है तो बहुत बड़ा एहसान भी किया जा रहा है कि आपको एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगी। अब आइए हॉलीडे होम फैसिलिटी। हॉलीडे होम फैसिलिटी में टू ट्रेवल एंड अकोमोडेशन, हमने डेली अलाउंस किया था, डेली अलाउंस था वो, ये क्या है, फैसिलिटी है,
और फैसिलिटी है यानी कि परक्यूजिट्स है, और परक्यूजिट्स है तो प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज। तो एक ऐसा गेस्ट हाउस जहां पर कोई भी एम्प्लॉई, चाहे वो कोई भी हो, लोअर ग्रेड का, हायर ग्रेड का, एमडी कोई भी हो, उसमें यूनिफॉर्मली कोई भी रूम बुक करवा के रह सकता है। तो जितना कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज वो टैक्सेबल। सर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकालेंगे कैसे? बोलो बहुत आसान है। बोला पूरे गेस्ट हाउस को मेंटेन करने का खर्चा मान लीजिए 2 लाख है और इसमें 10 रूम है और 365 से डिवाइड कर दीजिए तो पर रूम पर डे का खर्चा आ जाएगा। अब आपने 2 दिन के लिए बुक किया है तो ये पर डे पर रूम का जो खर्चा है उससे उतना टैक्सेबल हो जाएगा आपको। बहुत ही आसान है ये। तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। लेकिन अगर प्रोवाइडेड ओनली टू की मैन या सेलेक्टेड एम्प्लॉय यूनिफॉर्मली नहीं दिया जा रहा है तो जितना मार्केट फीस ऑफ सिमिलर गेस्ट हाउस हियर होटल इज टैक्सेबल। तो अगर आप देखिए कुछ गेस्ट हाउस है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैक्सिमम गेस्ट हाउस है और वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के गेस्ट हाउस है, इंफोसिस के गेस्ट हाउस, कुछ गेस्ट हाउस तो एकदम 5 स्टार फैसिलिटी टाइप की है। तो अगर 5 स्टार फैसिलिटी टाइप का गेस्ट हाउस है तो 5 स्टार होटल का जो रूम रेंट है उसके बेसिस पे यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादा टैक्सेबल आ रहा है क्योंकि आप सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को दे रहे हैं यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। तो जितना एम्प्लॉयर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो रहा है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी पर्सनल पर्पस, जितना अमाउंट रीइंबर्स होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा, ऑफिशियल एग्जेम्प्ट है। क्लब फैसिलिटी पर्सनल पर्पस, जितना अमाउंट रीइंबर्स होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा, ऑफिशियल पर्पस एग्जेम्प्ट है। और क्लब फैसिलिटी एग्जेम्प्ट कब है? कॉर्पोरेट मेंबरशिप इज एग्जेम्प्ट, हेल्थ क्लब फॉर ऑल एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट, स्विमिंग पूल, जिम, ये सब सब एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। ईसो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज डेट लेस रिकवरी इज टैक्सेबल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट, ऑन एक्सरसाइज डेट लेस रिकवरी इज टैक्सेबल। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, न्यू पेंशन स्कीम, ये सब ऐड हुआ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इज टैक्सेबल। फेलो सुल जीएमएस सीसीईए कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है? रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने इसको एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाला हुआ है। जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एक ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन कि अगर आप मेरे साथ 3 साल काम करेंगे तो हम आपको कंपनी का 1,000 शेयर्स देंगे, वो भी फ्री में, या फिर मार्केट प्राइस मान लीजिए 3,000 चल रहा है, हम आपको 2 रुपये में दे देंगे, तो इस तरह से। और फिर अलॉटमेंट होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया, एक्सरसाइज आपने यहाँ किया, तो इस दिन जो आपने एक्सरसाइज किया है इस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। और अलॉटमेंट भले बाद में हो रहा तो टैक्सेबिलिटी आएगी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन जो वैल्यू निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज निकालेंगे। तब यहां पर लिख सकते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब आइए कैटेगरी बी परक्यूज। कैटेगरी बी परक्यूज में क्या बताया था हमने कि इट इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कहां गया? हट गया। ओके, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ए दोनों टैक्स देगा, बी सिर्फ ये देगा, ये नहीं देगा। तो जब भी बी वाला परक्यूजर सा है तो आप चेक कर लीजिए कहीं 50,000 रुपए से अगर ज्यादा हुआ तब तो सेफ है, लेकिन अगर 50,000 से कम है तो आपका नॉन स्पेसिफाइड है तो इसको आप यहां पर टैक्स मत कर दीजिएगा क्योंकि यह नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। बाकी गैस कैटेगरी बी पर में गेट एमएससी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एम से मील, मेडिकल सर्वेंट एंड दिस इज कार फैसिलिटी। अब देखिए अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी दिया गया है आपको, अब देखिए वर्ड फैसिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यही गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रीइंबर्समेंट लिख दूंगा तो क्या होगा? तो रीइंबर्समेंट जैसे लिखा इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, तो ये ऑब्लिगेशन में चला जाएगा, कैटेगरी ए परक्यूजिट बन जाएगा और कैटेगरी ए परक्यूजिट जैसे बना कैटेगरी स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय भी टैक्स देगा। आया? तो उसको ध्यान रखें, इफ गेट एमएससी इज रीइंबर्स देन इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एनी अमाउंट रीइंबर्स इज टैक्सेबल इन बोथ द केसेस, एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोथ।
लेकिन अगर फैसिलिटी लिखा हुआ है यानी कि गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल इंप्लॉयर के नाम पे है, अब जनरली होता क्या, आप प्रैक्टिकली अगर मैंने आपको रहने के लिए घर दिया है, इंप्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, तो इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन होगा, इसमें वाटर का भी कनेक्शन होगा, तो जिसके नाम पे घर है उसी के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर का भी कनेक्शन होता है, तो ये सब फैसिलिटी होगा। तो अगर ऐसा है तो अकोमोडेशन तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अकोमोडेशन तो दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सिर्फ ये टैक्स देगा, ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, मतलब नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इलेक्ट्रिसिटी और वाटर में टैक्स नहीं देगा। आया गैस सिलेंडर जो है वो इंप्लॉयर भी दे सकता है, इंप्लॉय भी दे सकता है। अगर गैस का कनेक्शन का पाइप गया हुआ, आजकल तो पाइप आने लगा, तब तो ये इंप्लॉयर के नाम पर होगा, तो अगेन तो गैस फैसिलिटी लिखा हुआ है तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय देगा, नॉन स्पेसिफाइड नहीं देगा। गैस का रीइंबर्समेंट लिखा हुआ है तो दोनों देंगे, तो रीइंबर्समेंट जैसे लिखा तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा। तो गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी ओन्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज टैक्सेबल, देख लीजिए कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, अगर ओन्ड है यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो कॉस्ट पर यूनिट इज टैक्सेबल, अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बाहर से परचेज करके आपको दिया जा रहा है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तब तो कलेक्टिव एंजॉयमेंट है, कलेक्टिव एंजॉयमेंट है तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, एग्जेम्प्ट किया नहीं है, मतलब क्या किया, बोले सर एग्जेम्प्ट किया नहीं तो इन्होंने क्या किया है, बोले सर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकाल लेते हैं, बोले कैसे निकालते हैं कॉस्ट, स्कूल को मेंटेन करने का खर्चा मान लीजिए 10 लाख, 2000 स्टूडेंट ने डिवाइड कर दिए पर स्टूडेंट निकल जाता, बोले सर इनइक्विटी आ जाती, नर्सरी से भी उतना ही टैक्स, क्लास 12 से भी उतना ही टैक्स, बोला अच्छा 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 हटा दो, बोले कैसे टैक्स, बोले मार्केट फीस, बोले जैसा स्कूल एम्प्लॉयर चला रहा है, जैसे MCD के स्कूल चलते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय की जितनी फीस है उसको छोड़ दीजिए, अब केंद्र विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे, बोला सर ऐसा ही स्कूल उसी लोकेलिटी में देख लीजिए मार्केट फीस, कोई प्राइवेट स्कूल होगा वो जो उतना फीस चार्ज कर रहा है उतना एम्प्लॉय के हैंड में टैक्स कर देंगे, बस सर ना इंसाफी हो जाएगी, बोला 1000 रुपये एग्जेम्पशन ले लो 1000 पर मंथ, तो देखिए तो ज्यादा टैक्सेबल किया लेकिन एग्जेम्पशन भी दे दिया, तो टैक्सेबल क्या होगा मार्केट फीस, लेकिन एग्जेम्पशन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट, और यहां नंबर ऑफ चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है, याद रखिएगा बच्चे पढ़ेंगे तो एग्जेम्पशन है, नहीं पढ़ेंगे तो एग्जेम्पशन नहीं है। अलाउंस केस में बच्चे होने चाहिए पढ़ाई करें या ना करें, तो वहां पर लिमिट थी 2 चाइल्ड की, यहां कोई लिमिट नहीं है। अगर ये एम्प्लॉयर किसी और स्कूल में पढ़ रहा है तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, अपने स्कूल में नहीं है किसी हायर्ड या मेंटेन्ड स्कूल में तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, अगर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, और हायर्ड मतलब मेंटेन्ड यानी कि रीइंबर्समेंट इज टैक्सेबल, यहां पर आप लिख लीजिएगा रीइंबर्समेंट इज टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेलवे या एयरलाइन अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है, फ्री का टिकट देती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, Employer's own hospital fully exempt, government hospital fully exempt, treatment in prescribed is in approved hospital fully exempt, treatment in private hospital or reimbursement है तो fully taxable है। अब इसके जगह standard deduction आ गया, तो अगर देखेंगे तो 1600 per month and यहाँ पर 15000 का exemption मिलता था, 1600 into 12 कितना होता है, ये 1600 into 12 जो जल्दी से बताएंगे आप, 1000 into 12 12 12 और 7 19000 समथिंग होता होगा, 20000 मान लीजिए, यहां 15000 कितना हो गया, 35000 का आपको एग्जेम्पशन खत्म करके, 35000 का एग्जेम्पशन खत्म करके आपको स्टैंडर्ड एक्शन मिला, शुरुआत हुई थी 40000 से, फिर इसको बढ़ा के 50000 कर दिया गया। अब आइए Employers on business is exempt है, लेकिन ये exemption तभी मिलेगी जब आप इलाज करवाएंगे अपना खुद का या family members का, family members में कौन आएगा, self, spouse and children, children dependent or not dependent, और parents, brothers and sisters का इलाज करवाएंगे तभी exemption है जब ये dependent हो आपके, तो आपके साथ रहते हो और ये कोई कमाई नहीं कर रहे हैं और आपके साथ रह रहे हैं तो ये आपके ऊपर dependent माने जाएंगे और इनका अगर आप इलाज करवाएंगे तो exempt है, लेकिन इन लॉस का इलाज करवाएंगे, इलाज तो करवाइए लेकिन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी।
सर्वेंट फैसिलिटी, जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा यानी कि जितनी सैलरी होगी सर्वेंट की उतनी टैक्स होगा। इसके बाद कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी में देखिए हमने तीन ऑप्शन आपको बताया कार फैसिलिटी में, ये इनफैक्ट चार ऑप्शन देख लीजिए आप, गाड़ी किसकी और गाड़ी को चलाने का जो खर्चा है रेगुलर एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, पहला इंप्लॉयर की गाड़ी तो खर्चा भी इंप्लॉयर को करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा है, सॉरी गाड़ी किसकी इंप्लॉयर की, खर्चा भी इंप्लॉयर को करना चाहिए, गाड़ी किसकी इंप्लॉयर की लेकिन खर्चा इंप्लॉय कर रहा है, गाड़ी किसकी इंप्लॉय की लेकिन खर्चा इंप्लॉयर कर रहा है, गाड़ी किसकी इंप्लॉय की खर्चा भी इंप्लॉय कर रहा है, तो यहां पर तो मेरी गाड़ी मेरा खर्चा मुझे किसी से कुछ मिल नहीं रहा तो इनकम नहीं है तो इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। अब गाड़ी इंप्लॉयर की खर्चा भी इंप्लॉयर कर रहा है और इंप्लॉय यूज कर रहा है तो ये दोनों चीज टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस। अगर गाड़ी इंप्लॉयर का है या किराए पे लेके दिया है, अगर खुद का गाड़ी है तो 10% किराए पे लेके दिया तो हायर चार्जेस तो यूज ऑफ कार का हो गया, और गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, ये सब भी इंप्लॉयर कर रहा है लेकिन इंप्लॉय के लिए कर रहा है तो जितना भी रेगुलर एक्सपेंसेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा, यस और नो। और ये अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया गया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया तो टैक्सेबल है। अब देख लीजिए, गाड़ी इंप्लॉयर की, कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, रेगुलर एक्सपेंसेस इज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज यूज होली फॉर पर्सनल पर्पस, तो यूज ऑफ कार, यूज मतलब 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार, और हायर तो हायर चार्जेस, और रेगुलर एक्सपेंसेस प्लस अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर माइनस रिकवरी टैक्स। लेकिन गाड़ी आपको दिया गया है मिक्स पर्पस के लिए यानी कि ऑफिशियल और पर्पस, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए दिया गया है, और गाड़ी आपकी छोटी है अप टू 1600 सीसी तो 1800 पर मंथ इज टैक्सेबल, और अगर गाड़ी बड़ी है एक्सीडिंग 1600 सीसी तो 2400 पर मंथ इज टैक्सेबल, और ड्राइवर दिया गया तो 900 पर मंथ इज टैक्सेबल, और बहुत कम टैक्सेबल किया गया इसलिए रिकवरी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी इंप्लॉयर की है और खर्चा इंप्लॉय बियर कर रहा है तो ऑब्वियसली सिर्फ यूज ऑफ कार इज टैक्सेबल होगा, ड्राइवर की सैलरी अगर ड्राइवर दिया गया है तो प्लस माइनस रिकवरी इज टैक्सेबल, क्योंकि खर्चा इंप्लॉय बियर कर रहा है तो यहां पर टैक्सेबिलिटी कम आएगी, यहां से सिर्फ यूज ऑफ कार के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी आएगी 600 पर मंथ, 900 पर मंथ और ड्राइवर का 900 पर मंथ। लेकिन और याद रखिएगा ये दोनों केसेस टैक्सेबल किसके हैंड में होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय केस में ये दोनों केस टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर गाड़ी इंप्लॉय की है खर्चा इंप्लॉय को करना चाहिए लेकिन अगर इंप्लॉयर कर रहा है तो इट इज अ केस ऑफ रीइंबर्समेंट, और रीइंबर्समेंट हो गया यानी कि ऑब्लिगेशन हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ इंप्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर कितना क्या खर्चा कर रहा है रेगुलर एक्सपेंसेस का, तो सिर्फ रेगुलर एक्सपेंसेस प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर माइनस रिकवरी इज टैक्स। और यहां पर अगर ऐसा है और मिक्स पर्पस के लिए दिया गया तो एग्जम्पशन है अप टू 1600 सीसी 100 पर मंथ इज एग्जम्प्ट, अब एक्सीडिंग 1600 सीसी 2400 पर मंथ इज एग्जम्प्ट, और ड्राइवर है तो 900 पर मंथ इज एग्जम्प्ट, क्योंकि यहां पर एग्जम्पशन है इसलिए रिकवरी इज एप्लीकेबल। आया? कैटेगरी सी परप्यूजेस कौन से होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देगा ना नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय देगा, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस, कलेक्टिव एंजॉयमेंट, यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर एंड टेलीफोन एग्जेम्प्ट, गिफ्ट्स इन काइंड अप टू रुपीज 5000 एग्जेम्प्ट, सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड टू इट्स एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट, दैट आर अदर एसेट विच इज 10 ईयर ओल्ड, जहां पर 10% SLM के बेसिस पे डिप्रिसिएशन मिलता था, 10 साल बाद उस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसलिए एग्जेम्प्ट, लोन फैसिलिटी अप टू 20,000 एग्जेम्प्ट, लोन गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज एग्जेम्प्ट, क्रेडिट कार्ड क्लब ऑफिशियल पर्पस एग्जेम्प्ट, हेल्थ क्लब फॉर यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट, कॉर्पोरेट मेंबरशिप इनिशियल फीस इज एग्जेम्प्ट, हॉलीडे होम फैसिलिटी ऑफिशियल पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट, मील फैसिलिटी अप टू रुपीज 20-50 पर मील इज एग्जेम्प्ट, मील इन रिमोट एरिया एग्जेम्प्ट, होटल अकोमोडेशन ट्रांसफर एंड अप टू 15 डेज इज एग्जेम्प्ट, एजुकेशन फैसिलिटी अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट, स्कॉलरशिप इज एग्जेम्प्ट, मेडिकल फैसिलिटी इन ओन हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेसिफाइड डिजाइन इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट, और एक कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट, हेल्थ इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट, ये आप लिख लीजिएगा।
एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट, हेल्थ इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्ट। अब हमने कुछ डिफरेंस दे दिए, मेडिकल लॉन्स अगर मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है तो भी फुल्ली टैक्सेबल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है, अगर मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो अगर आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है और मेडिकल रिइंबर्स तो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वहां पर मेडिकल अलाउंस लेना एडवाइजेबल नहीं है। कार अलाउंस मिक्स्ड या कन्वेंस, ऑफिशियल एग्जेम्प्ट होगा, पर्सनल टैक्सेबल होगा। और उसी तरह से कार फैसिलिटी अगर मिक्स दिया जा रहा है तो अभी जो हमने किया 18, 24, 600, 900 पर मंथ इज टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ ओनली फॉर डिसेबल्ड, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलता है घर से ऑफिस और बैक तो एग्जेम्प्ट है, तो ऑब्वियसली ये एडवाइजेबल है। हाउस रेंट अलाउंस MAF इज एग्जेम्प्ट, अकोमोडेशन 7.5%, 10% या 15% अकोमोडेशन सैलरी टैक्सेबल। तो अगर आपको सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करना, कम सैलरी कब टैक्सेबल होगी, तो दोनों फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के पास चॉइस है, तो बड़े एम्प्लॉयर ही होते हैं जो रहने के लिए घर देते हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉयर तो देते भी नहीं है। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट फैसिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली टैक्सेबल। मील अलाउंस और मील फैसिलिटी में आपको ₹50 पर मिल जाएगा। चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एडुकेशन, सॉरी चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस एंड एडुकेशन फैसिलिटी में आपको 100 पर मंथ प्लस 300 पर मंथ मैक्सिमम टू चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट। तो और यहाँ पर अगर पढ़ाने का है तो कलेक्टिव पेमेंट है, मार्केट फीस इज टैक्सेबल 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ चाइल्ड। टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन फैसिलिटी अलाउंस फुली टैक्सेबल, फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट। यूज ऑफ फर्नीचर, तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। एम्प्लॉयर का कहता है सर फर्नीचर क्या दोगे, मुझे पैसे दे दो लोन के रूप में, मैं फर्नीचर खरीद ही लूंगा लोन से, तो लोन फैसिलिटी ये SBI लेंडिंग रेट के बेसिस पे टैक्सेबल होगा। और गिफ्ट इन काइंड अप टू ₹5000 और गिफ्ट इन कैश तो बोनस है, फुल टैक्सेबल होगा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ, कल मिलते हैं आपसे और कल करते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इसको हमने बनाया था 15-20 दिन लगातार बैठ के, ये फास्ट ट्रैक हमने बनाया था, तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। मुझे नहीं लगता मार्केट में ऐसी कोई भी बुक एग्जिस्ट करती है। प्रोविडेंट फंड ना, हमने आपको बताया था प्रोविडेंट फंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, दो एक्ट से गवर्न होता है। एक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 वाला है और एक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 वाला है। इसमें दो प्रोविडेंट फंड आए हैं इस एक्ट के थ्रू, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और यहां पर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और यही अगर रिकग्नाइज हो जाता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा तो ये बन जाता है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इन सब में कंट्रीब्यूशन जाएगा, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा किसके अकाउंट में, इंप्लॉई के अकाउंट में। ये समझ लीजिए एक तरह का बैंक अकाउंट है इंप्लॉई के नाम पे। तो इंप्लॉयर एम्प्लॉई के अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंप्लॉई के हैंड में इनकम है। इंप्लॉई अपने बेसिक सैलरी में से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंप्लॉई के लिए, इंप्लॉई अपने ही अकाउंट में पैसा जमा करवा रहा है तो इंप्लॉई के लिए सेविंग है। सेविंग है तो 80C का रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहां पर हम लोग यही सवाल करते हैं। फिर इंटरेस्ट मिलता है इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे और इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन पे, तो ये इनकम है किसके लिए, इंप्लॉई के लिए। और फिर रिटायर करते हैं तो लमसम विड्रॉल, डेथ होती है तो लमसम विड्रॉल बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स, तो ये टैक्सेबल है या नहीं है, तो आइए ये चेक कर लेते हैं। तो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, कौन सा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज नॉट टैक्सेबल। व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल, ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ, इसलिए नॉट टैक्सेबल। आज इंप्लॉयर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा डाल दे, क्या इंप्लॉई को वो पैसा आज मैं डालू और कल मैं निकाल लू, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसको मांगने का हक मिलेगा ही नहीं, उसको निकालने का हक नहीं मिलेगा, इसीलिए ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ, इसलिए नॉट टैक्सेबल। इसके बाद इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड,
नाउ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, कौन सा प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये इसके लिए सेविंग है क्योंकि वो अपने बेसिक सैलरी में से पैसा जमा करवा रहा है, बेसिक सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है, उसमें से पैसा निकाल के स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहा है, वो सेविंग है। और सेविंग का क्या ईटीसी का रिडक्शन मिलेगा? तो यस मिल जाएगा। और हमने रीजन क्या बताया था, ये पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है, गवर्नमेंट फंड में चला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसका ईटीसी का रिडक्शन देती है। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, नाउ दिस इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू विच फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, न ड्यू हुआ न रिसीव हुआ, इसलिए नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्पशन नहीं लिख रहे हैं, एग्जेम्पशन अगर मैं लिखता तो मैं सेक्शन 10 लिखता, सेक्शन 10 तो है ही नहीं, ये नॉट टैक्सेबल है, न ड्यू हुआ न रिसीव हुआ, इसलिए नॉट टैक्सेबल। लेकिन अब जब लमसम विड्रॉल होगा फ्रॉम प्रोविडेंट फंड तब तो टैक्सेबल होना चाहिए। आज मैं आप समझिए इस चीज को, ये URPF के विड्रॉल में भी काम आएगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF हमने नॉट टैक्सेबल किया, यानी कि ये पैसा हिस्ट्री में जाके देखिए, पास्ट में जाके देखिए, ये कभी टैक्सेबल हुआ ही नहीं, एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता रहा और कभी भी टैक्सेबल नहीं हुआ। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जिसमें इसको ATC का डिडक्शन मिलता रहा, तो एम्प्लॉय का भी पैसा कभी भी पास्ट में जाके देखिए कभी भी नॉट टैक्सेबल रहा। फिर इंटरेस्ट, ये भी नॉट टैक्सेबल रहा, पास्ट में जाके देखिए कभी टैक्सेबल नहीं हुआ। अब ये सब पैसा जब विड्रॉ होगा तब बताइए इसको टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे वो रिजाइन करता है, डेथ होता है, तो या तो ड्यू बेसिस पर टैक्स हो जाएगा या रिसीट बेसिस पर टैक्स हो जाएगा। लेकिन जहां एग्जेम्पशन देना होगा वहां सेक्शन 10 आएगा, तो इसमें एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में, है तो टैक्सेबल लेकिन इसको एग्जेम कर दिया गया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। और इसको हम लोग कहते हैं EEE का कॉन्सेप्ट, जब पहली बार फर्स्ट स्टेज में कंट्रीब्यूट किया गया, फर्स्ट स्टेज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई तो नॉट टैक्सेबल था, तो डिडक्शन मिल गया इसलिए हम लोग कह रहे हैं। सेकेंड स्टेज में इंटरेस्ट मिला, ये भी नॉट टैक्सेबल है। थर्ड स्टेज में जब लमसम विड्रॉल मिला तो ये भी नॉट टैक्सेबल है। EEE exempt, इसको जर्नलिस्ट की भाषा में, आम जनता की भाषा में बोलता है exempt। तो ये सबसे अच्छा फंड हो गया क्योंकि जब विड्रॉ कर रहे तब भी exempt है। अब आइए PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो ये एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट होता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी और बैंक में जाके आप अकाउंट खुलवा लीजिए, और जिसमें एम्प्लॉयर का रोल होता नहीं, इसलिए वो डज नॉट कंट्रीब्यूट। एम्प्लॉई वो पैसा जो सेविंग है वो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अब एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करेगा इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, जरूरी नहीं है बेसिक सैलरी से करे। आज मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं तो मैंने PPF का अकाउंट खुलवाया हुआ, तो मेरे पास सैलरी है नहीं, तो मैं अपने इनकम में से करूंगा। मैं किसी से गिफ्ट लिया वो कर दूंगा, किसी इन लॉ से गिफ्ट मिला, पेरेंट्स से गिफ्ट मिला, वो पैसा मैंने PPF में डाल दिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम हो या आउट ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम भी हो सकता है। और ATC का रिडक्शन का जब हम लोग रिविजन करेंगे तो वहां भी हम लोग पढ़ेंगे ATC का रिडक्शन इवन इफ मेड आउट ऑफ लोन, एग्जेम्प्टेड इनकम, गिफ्ट, डिडक्शन इज अवेलेबल। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल, ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ, इसलिए नॉट टैक्सेबल। और वैसे भी हम लोग करते नहीं है नॉट टैक्सेबल क्योंकि ये 15 साल तक ये लॉक इन होता PPF का अकाउंट। लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगेन इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, तो EEE के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। अब आते हैं URPF, employer's contribution towards URPF, past में जाके देखिए, जब वो contribute कर रहा है तो वो not taxable, क्योंकि न due हुआ न receive हुआ, इसलिए not taxable। employee's contribution towards provident fund, इसका पैसा government के पास नहीं जाता है, इसलिए not available, ATC का reduction URPF में नहीं मिलता है। interest not taxable, न due हुआ न receive हुआ, lump sum withdrawal from provident fund, ये taxable कर दिया। ये टैक्सेबल लिंकॉन्स कितना अमाउंट टैक्सेबल किया गया, देखिए जब लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड हो रहा है तो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन पास्ट में जाके देखिए पहले क्या टैक्सेबल हुआ, नहीं हुआ, तो अब टैक्सेबल है लमसम विड्रॉल के समय। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इस पे ATC का रिडक्शन नहीं मिला, तो पास्ट में जाके देखिए क्या ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पहले टैक्सेबल हो चुका था या नहीं हो चुका था,
पहले टैक्सेबल हो चुका था या नहीं हो चुका था? हो चुका था, क्योंकि ये बेसिक सैलरी में से दिया जा रहा था, तो बेसिक सैलरी ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका था। अब जब लमसम विड्रॉल करेगा तो नॉट टैक्सेबल। फिर आइए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पास्ट में जाके देखिए क्या पहले टैक्सेबल हुआ था, नॉट टैक्सेबल था, न ड्यू हुआ न रिसीव हुआ, तो ये भी अब जब विड्रॉ होगा तो टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन क्या पहले टैक्सेबल हुआ था, नहीं हुआ था, अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप लमसम जब विड्रॉ करते हैं तो चार चीजें लमसम विड्रॉ करते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ये किस हेड का है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है इसलिए सैलरी में जाएगा, ये तो टैक्सेबल ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये अगेन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है इसलिए सैलरी में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये अदर सोर्सेस में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये देख लीजिए ये हमने कैसे लिखा, एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल सिंस ऑलरेडी टैक्स्ड, एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अदर सोर्सेस में। आया? अब आइए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में करते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, कौन सा प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो यहां भी तो सर वही है, ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ इसलिए नॉट टैक्सेबल। हेलो, एक सेक्शन 7 है जहां ये कहता है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। बोले सर कितना डीम्ड टू बी रिसीव्ड, बोले एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सास इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इसीलिए अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% होता है तो 12% तक न ड्यू हुआ न रिसीव हुआ न डीम टू बी रिसीव्ड है, इन एक्सेस ऑफ 12%, जो एक्सेस ऑफ 12% है न ड्यू है न रिसीव है लेकिन डीम टू बी रिसीव्ड है, सेक्शन 7 इसको टैक्स कर रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा अप टू 12% ऑफ एग्जाम जो बहुत सारे किताब में लिखा होता, गलत है वो। अरे भैया जैसे ही आप एग्जाम लिखेंगे मैं सेक्शन 10 पूछूंगा, सेक्शन 10 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक्सेस ऑफ 12% सास इज टैक्सेबल, यानी कि सेक्शन 7 में डीम टू बी रिसीव, आप देखिएगा बेरैक में मिलेगा आपको, और हमने तो अपनी किताब में लिखा ही है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, अगेन क्योंकि रिकॉग्नाइज हो जाता है शेड्यूल 4 के कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है इसलिए टीसी का रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल, ये अगेन सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, ना ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ लेकिन एक्सेस ऑफ 9.5% डीम टू बी रिसीव्ड इसलिए टैक्सेबल है। लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगेन दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। आया? और इसमें एग्जेम्प्शन कब मिलेगी, जब 5 इयर्स की सर्विस होगी तभी एग्जेम्प्शन मिलेगी, और पहले निकालते हैं ड्यू टू इल हेल्थ तो भी एग्जेम्प्शन है। एक बार बताइए अगर आप ये पैसा पहले निकाल लेते हैं, 5 साल से पहले निकाल लेते हैं तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना? इसमें टीडीएस अंडर सेक्शन बताइए 192A लगेगा या नहीं लगेगा? चलिए अब आते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी शुरू कहां से हुआ था, जमशेद जी टाटा काली माटी जमशेदपुर वहां से शुरू हुआ था, और ग्रेच्युटी पहले जो दिया जा रहा था आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जा रहा था, और जमशेद जी कह रहे थे इतने साल काम किया, जंगलों में काम किया, टफ कंडीशंस में काम किया, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, जिसकी 15 साल की जॉब है, किसी की 20 साल की जॉब है, कोई 40 साल जॉब करके रिटायर कर रहा है, तो उनके बेसिक सैलरी के बेसिस पे और जितने साल काम किया ड्यूरेशन ऑफ सर्विस के बेसिस पे इनको वो ग्रेच्युटी देने लगे। एक ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पास हो गया,
जहां पर गवर्नमेंट ने कहा लव एंड अफेक्शन हो या ना हो ग्रेच्युटी पेमेंट करना कंपलसरी है, और इसमें इंप्लॉइज डिफाइन कर दिए, ऑलमोस्ट सारे इंप्लॉइज का वर्ड है, इंप्लॉयर डिफाइन कर दिए, और ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। बोले सर क्या? बोले उसको लेबर मूवमेंट चल रहा था और ग्रेच्युटी को इस तरह से फॉर्मूला इसमें इस एक्ट में बनाया गया कि ग्रेच्युटी मैक्सिमम मिले, तो उन्होंने लिखा कि बेसिक सैलरी प्लस डीए, बताए डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पढ़ रहे हैं हम लोग आपके साथ, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट, यस और नो? बोला डीए वेदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट, डीए विल बी इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी। मैंने आइडिया आपको क्या बताया कि ग्रेच्युटी मैक्सिमम पेमेंट करना है, इस तरह से फॉर्मूला बनाया, तो डीए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डीए को बेसिक सैलरी में ऐड करके रहेंगे। इसके बाद ये बेसिक सैलरी प्लस डीए कब का लेंगे, जब ज्वाइन किया उस वक्त का लेंगे या जब रिटायर कर रहा उस वक्त का लेंगे, किस वक्त सैलरी ज्यादा होगी, रिटायरमेंट के वक्त, क्योंकि आइडिया क्या है मैक्सिमम ग्रेच्युटी देना, तो ये बेसिक सैलरी प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लिखा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब मुझे एक दिन की सैलरी निकालनी है, अब एक दिन की सैलरी निकालने के लिए ये तो मंथली लूंगा, तो एक दिन की सैलरी निकालने के लिए मैं 30 से डिवाइड करूंगा या 26 से डिवाइड करूंगा, आइडिया ये है कि मैक्सिमम ग्रेच्युटी मिले, बताइए 30 से डिवाइड करने से मिलेगा या 26 से डिवाइड करने से मिलेगा? 26 बोला चार संडे हटा दो, वर्किंग डेज इंटू 15, तो ये 15 वर्किंग डे सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आ गया, कमीशन ऐड नहीं करना याद रखिएगा, इंटू ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। अब ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में 6 मंथ से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करें या इग्नोर करें, याद रखिएगा मैक्सिमम ग्रेच्युटी देना है तो राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया, यहां राउंड ऑफ, इफ मोर देन 6 मंथ देन इट विल बी टेकन एज 1 ईयर, तो 16 इयर्स 6 मंथ 1 डे के बाद अगर आप रिटायर कर रहे हैं तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस वाज दोज एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972, लेकिन दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उनके लिए कहा कि भैया आप तो बेचारे हैं, आपको मैक्सिमम ग्रेच्युटी की नहीं चाहिए, आपको रीजनेबल ग्रेच्युटी चाहिए, और रीजनेबल ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने कहा कि एवरेज सास, सास क्या बताया था, जो एचआरए में बताया था, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ तो ऐड होगा प्लस कमीशन, इसका एवरेज निकाल लीजिए, पिछले दस महीने की एवरेज निकालनी है, यानी कि ना ज्वाइनिंग के वक्त की सैलरी ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ग्रेच्युटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग करेंगे तो ग्रेच्युटी बहुत कम हो जाएगा, कोई 1925 में ज्वाइन किया अब रिटायर कर रहा है तो दिक्कतें हैं, 1925 में सैलरी बहुत कम होगी, तो इन्होंने कहा रीजनेबल ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है, और ये इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है याद रखिएगा। तो मुझे अगर रीजनेबल ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है तो मैं 10 महीने की एवरेज सैलरी लूंगा, तो यहां से 10 महीने पुराना एवरेज सास डिवाइडेड बाय 30 इंटू रीजनेबल करना है 15, तो 15 डेज सैलरी आ गया, यहां 15 वर्किंग डेज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यहां 15 डेज एवरेज सैलरी आ गया इंटू ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, और अगर मोर देन 6 मंथ है तो भी इग्नोर करना, पार्ट ऑफ मंथ इज इग्नोर्ड। मुझे लगता है अब याद हो गया होगा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि यहाँ पर मैक्सिमम ग्रेच्युटी देना है इसलिए इस तरह का फॉर्मूला बनाया, या रीजनेबल ग्रेच्युटी देना है इसलिए इस तरह का फॉर्मूला बनाया। अब देखिए क्या है, बड़ा सिंपल हो गया। इन्होंने लिखा कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही देती है, जितना होना चाहिए उतना ही देती है, इसलिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, मैक्स एक्चुअल फॉर्मूला, लेकिन इंप्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट मैक्सिमम 20 लाख, दिस लाइफ टाइम एग्जम्पशन याद रखिएगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताई दिया, बेसिक सैलरी प्लस 100% डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और ये आर लिखा हुआ है मोर देन 6 मंथ टेक इट एज 1 ईयर, लेकिन अदर एम्प्लॉइज है तो उसको ग्रेच्युटी तभी मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा हुआ तो ग्रेच्युटी मिलेगा भी नहीं, और यहां भी 20 लाख लाइफ टाइम एग्जेम्पशन, एक्चुअल
एवरेज सास का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन. इफ एवरेज सास इज कंप्यूटेड फॉर लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ रिटायर करेगा उस मंथ को छोड़ के पिछले 10 महीने का टोटल कर लीजिए, डिवाइड बाय 10 कर लीजिए. और कौन कौन से 10 महीना, कौन कौन सी सैलरी का 10 महीना लेना है, बेसिक सैलरी 10 महीने वाला, डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला 10 महीने का, कमीशन इफ 10 महीने का, तीनों को जोड़ दीजिए 10 महीने वाला, डिवाइड बाय 10 कर लीजिए और ये एवरेज साथ आ जाएगा. 30 से डिवाइड कीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इग्नोर द पार्ट ऑफ मंथ लीस्ट इज एग्जेम्प्ट. आया पेंशन. मैंने आपको एक बताया था कि प्रोविडेंट फंड का कुछ परसेंटेज पेंशन फंड में चला जाता है, 8.33%. मान लीजिए पेंशन फंड में आपके पास 2,40,000 रुपया पड़ा हुआ है, ये 24 लाख पड़ा हुआ है. इसका 10% अगर गवर्नमेंट, ये पैसा याद रखिए आपके पास नहीं है, पेंशन फंड एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके पास है, वो मैनेज कर रहा है, और इस पर 10% इंटरेस्ट है, तो कितना साल का इंटरेस्ट कितना है, 2,40,000. यानी कि ये 24 लाख जो आपका है, आपके पास नहीं है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है. उस पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बाकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, वहां से 10% का इंटरेस्ट मिलता है. तो 2,40,000 इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो आपको हर महीने 20,000 पर मंथ मिलेगा. दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन, दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन, एंड दिस अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, करेक्ट. अब ये जो 2,40,000 आपके पास पड़ा हुआ है, इसका अगर आप 50% निकाल लेंगे तो क्या आपको ये 20,000 पर मंथ मिलता रहेगा या कम मिलेगा, या कम मिलेगा, कम मिलेगा. और कितना कम मिलेगा, 10,000 पर मंथ. तो जितना यहां निकालेंगे उतना यहां मिल, यहां उतना ही प्रपोर्शनल यहां से कम हो जाएगा, करेक्ट है. तो इसका हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया था. अब सवाल ये उठता है, ये जो पैसा आप निकाल रहे हैं, ये जो लमसम विड्रॉल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेड पेंशन. ये है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, यानी कि जब आप रिटायर किए उस वक्त आपके पेंशन फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ था, स्टैटिक, अब ये बढ़ता नहीं है, स्टैटिक हो गया. दिस इज, ये होगा तो कम होगा निकालने के वक्त, ये स्टैटिक हो गया, ये बढ़ेगा नहीं. दिस इज फुल वैल्यू ऑफ पेंशन. फुल वैल्यू ऑफ पेंशन का क्या कहानी है, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल? बोला अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकम्यूटेड पेंशन तो अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो. लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकालता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. और याद रखिएगा, गवर्नमेंट 1/3 से ज्यादा निकालने नहीं देता या हाफ से ज्यादा निकालने नहीं देता. तो अगर आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो गवर्नमेंट 1/3 से ज्यादा निकालने नहीं देगा. और इस केस में अगर मैं 1/3 लिखूं तो कितना आएगा, 8 लाख आएगा. तो अगर आप 1/3 से ज्यादा निकालेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा प्राइवेट इंप्लॉयज के केस में. तो प्राइवेट इंप्लॉय रिसीव ग्रेचुटी 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट. तो मैंने क्या कहा, 1/3 से ज्यादा निकालेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो 1/3 तक तो एग्जेम्प्ट है. और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो आपके पास पैसा भी कम आ रहा है तो आप ज्यादा निकाल सकते हैं, तो आधा निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आधा से ज्यादा निकालेंगे तो टैक्सेबल है, तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट. आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने अपने क्लास में बहुत किया था, क्योंकि रिविजन की क्लास है तो रिविजन की तरह दिखे. मुझे तो पता लगा एक नई क्लास शुरू हो गई, फिर वही 4 महीने लग गए. लीव सैलरी, लीव सैलरी के बारे में क्या बताया था, भैया छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो. ना ना ना, हम नहीं लेंगे, हम आएंगे. बोला आ जाओ. तो छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हैं और उसके बदले आपको सैलरी मिलती है, दैट इज लीव सैलरी. याद रखिएगा, संडे की बात नहीं कर रहा हूं, संडे तो ऐसे ही ऑफिस बंद होता है, कहां आएंगे, कहां बैठेंगे. तो मंडे टू जिस दिन ऑफिस खुला रहता है आपको कैजुअल लीव मिलता है 1 महीने में 1 दिन, आपको सिक लीव मिलता है 1 महीने में 1 दिन. तो आप 1 महीने में 1 दिन ओवर एंड अबव संडे, और सैटरडे भी ऑफ है तो सैटरडे संडे
ऑफ के बावजूद आप एक एक दिन का और छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आप इसके दिन भी काम करने आ गए, सिक लीव लिया नहीं काम करते, तो आप ये छुट्टी कमा रहे हैं, दिस इज अर्न लीव। उसी अर्न लीव के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है, दैट इज लीव सैलरी। और ये अर्न लीव के बदले जो पैसा है आप ड्यूरिंग बिफोर रिटायरमेंट ले लेते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्विसेज ले लेते हैं, तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो हमने लिखा है या नहीं लिखा है, ये बात नहीं लिखा है, तो लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट है, याद रखिएगा, बिफोर रिटायरमेंट फुल्ली टैक्सेबल। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है कि आप देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कहता है कि हम अर्न लीव 10 महीने से ज्यादा एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यह भी कहता है कि वो गवर्नमेंट 3 लाख से ज्यादा लीव सैलरी देगी भी नहीं। तो ये सब कहानियां हैं जो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय तो कुछ भी दे सकती है, तो मैक्सिमम 3 लाख लाइफ टाइम एग्जेम्पशन है एक्चुअल लीव सैलरी एंड 10 इनटू एवरेज सैलरी। वाई 10? क्योंकि 10 महीने से ज्यादा अर्न लीव एक्यूमुलेट होगा नहीं, कि गवर्नमेंट को भी नहीं होता तो आपको भी नहीं होगा, इक्वलिटी लेके आनी है, तो 10 इनटू एवरेज सास। फिर अर्न लीव इन मंथ्स, अर्न लीव आप कैलकुलेट कर लीजिए, अर्न लीव कैसे कैलकुलेट करना, लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेट माइनस लीव इन कैश, जितना लीव इन कैश आप कर लिया बिफोर रिटायरमेंट वो माइनस कर दीजिए, दैट इज अर्न लीव। ये अर्न लीव है, ये गलत लिखा हुआ, दिस इज अर्न लीव। और लीव एंटाइटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीव एंटाइटलमेंट मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि अगर आपने 25 साल 2 महीने काम किया तो 2 महीने को इग्नोर कर दीजिए, 25 × 30 इज लीव एंटाइटलमेंट। जितने महीने जितने दिन की आपने छुट्टी ले चुकी वो माइनस कर दीजिए, जितना लीव आपने इनकैश करवा लिया वो माइनस कर दीजिए, तो आएगा अर्न लीव। इस अर्न लीव को यहां से इंटू एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, आया। और यहाँ पर जो सास कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी प्लस डी इन ब्रैकेट प्लस कमीशन, इफ यहाँ भी जो सास कैलकुलेट करेंगे, एवरेज सास कैलकुलेट करेंगे, इमीडिएटली कंप्यूटेड फॉर लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इससे पहले जब ग्रेचुटी में आप सास कैलकुलेट कर रहे थे, एवरेज सास कैलकुलेट करते, यहाँ मंथ ऑफ रिटायरमेंट था और लीव सैलरी में डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो वी कंप्लीटेड इनकम फ्रॉम सैलरी, रिविजन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कैसा लग रहा है? So let's start income from house property revision section 22 to 27। Quote पढ़ते, remember why you started, याद कीजिए आपने शुरू ही क्यों किया था, तो आप खत्म भी करेंगे। Revision time almost 20 minutes है, आपको यहाँ पर revision time लिखना होता है, और याद रखिएगा, did you memorize? If no, then you must memorize within 24 hours। और मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ने से भी ज्यादा important है याद करना। अगर आप याद नहीं करेंगे लॉ को तो कोई काम का नहीं है वो लॉ, आपको कुछ याद नहीं आएगा जब आप केस लॉ ये सब पढ़ेंगे या फिर कुछ सबमिशन देंगे या कुछ रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ याद नहीं आने वाला। तो आइए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा रहा था या तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इनकम अगर है तो कोई सी 5 हेड में जाना चाहिए, अगर इनकम ही नहीं है तो काम ही खत्म। तो सैलरी में कब जाएगा, वेयर देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगा, जब बिल्डिंग का किराया हो, मतलब बिल्डिंग, ये देखिए सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, द एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। देखिए रेंट नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होता है, अगर इस बिल्डिंग को किराए पे देते तो ये बिल्डिंग जितना पैसा कमाती वो पूरा टैक्सेबल कर रहे हैं हम लोग। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नोशनल रेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल, इवन इफ द बिल्डिंग इज नॉट लेट आउट, देन ऑल्सो The income which the building would have earned is taxable. इसीलिए the annual value लिखा हुआ है. The annual value of building or land attached thereto, or land उस building का part अगर है, यानी कि अगर ये building है और इसके साथ land है, इसका अलग किराया fix किया, इसका अलग किराया fix किया, उसके बावजूद ये land और ये building का किराया दोनों मिला के house property में जाएगा. Of which assessee is the owner. तो अगर टेनेंट किराए पे दे रहा है, मैंने आपसे किराए पे लिया, मैं फर्दर किराए पे दे रहा हूँ, सबलेट कर रहा हूँ, तो जो एज ए सबलेटिंग कमा रहा हूँ वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, ओनर ही सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमा सकता है, टेनेंट नहीं कमा सकता, टेनेंट अदर सोर्सेस कमाएगा। अगर खाली प्लॉट ऑफ लैंड है तो अदर सोर्सेस में जाएगा, बिल्डिंग होनी जरूरी है, ये तो बेचारा छोटा बच्चा है,
नॉट ऑक्यूपाइंग और ओनर का भी इनकम बिल्डिंग से जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में तभी जाएगा व्हेन द ओनर इज नॉट ऑक्यूपाइंग द बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो मैंने बिल्डिंग ली हुई है और मैं उसमें अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो फिर पीजीबी भी मिल जाएगा। तो एनुअल वैल्यू इट रिप्रेजेंट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, ये अर्निंग कैपेसिटी सेक्शन 23 में निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट के अकॉर्डिंग और एक्चुअल रेंट के अकॉर्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड और जिस वक्त कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस वक्त ही बिल्डिंग का कैलकुलेशन होगा। मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं, मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर 1 नवंबर को अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है तो 1 नवंबर से 31 मार्च 5 महीने होता है, 5 महीने का ही एनुअल वैल्यू निकलेगा, 5 महीने का ही एनुअल वैल्यू निकलेगा। वैसे एनुअल वैल्यू जनरली 12 महीने का निकलता है, हर हालत में 12 मंथ्स का निकलेगा, कम सिर्फ तभी होगा व्हेन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, उससे पहले नहीं, याद रखिएगा। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1 नवंबर को हुआ है और जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको निकालना है उसी फाइनेंशियल ईयर में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वहां पर आपको ये 5 महीने का निकालना है। लेकिन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत पहले कंप्लीट हो चुका, आज आप इसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनुअल वैल्यू फिर 12 मंथ्स के बेसिस पे ही निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी 12 मंथ्स, फेयर रेंट भी 12 मंथ्स और स्टैंडर्ड रेंट भी 12 मंथ्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, एनुअल वैल्यू जब भी निकलता है 12 महीने का निकलता है, कम सिर्फ एक ही केस में होता है जब बिल्डिंग न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। दूसरी बात, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है 12 जिसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, आज इस फाइनेंशियल ईयर 1 में मैं फाइनेंशियल ईयर 5 में मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल ईयर 1 में कंप्लीट हो चुका था या मैंने परचेज फाइनेंशियल ईयर 1 में किया था, तो मैं 12 महीने का ही एनुअल वैल्यू निकालूंगा फाइनेंशियल ईयर 5 में। सर ये बिल्डिंग मैंने 6 महीने के लिए किराए पे दी थी, 6 महीने में वेकेंट था, तब भी क्या एनुअल वैल्यू 12 महीने का निकलेगा? यस, 12 महीने का ही निकलेगा। एनुअल वैल्यू कम सिर्फ एक ही केस में होता है जब बिल्डिंग कम्स इनटू न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो बिल्डिंग का मतलब कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 4 वॉल्स विद अ रूफ, कमर्शियल है तो रूफ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग हो सकता है वो। लैंड अटैच विद द बिल्डिंग, लैंड अटैच विद द बिल्डिंग चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट लैंड चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ओनर का मतलब रजिस्टर्ड ओनर भी होता है, रजिस्टर्ड means maintained with stamp valuation authority or deemed owner 6 cases में। मैं एक बार इसका बता देता हूं आपको इसका concept ताकि आप समझ सके। आज जिसने पैसा लगाया है that is beneficial owner, the person who pays consideration, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड ओनर। नेम बोलो सर, नाम कहां लिखा होगा? बोलो सर सेल डीड में लिखा होगा। और कहां लिखा होगा? स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डिंग है, इमोल प्रॉपर्टी है, तो आपको स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी में जाके सेलर और बायर की फोटो खींचती है, सेल डीड रजिस्टर्ड होता है, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, उनके पास जो रजिस्टर है उसमें जो नाम है दैट इज रजिस्टर्ड ओनर। और इस सेल डीड में जिसने पैसा दिया उसका नाम नहीं होता है, सेलर का होता है और बायर का होता है। तो इनकम टैक्स के नजर में तो रजिस्टर्ड ओनर इज द ओनर, लेकिन 6 केसेस ऐसे हैं बेनिफिशियल ओनर के, 6 केसेस ऐसे हैं जिसको हम लोग डीम्ड ओनर कहेंगे, है तो बेनिफिशियल ओनर लेकिन इसको हम लोग कहेंगे डीम्ड ओनर। व्हाई वी आर सेइंग डीम्ड ओनर, क्योंकि रजिस्टर्ड ओनर में इनका नाम नहीं है, तो इनको हम ओनर मान लेंगे डीम्ड ओनर सिर्फ 6 केसेस में, बाकी केसेस में नहीं। वो 6 केसेस कौन से हैं अभी हम लोग करेंगे सेक्शन 27। आइए, तो अगर डीम्ड ओनर प्रॉपर्टी से पैसा कमाए या रजिस्टर्ड ओनर पैसा कमाए तो किस हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। एक मिनट, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं। ऑब्वियसली बिल्डिंग से कोई भी पैसा कमाए, डीम्ड ओनर कमाए या रजिस्टर्ड ओनर कमाए या कोई और ओनर कमाए, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा।
लेकिन डीम्ड ओनर अगर मान लिया गया, मान लीजिए मैं यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, हस्बैंड ने पैसा लगाया, वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम पे नहीं मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी और हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबिलिटी आएगी. तो इट इज अ काइंड ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, नॉट एग्जैक्टली क्लबिंग ऑफ इनकम, क्योंकि आप एसेट ही शिफ्ट कर रहे हैं. क्लबिंग ऑफ इनकम में इनकम शिफ्ट होता था, यहां पर एसेट शिफ्ट हो रहा है. जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट मैंने हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे करवा दिया, तो फिक्स डिपॉजिट तो वाइफ के नाम पे रहेगा, इंटरेस्ट क्लब हो जाता है हस्बैंड के नाम पे. इन हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, तो हाउस प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रहा है, रेंट एनुअल वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रहा, हाउस प्रॉपर्टी ये हस्बैंड की मानी जाएगी. आया सिर्फ ये 6 केसेस में. बाकी केसेस में मान लीजिए ब्रदर ने सिस्टर के नाम पे खरीद लिया, ब्रदर ने पैसा लगाया सिस्टर के नाम पे खरीद दिया, तो सिस्टर की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सिस्टर की हैंड में हाउस प्रॉपर्टी आएगा. और ये बेनामी ट्रांजेक्शन भी कहलाएगा. अब आइए, तो ये है. फिर ओनर नॉट ऑक्युपाइंग द बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर ओनर अपने ही इंप्लॉय को किराए पे देता है तो बिजनेस में जाएगा, क्योंकि लेट आउट तो है लेकिन अपने इंप्लॉय को है, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंसी इन बिजनेस, बिजनेस में जाएगा. लेकिन किसी और को किराए पे देगा तब हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा. और ये याद रखिएगा, ये चाहे स्टॉक इन ट्रेड किराए पे दे या फिर इन्वेस्टमेंट किराए पे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्डिंग इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जब भी आएगा हाउस प्रॉपर्टी ही आएगा. आइए डीम्ड ओनर. डीम्ड ओनर में क्या था कि हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली या वाइफ ने हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली. तो अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पे खरीदता है तो हस्बैंड डीम्ड ओनर, वाइफ अगर हस्बैंड के नाम पे खरीदती है तो वाइफ डीम्ड ओनर. लेकिन अगर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विद एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट, डाइवोर्स हुआ नहीं है बट इट इज ओनली एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट, तो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ सबसिस्ट. और एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट में कोर्ट कहता है कि हस्बैंड को या वाइफ को कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना पड़ेगा, और हस्बैंड विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो वाइफ इज ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड ओनर. डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. आया भाई. एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू ए माइनर चाइल्ड, तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. जो ट्रांसफर करेगा, फादर ने अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो फादर डीम्ड ओनर, मदर ने अगर माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो मदर डीम्ड ओनर. लेकिन जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ा था सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A में, वहां हमने क्या पढ़ा था कि माइनर चाइल्ड अर्निंग एनी इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज ग्रेटर, चाहे फादर या मदर जिसकी इनकम ग्रेटर हो. सेक्शन 27 में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है कि जो ट्रांसफर करेगा वो डीम्ड ओनर माना जाएगा. फादर ट्रांसफर करेगा तो फादर, मदर ट्रांसफर करेगा तो मदर. इसमें नहीं लिखा हुआ फादर और मदर जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, जिसकी ज्यादा इनकम है, उसके हैंड में डीम्ड ओनर माना जाएगा. ये लिख रहा है जो ट्रांसफर करेगा, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स द हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर. लेकिन अगर आप अपनी बेटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे फादर ट्रांसफर करे या मदर ट्रांसफर करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. माइनर मैरिड डॉटर विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड ओनर. आया फिर होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट, फिर ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु इज अलॉटेड ए बिल्डिंग अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ सोसाइटी, तो 100 मेंबर्स ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, 10-10 लाख रुपए देके करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लैंड बन गया, यहाँ पर बिल्डिंग बन गया और बिल्डिंग में फ्लैट्स बन गए और फ्लैट्स ईच मेंबर को दे दिया गया रहने के लिए. तो दिस इज ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या गया कि आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदेंगे तो हम आपको रहने के लिए घर देंगे. तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो घर ही बेच रहे हैं. तो ये जो लैंड है, ये बिल्डिंग है, ये किसके नाम पे है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे है. लेकिन पोसेशन किसके नाम पे है, जिसने पैसा दिया, दैट इज मेंबर के नाम पे. तो डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा, मेंबर को माना जाएगा. तो रजिस्टर्ड ओनर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, डीम्ड ओनर इज मेंबर. फिर ही पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ. तो अगर मैंने सेलर को
पूरा 50 लाख रुपया दे दिया जो बिल्डिंग का प्राइस था, वो 50 लाख रुपया जो दिया उसके बदले उसने मुझे चाबी दे दी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है बस। तो रजिस्ट्री नहीं हुई है तो रजिस्टर्ड स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास तो जो नाम होगा वो सेलर का होगा, लेकिन मेरे पास चाबी है तो आई जिसके पास चाबी उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। फिर ए पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट इन एनी बिल्डिंग बाय वे ऑफ लीज फॉर अ टर्म ऑफ एटलीस्ट 12 इयर्स, तो अगर मैंने 12 साल के लिए लीज पे अगर कोई प्रॉपर्टी लेता हूं, जैसे डीडीए 99 इयर्स के लिए लीज पे देता है, तो अगर मैंने 12 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली है उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। तो लीज टर्म इज 12 इयर्स या मोर, लेसर इज रजिस्टर्ड ओनर, लेकिन लेसी इज डीम्ड ओनर। लेकिन अगर लीज टर्म्स लेस देन 12 इयर्स है, मान लीजिए 11 इयर्स है, तो लेसर रजिस्टर्ड ओनर और लेसी को टेनेंट बोलेंगे, टेनेंट, और टेनेंट किराया पे देगा तो अदर सोर्सेस, ये देगा तो हाउस प्रॉपर्टी। आया एनुअल वैल्यू सेक्शन 23। मैं इसको बताने से पहले, एनुअल वैल्यू शुरू करने से पहले, हमने आपको कहा था कि एनुअल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग। नाउ ये अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, बोला म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, बोला इन दोनों में से जो हायर होगा और जो हायर में से स्टैंडर्ड रेंट को आप कंपेयर करेंगे तो जो लोअर होगा वो एनुअल वैल्यू होगा। एनुअल वैल्यू जब भी कंप्यूट होगा 12 मंथ्स के लिए कंप्यूट होगा, ये 12 महीने से कम कभी नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक केस में 12 महीने से कम हो सकता है, इफ द प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉपर्टी बन के तैयार होती है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है या आप परचेज करते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल वैल्यू जब से आपने परचेज किया या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया वहां से यहां शुरू होगी, करेक्ट है। लेकिन सेक्शन 23 कहता है तो ये जो कैलकुलेशन है ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये तो कोर्ट के जजमेंट से आया है ये सारा कैलकुलेशन। तो अगर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इसमें एक बात और बता दूं, अगर फेयर रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज फेयर रेंट, और फेयर रेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, फेयर रेंट इज मस्ट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे डाउट हो सकता है, और डाउट इसलिए भी होता है क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यूएशन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नहीं होता है, जब भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन निकलता है वो एक एरिया का निकलता है, जैसे दिल्ली में ए से लेकर एच तक का एरिया है, ए टू एच, तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में एक ए एरिया है जो मान लीजिए 10 किलोमीटर का एरिया है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबका सेम कर दिया। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में हमें जो एनुअल वैल्यू निकालना है किसी खास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का निकालना है, वो खास किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का तभी निकल सकता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फेयर रेंट देखेंगे। फेयर रेंट क्या होता है, रेंट ऑफ ए सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए सेम लोकेलिटी, तो ऊपर नीचे घर है बेस्ट है, अगल बगल घर है बेस्ट है, रेजिडेंशियल का रेजिडेंशियल के साथ कंपेयर होगा, कमर्शियल का कमर्शियल के साथ कंपेयर होगा, तभी वो निकलेगा। और सेम एरिया, और सेम मतलब एकदम अगर एडजेसेंट है, ऊपर नीचे है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो ये हमने बताया भी था। और स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट कंट्रोल एक्ट में हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू रेंट फिक्स कर दिया है, इससे ज्यादा रेंट कोई एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है, इससे ज्यादा रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट एक्सपेक्ट कोई कर नहीं सकता है, जब कर नहीं सकता है तो इसीलिए लोअर ले रहे हमने। आया, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एनुअल वैल्यू निकला हुआ, यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। अब आइए, एनुअल वैल्यू होता क्या है, सेक्शन 23 में लिखा हुआ है, जो लॉ लिखा हुआ वो लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू इज वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, बोला म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग एनुअल वैल्यू कहते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, लिखा एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ये एनुअल वैल्यू आएगा, तो ऑथर साहब ने इसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कह दिया, इसको नेट एनुअल वैल्यू कह दिया। आया, अब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कब होगा, ये हमने लिखा हुआ है।
म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कब होगा? जब ओनर पेमेंट करेगा, जब ओनर टेनेंट पेमेंट करेगा तो नहीं माइनस होगा, और जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करेगा उस फाइनेंशियल ईयर में माइनस होगा, यानी कि पेड बेसिस पे होगा। तो इट इज डिडक्शन, इट्स डिडक्शन इज अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच पेमेंट इज मेड बाय द ओनर, पेड बेसिस प्लस ओनर। टेनेंट पेमेंट करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आया सेक्शन 23 के 1, 2 और 3 और 4 तीन सबसेक्शंस है। 1 लेट आउट प्रॉपर्टी का है, 2 और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रीजंस फॉर होल ईयर का है, और 4 डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर एक दिन भी प्रॉपर्टी किराए पे है, इवन फॉर अ सिंगल डे, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट देन इट इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। लेकिन अरे एक दिन भी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं है, पूरे 12 महीने आपने प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं या खाली रखा हुआ है खुद के रहने के लिए, तो एसओपी फॉर रेजिडेंस है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, खाली रखा हुआ है खुद के रहने के लिए, लेकिन आप प्रॉपर्टी पूरी आप लेट आउट करना चाहते हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी लेट आउट नहीं हो पा रही है, अभी कोरोना चल रहा है तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो किराए पर लगी नहीं पा रही है, या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, किराए पर लगी नहीं पाएगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग वीकेंड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा ये डिफरेंस, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी इज लाइंग वेकेंट फॉर सेल्फ यूज, लाइंग वेकेंट फॉर सेल्फ यूज, तो उसको एसओपी फॉर रेजिडेंस बोलते हैं। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ लाइंग वेकेंट फॉर 3 मंथ्स तो वो वेकेंसी है। तो अभी तक क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाए गए हैं जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि जानबूझ के खाली छोड़ा हुआ है तो एसओपी फॉर रेजिडेंस है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ लाइंग वेकेंट तब आप मानिए वेकेंट। अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर एसओपी फॉर रेजिडेंस है, 2 से ज्यादा घर एसओपी फॉर रेजिडेंस है, तो एक घर को दो घर को एसओपी मान लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट आपके ऊपर एहसान कर रही है एसओपी फॉर रेजिडेंस के लिए। बोला वैसे तो अगर एसओपी फॉर रेजिडेंस है तो एनुअल वैल्यू के बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता। एनुअल वैल्यू क्या होता? फेयर रेंट होता, तो फेयर रेंट को हम टैक्स करते, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट को टैक्स करते, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट को काट दिया और इसको लिखा 0। तो 2 घर के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें घर पे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसका एनुअल वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट। ये जितना पैसा कमा सकती है उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। तो ओन्स मोर देन 2 एसओपी फॉर रेजिडेंस, 2 प्रॉपर्टी हुज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हाईएस्ट ट्रीटेड एज एसओपी फॉर रेजिडेंस, रिमेनिंग प्रॉपर्टी इज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हुज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज एक्सपेक्टेड। आया अब आइए लेट आउट प्रॉपर्टी में। लेट आउट प्रॉपर्टी के 3 पार्ट में हम लोग एनुअल वैल्यू निकालेंगे। ए एक्सपेक्टेड रेंट, अच्छा ये यहां लिखा हुआ है, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेंट क्या होता है ये आपको बता देते हैं। एक्चुअल रेंट देखिए, एक्चुअल रेंट जब हमने बताया था तो एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए किराए पे दिया है, 10 महीने का किराया मिल चुका है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो एज पर दिस एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो पूरे 12 महीने का रेंट आएगा। मान ली 4,000 रुपया, तो कितना आएगा? 48,000। 2 महीने का किराया आपको मिला नहीं है, तो अगर 2 महीने का किराया नहीं मिला उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है, तो आपने कहा सर माफी दे दो, एहसान करो एक, बोले ठीक है। ये जो 2 महीने का रेंट नहीं मिला है, इसको हम लोग कहेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट, बोला जिस फाइनेंशियल ईयर का अनरियलाइज्ड रेंट है उसी फाइनेंशियल ईयर में माइनस होगा, तो ये 2 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट 8,000 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया? 40,000। तो आपको एक्चुअल रेंट क्या आएगा? एक्चुअल रेंट पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात आई थी जहां हमने बताया था कि अगर वैकेंसी है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 1 महीने की वैकेंसी है तो क्या करेंगे?
हमने कहा था वैकेंसी को आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो हायर है उससे माइनस कीजिए। वैसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वैकेंसी को, अगर डायरेक्ट एक्चुअल रेंट से आप माइनस कर देंगे, मान लीजिए ये 1,00,000 है और ये 40,000 आपका आ गया था अभी इस एग्जाम्पल में, और एक महीने का वैकेंसी है 4,000, ये भी एक्चुअल रेंट के साथ आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 36,000 आ गया, और आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। अब जो 4,000 का जो वैकेंसी का जो लॉस है वो आपका एक्चुअल रेंट से माइनस हो गया, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,00,000 आया, तो आपको वैकेंसी का लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी का एक्चुअल में आपको बेनिफिट नहीं मिला, यानी कि वो माइनस होना चाहिए था, 96,000 आना चाहिए था। तो हमने क्या कहा कि आप क्या कीजिए 1,00,000 वैकेंसी को एक्चुअल रेंट में माइनस मत कीजिए, इसको यहीं पर पड़ा रहने दीजिए, तो 40,000 आ गया। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी अलग से लिख दीजिए 4,000। अब जो दोनों में हायर है वो कौन सा है, 1,00,000 माइनस 4,000, तो 96,000। तो ये मेरा तरीका है कैलकुलेट करने का और सही तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं। तब देख लीजिए, एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, लेट आउट पीरियड प्लस वैकेंसी, मैंने क्या कहा वैकेंसी को वहीं पड़ा रहने दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए अगर ऐड नहीं किया, माइनस अनरलाइज्ड रेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इग्नोर एसओपी फॉर रीजंस। इग्नोर एसओपी फॉर रीजंस का मतलब ये हुआ, देखिए आपको एसओपी फॉर रीजंस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर होल 12 मंथ्स, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर एसओपी फॉर रीजंस 12 महीने के लिए है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए 10 महीने के लिए लेट आउट है और 2 मंथ एसओपी फॉर रेजिडेंस है, आपने खाली छोड़ा हुआ है खुद के रहने के लिए, तो इस केस में जो एक्चुअल रेंट आएगा मान लीजिए 4,000 पर मंथ है, वो 40,000 आएगा, लेकिन फेयर रेंट क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर फेयर एंड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअल एंड को ही फेयर एंड मान लीजिए, तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा 48,000 आएगा, तो आपका एनुअल वैल्यू कितना आ गया 48,000 आ गया, तो आपका पूरे 12 महीने का आपको टैक्स देना पड़ गया, तो आपको एसओपी को एसओपी फॉर रेजिडेंस का बेनिफिट मिला नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि एसओपी फॉर रेजिडेंस का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा 12 महीने के लिए अगर एसओपी हो, तभी आपका एनुअल वैल्यू जीरो होगा, तभी आपके ऊपर गवर्नमेंट एहसान करेगी, वरना नहीं करेगी। इसीलिए हमने यहां कहा इग्नोर एसओपी फॉर रेजिडेंस। फिर है यहां लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, प्रॉपर्टीज लाइंग वेकेंट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द ओनर टू लेट द प्रॉपर्टी, तो पूरी ओनर पूरी कोशिश करता है उसके बावजूद किराए पर नहीं लगता, तभी वेकेंसी मानेंगे, वरना एसओपी फॉर रेजिडेंसी है। ये हमने बता दिया। अब आते हैं स्टैंडर्ड एक्शन। स्टैंडर्ड एक्शन किस लिए दिया गया ये भी समझ लीजिए आप, रिपेयर्स के बदले दिया गया, एनुअल चार्ज के बदले दिया गया, इंश्योरेंस के बदले दिया गया, लैंड रेवेन्यू के बदले दिया गया और ग्राउंड रेंट के बदले दिया गया, रेल जी के बदले दिया गया। तो पहले एक्चुअल बेसिस पे रिपेयर्स, एनुअल चार्ज, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू और ग्राउंड रेंट, रिपेयर्स पे भी पहले यूनिफॉर्म था, लेकिन ये सब आप ये समझ लीजिए एक्चुअल बेसिस पे, मान लीजिए अगर होता तो प्रूफ मांगते तो इसको हटा दिया गया, बोला अभी यार भैया खर्चा हो या ना हो 30% हम आपको ऑफ नेट एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन दे के रहेंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा फायदा हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड 30% ऑफ एनएबी इफ इट इज ऑटोमेटिक डिडक्शन, दैट इज इवन इफ क्वेश्चन डू नॉट प्रोवाइड इट, दिस डिडक्शन मस्ट बी अलाउड। No standard deduction if net annual value is nil or negative. Net annual value कैसे calculate करते हैं? Gross annual value less municipal tax, net annual value. अब आइए interest on borrowed capital. मैं सबसे पहले बता दूं हाउस प्रॉफिटी में माइनस क्या क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और हाउस प्रॉपर्टी आता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है ये पहले समझ रिवाइज कर लेते हैं। बोला आपने लोन जो लिया है वो प्रॉपर्टी के लिए लिया है, यानी कि अगर आपका बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट माइनस होगा। द लोन शुड बी बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ पीसीआर टू द पावर 5, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, रिन्यूअल, रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन।
डिडक्शन नॉट अलाउड इफ लोन इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और पिनल इंटरेस्ट, इस पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. बिल्डिंग के लिए होना चाहिए. द इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन अक्रूअल बेसिस, पेड बेसिस पे नहीं है, अक्रूअल बेसिस. इंटरेस्ट अक्रू कर गया तो आपको डिडक्शन मिलेगा, आप पेमेंट करो या ना करो. इवन इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड, डिडक्शन इज अलाउड. इंटरेस्ट is allowed as deduction from that previous year in which construction of building is completed or building is purchased. Now this is most important. ये कह रहा हम interest का deduction तो तभी देंगे, तभी से देंगे जब building का construction complete हुआ है. मान लीजिए आपने loan यहाँ ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस year में, इस financial year में building का construction complete हुआ, construction of building completed. यहां कंप्लीट हुआ बोला कि, और मान लीजिए आप जो लोन लेते हैं उसका ईएमआई, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, मान लीजिए यहां पर सब में इंटरेस्ट आपका 1,000 आप दे रहे हैं तो वो 20 साल तक देंगे. आपने प्रॉपर्टी पहले ही बुक कर ली थी, यहीं पर बुक कर ली थी, तो यहां से आपका इंटरेस्ट का एलिमेंट तो शुरू हो ही जाता है. लेकिन आपको पोसेशन मिला है 6th ईयर में, तो आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन कब से मिलेगा? जब से बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आया, जब से सेक्शन 22 कंप्लीट हुआ, सेक्शन 22 एप्लीकेबल हुआ. 22 एप्लीकेबल होगा तभी तो 23, 24 एप्लीकेबल होगा. इनकम, जब तक इनकम घर के अंदर जाएगी नहीं, उसके दोस्त और उसके रिलेटिव मिलेगा कैसे? तो इनकम तो यहां से शुरू हो रहा है. एनुअल वैल्यू ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिंग देयर टू. तो 22 जैसे ही एप्लीकेबल हुआ 6th ईयर में, वैसे ही घर के अंदर गया, बोला रे रे तुम हो इंटरेस्ट, डिडक्शन मिल जाएगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन इसका डिडक्शन नहीं मिलता. बोला नहीं नहीं सर दे दो. बोला ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 को डिवाइड, 5,000 को बस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा का पूरा एक साथ माइनस कर दीजिए. बिल्डिंग अब तो आएंगे, नहीं नहीं पूरा एक साथ माइनस करेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, थोड़ा थोड़ा टैक्स तो गवर्नमेंट को भी चाहिए. बोला ठीक है 5 से डिवाइड कर दो. ये 5 लॉ में लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूँ. 5 से डिवाइड कर दो, हर साल कितना आ रहा है 1,000. मान लीजिए 2,000 आ जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता. 2,000 फिर 10,000 डिवाइड बाय 5, फिर भी 2,000 आ रहा है. तो ये 2,000 रुपया का आपको हर साल 6th ईयर से आपको 2,000 का डिडक्शन मिलेगा. किसका? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का एक साथ डिडक्शन नहीं मिलता, धीरे धीरे हौले हौले मिलता है. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इन विच बिल्डिंग कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. अब इसी में अगर मैं कहूं कि बिल्डिंग यहां पर एग्जिस्टेंस में आया 5th ईयर में, यहां एग्जिस्टेंस में आया तो ये प्री है, यहां एग्जिस्टेंस में आया तो ये प्रिय है, यहां एग्जिस्टेंस में आया तो ये प्रिय है, यहां एग्जिस्टेंस में आया तो ये प्रिय है, और यही एग्जिस्टेंस में आया जिस ईयर में आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो प्री है ही नहीं, पोस्ट ही पोस्ट है सारा. अलाउड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच बिल्डिंग कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अलाउड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इन विच बिल्डिंग कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, द इंटरेस्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद रीपेमेंट ऑफ लोन. तो आपको जब लोन लेते हैं तो आपको हर साल एक आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी जिस कंपनी से भी आपने लोन लिया वो दे देती है. नाउ लेट आउट डीएलओपी या वेकेंट. तो ये जो इंटरेस्ट प्री और पोस्ट कैलकुलेट किया है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी या वेकेंट प्रॉपर्टी के लिए है तो जितना भी इंटरेस्ट है भले उसको माइनस करने से, इंटरेस्ट को माइनस करने से लाखों करोड़ों रुपए का लॉस आ जाए, इंटरेस्ट माइनस होके रहेगा क्योंकि वो तो पैसे कमाने का खर्चा है. रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड अ डिडक्शन ऑफ बोथ प्री एंड पोस्ट. लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी फॉर इंटरेस्ट है तो प्री और पोस्ट को हम लोग लिमिट करते हैं 2,00,000 तक, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. लोन नया है 1st April 1999, उसके बाद द लोन इज बोरोड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन रिपेयर्स के लिए लेगा तो लिमिट फिर 30,000 होगी. इससे पहले लोन लिया है तो 30,000 की लिमिट होगी. तो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, इस डेट के बाद लिया है, और बिल्डिंग इज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज बोरोड, तो 2,00,000 की लिमिट वरना 3,00,000 की लिमिट. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसके बाद आखिरी नहीं थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट. अगर लोन आपने इंडिया के बाहर लिया है तो इंडिया के बाहर वाला इंडिया से पैसे कमाता है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसका टैक्स काट के उसको पेमेंट करें अंडर सेक्शन 195.
where interest is payable outside India but is paid without deducting tax. Also, मैं नहीं काटूंगा. अरे भैया नहीं काटोगे तो भुगतो. क्या भुगतो? कि ये जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी हो, वेकेंट हो, डीएलओपी हो, एसओपी फॉर रीजंस हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन हम नहीं देंगे इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया. अब रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड का डिडक्शन दिया था हमने. अब जब रिकवरी होगी तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. इवन इफ जिस हाउस प्रॉपर्टी का आप रिकवरी कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी आप बेच चुके हैं. Receipt of arrears of rent. If rent is increased with retrospective effect, तो ये rent पहले taxable नहीं हुआ था, अब ये taxable हो गया, हो जाएगा. Timing of taxation in the year of receipt. ये भी in the year of receipt. ये head house property. House property जब even if building is transferred. Standard deduction दोनों में minus हो जाएगा. ठीक है. अब co-owner. Co-owner का मतलब A और B दोनों मैंने मिलकर बिल्डिंग खरीदी है, दोनों का 50-50% ओनरशिप है और रेंट है मान लीजिए इन्होंने प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दी हुई है 20,000 पर मंथ है. तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है A का अलग कैलकुलेट करना, B का अलग कैलकुलेट करना. यानी कि इसका 10,000 शेयर, इसका भी 10,000 शेयर, इसका इसने अगर म्यूनिसिपल टैक्स दिया है तो माइनस कर दीजिए, इसने नहीं दिया तो माइनस नहीं होगा. एनएवी आ जाएगा 8,000, 10,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसने लोन लिया था और इसका इंटरेस्ट है 1,00,000 रुपया तो 1,00,000 माइनस होगा. इसने भी लोन लिया था लेकिन इसका इंटरेस्ट है 3,00,000 रुपया और ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 3,00,000 पूरा माइनस होगा और इनका अलग अलग कैलकुलेशन होगा. इनका एक साथ कैलकुलेशन नहीं होगा 20,000 पर मंथ एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. नो, नॉट अलाउड नहीं. So co-owner is not assessed as AOP. Each owner treated as individual. Each owner entitled to the benefit or SOP for reasons whose gross annual value is nil. यानी कि अगर इस A का 50% share मानेंगे ये इसके पास एक property ये है और एक property है दो और एक property है तीन, तो एक दो तीन में जो जो दो घर का SOP मानेंगे बाकी घर का let out मानेंगे, वैसे B का भी करेंगे. Each co-owner entitled to deduction of interest to a maximum of 30,000 or 2,00,000. और लेट आउट प्रॉपर्टी है तो अनलिमिटेड डिडक्शन ईच ओनर को मिलेगा. अब हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं? 23 माइनस 24 प्लस 25 है. 23 माइनस 24. 23 में क्या कैलकुलेट करते हैं? एनुअल वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स. 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्लस 25A रिसीट ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड रिसीट्स ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट. लेकिन ये एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन तीनों को मिला के, तीनों को यूज करके एक्सपेक्टेड रेंट होता है, इन दोनों का हायर, इन दोनों का लोअर, फिर एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी, फिर आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं एनएवी, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट और हाउस प्रॉपर्टी. इस हाउस प्रॉपर्टी में प्लस करते हैं 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड रिसीट्स ऑफ एरियर्स रेंट और 30% माइनस करने के बाद ये पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है. कुछ चीजें व्हाट यू शुड नेवर फॉरगेट इन हाउस प्रॉपर्टी व्हाइल सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन. फेयर रेंट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. इफ इट इज नॉट गिवन द एक्चुअल रेंट इज ट्रीटेड एज फेयर रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कंप्यूटेड फॉर 12 मंथ्स. यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट हमेशा 12 महीने के लिए. इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ओनली इफ द प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेम प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्यूटेशन. जो मैं बार बार बता रहा हूँ. Interest is limited only in case of SOP for residents. In remaining cases, actual amount of interest is allowed as deduction. Municipal tax is allowed as deduction on paid basis, interest on accrual basis, standard deduction on uniform basis. Aya, depreciation ka fast track shuru kar rahe. Now, depreciation, humne aapko ek baat batai thi, depreciation jo chapter hai, wo PGBP mein bhi hai aur cap gain mein bhi. PGBP में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करते हैं. अगर पूरा नहीं माइनस हो पाया तो वो अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कहलाता है. और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में है, अनऑब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में. और ये डिप्रिसिएशन जिस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे वो बैलेंस शीट में जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं 43 सबसेक्शन 1 यानी कि एक्चुअल कॉस्ट. और जब डेप्रिसिएशन इससे माइनस हो जाता है तो ये बन जाता है 43 सबसेक्शन 6 WDV रिटर्न डाउन वैल्यू.
इसी एसेट को अगर आप बेचते हैं तो कैप गेन आता है, और कैप गेन में जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो 50 है। हमने आपको एक बात और भी बताई थी कि PGBPI में यानी कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो इंडिविजुअल एसेट्स के बेसिस पे नहीं करते हैं जैसा अकाउंट्स में करते हैं। यहां पर जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, और ब्लॉक ऑफ एसेट्स आप अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं और कुछ तरीका दिया हुआ है, वैसे ही आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाने हैं, और ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। अब डेप्रिसिएशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 32 38 पार्शली फॉर बिजनेस पार्शली फॉर अदर पर्पस 43 सबसेक्शन 1 6 एंड 50 तो ये तमाम सेक्शंस हैं। नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड, ओनली इन कोरोना नेगेटिव इज अलाउड, और आपके वैसे एटीट्यूड आपके पॉजिटिव होने चाहिए। याद हो सकता है अगर आप याद करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। रिवीजन टाइम 15 मिनट्स है, फर्स्ट रिवीजन सेकंड थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन आप लिख सकते हैं। और एक बात बता दूं, यूट्यूब में जो देख रहे हैं हमारी जो इनकम टैक्स की बुक आती है उसमें ये वाली फास्ट ट्रैक प्रिंटेड होता है, नहीं तो आप ये अकेले अलग से फास्ट ट्रैक भी खरीद सकते हैं जो 100 रुपीज का है। और इनकम टैक्स जो आप बुक खरीदते हैं जिसमें इनकम टैक्स भी होता है और ये फास्ट ट्रैक भी होता है, प्लस अब हमने इसमें एक चीज और ऐड की है इनकम टैक्स MCQ जो 663 या 633 क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल, और ये क्वेश्चन सारे हमारे बनाए हुए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। ये MCQ भी आप अलग से खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से TaxByKK.com से। अब आइए यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट। द टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ए ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन ए क्लास ऑफ एसेट्स। ए ग्रुप ऑफ एसेट, ग्रुप बनाइए और उसको क्लास क्लास ऑफ एसेट्स में पुट कीजिए। ये क्लास ऑफ एसेट्स डिफाइन किया हुआ है, जो हमने यहां पर कुछ लिखे हैं, बहुत सारे नहीं भी लिखे हैं। क्लास ऑफ एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ इज सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सिमिलर एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आइए ये क्लास ऑफ एसेट्स देखिए क्या है। इन्होंने बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इनटैंजिबल से ये चार बनाए। इन चार में से भी सिर्फ फर्दर क्लासिफिकेशन किया, बिल्डिंग को कहा कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो आप इंप्लॉई को रहने के लिए देते हैं तो 5% है, होटल बिल्डिंग है 10% है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है 40% है, ये तीनों नहीं है तो जनरल बिल्डिंग है उस पर 10%, फर्नीचर और फिटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इस पर 10% है, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी जो डिफाइंड है सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है, तो प्लांट एंड मशीनरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 3। और प्लांट में कहा सब कुछ है, मतलब क्या सब कुछ है, जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर फिटिंग्स नहीं है वो कहा प्लांट है, तो इसको हम लोग मिसलेनियस एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो प्लांट इंक्लूड शिप्स व्हीकल्स बुक्स, तो बुक्स को साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ कि इट इज ए प्लांट। और अगर आप जनरल कृषि नर्सरी क्लास के बच्चे को पूछोगे कि ये प्लांट है तो कहेगा नहीं ये प्लांट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो प्लांट है। और इन्होंने लास्ट में लिखा है डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस लाइव स्टॉक और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग, यानी कि टी बुशेस लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग, तो इन चारों पे 1, 2, 3, 4 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, सॉरी गलत बोल गया, टी बुशेस लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग और फर्नीचर में अलग से क्लासिफिकेशन है। तो प्लांट इंक्लूड शिप्स व्हीकल्स बुक्स साइंटिफिक अपरेचर्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब जैसे इसमें कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है तो कंप्यूटर क्या प्लांट एंड मशीनरी में आएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं लिखा हुआ क्या प्लांट एंड मशीनरी में आएगा? बोला सर ये टी बुशेस नहीं है, लाइव स्टॉक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर फिटिंग नहीं है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, तो कंप्यूटर भी आएगा। और उन्होंने इसको फर्दर क्लासिफाई किया है, जनरल रेट तो 15 है, मोटर व्हीकल 15, बुक्स ओन्ड बाय प्रोफेशनल्स और लाइब्रेरीज 40%, और बुक्स यूज इन बिजनेस है तो 15% है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अगर बुक्स यूज करती है तो 15 है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर बुक यूज करता है तो 40% है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर 40%, शिप्स
20%, aeroplanes and aero engines 40%, pollution control equipment 40%. Intangible assets mein kya kya aayega? KPC, TLF, BCR. So know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or business or commercial rights of similar nature. So know-how, copyrights, trademark, licenses, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature. Jaise brokership rights, goodwill nahi aayega, yaad rakhiye. Goodwill main yahan se hata dunga. Goodwill ab hata diya gaya hai. Ye nahi aayega. Is pe 25%. Ab depreciation milta kitna hai? बोला जितना रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लिखा हुआ उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है, उसी फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज है, जिस फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज है, ये पुट टू यूज टिल 31st मार्च, लेस देन 180 डेज है, तो हाफ मिलेगा. अगर ये दोनों कंडीशन, ये सारे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो फुल मिलेगा. यानी कि परचेज यहां, पुट टू यूज यहां, भले लेस देन 180 डेज हो, फुल रेट मिलेगा. करेक्ट है? परचेज यहां, पुट टू यूज यहां, लेकिन लेस देन 180 डेज नहीं, एग्जैक्ट 180 डेज है तो भी फुल मिलेगा. तो हाफ कब मिलेगा? जब परचेज एंड पुट टू यूज इन सेम फाइनेंशियल ईयर हो और पुट टू यूज से 31st मार्च लेस देन 180 डेज हो, तभी हाफ मिलेगा. इस बीच में क्या हो रहा होगा? इस बीच में आप मशीनरी इंपोर्ट कर रहे होंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे, एम्प्लॉई को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, इस बीच में ये हो रहा होगा. तो पुट टू यूज यानी कि रेडी टू यूज. आइए, एसेट इज परचेज एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, तो हाफ. नील कब है? बोला नील अब कब है बता देते हैं. बोला ब्लॉक ऑफ एसेट बनाना पड़ता. मान लीजिए ओपनिंग WDV मैंने बनाया 6 एसेट्स जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, और ये मान लीजिए कंप्यूटर का बन गया, प्लस हमने परचेज किया 1 एसेट्स जो 2 लाख रुपए का. मैंने 2 एसेट बेच दिए, ये मान लीजिए 14 लाख रुपए का था. तो यहां पर जो क्लोजिंग WDV आएगा उसमें 6, 1, 7 में से दो, 5 एसेट तो बचे हुए हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है, नेगेटिव है, लेकिन इसको 0 कर दीजिए, 0 है. तो डिप्रिसिएशन भी 0 हो जाएगा. तो डिप्रिसिएशन 0 कब हो जाएगा? जब ये 0 हो जाए, क्लोजिंग WDV की वैल्यू 0 हो जाए. और कब 0 हो जाएगा? मान लीजिए 6, 1, 7 और ये मैंने बेचा है 10 लाख, 2 लाख में खरीदा और 1 लाख रुपए में बेचा, लेकिन जो मैंने एसेट बेचा है वो 7 एसेट बेच दिए. ये सेल जो किया है वो मैंने 7 एसेट बेच दिए. तो यहां पर जो क्लोजिंग WDV आएगा, यानी कि उस ब्लॉक में 0 एसेट्स है, लेकिन इसकी वैल्यू है 11 लाख, तो भी क्यों 0, डेप्रिसिएशन 0 हो जाएगा. तो डिप्रिसिएशन 2 कारण से 0 होता है, या तो वैल्यू 0 हो जाए, या नंबर ऑफ एसेट्स एम्प्टी 0 हो जाए, या ब्लॉक एम्प्टी हो जाए. करेक्ट है? तो 2 कारण से 0 होगा. तो नो निल डिप्रिसिएशन इफ क्लोजिंग WDV इज निल और नेगेटिव. क्लोजिंग WDV इज निल और नेगेटिव, और ब्लॉक ऑफ एसेट डू नॉट एग्जिस्ट, ब्लॉक ऑफ एसेट ही एम्प्टी हो जाए, तो आपको डिप्रिसिएशन 0. और जैसे ही डिप्रिसिएशन 0 होता है, याद रखिएगा सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि उस ब्लॉक को बेचने से कैपिटल गेन अराइज होगा. 50 इन केस वेयर डिप्रिसिएशन इज निल, कैपिटल गेन अराइजेस. कैसे करेंगे? सेल कंसीडरेशन माइनस ओपनिंग WDV माइनस परचेज ऑफ एसेट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. यहां पर बता दें, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. जब भी आप शॉर्ट डिप्रिसिएबल एसेट बेचेंगे तो जब भी आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा. और यहां पर जैसे इस केस में 14 लाख माइनस 10 लाख माइनस 2 लाख, तो यहां पर 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ जाएगा. यहां पर लॉस आ जाएगा 11 लाख का. अब वापस आते हैं यहां.
कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कंडीशंस क्या है जो सेक्शन 32 में लिखा हुआ है, एसेट इज ओन होली और पार्टली बाय द एसएससी, एसेट इज पुट टू यूज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये जो बताना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा है, एक दो तीन चार यहां खरीद लिया, परचेज यहां किया, लेकिन ये आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और इसका फैक्ट्री का ट्रायल रन यहां कंप्लीट हो रहा है, तो इस एसेट्स का डिप्रिसिएशन इस पीरियड में तो पहले ईयर दूसरे ईयर तीसरे ईयर में तो नहीं ले सकता, आपको चौथे साल में ही ले पाएंगे। तो जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जब आप ओनर कब बनेंगे, जब आप परचेज करेंगे, और जब पुट टू यूज भी हो जाएगा तब डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो परचेज एंड पुट टू यूज, और परचेज एंड पुट टू यूज ऑन द सेम फाइनेंशियल ईयर फॉर लेस देन 180 डेज तो हाफ हो जाता है। एसेट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस ये सब के लिए एसेट खरीदेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एंड इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन, ऐसा नहीं है कि जब लॉस होगा तो आप कहेंगे सर इस साल डेप्रिसिएशन लेंगे और नेक्स्ट ईयर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इन पैसिव यूज डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल, यानी कि अगर कंपनी लॉकडाउन में है या फिर एम्प्लॉइज हड़ताल पे हैं, मशीनरी आइडल है, तब भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। इवन इन आइडियल सिचुएशन मशीन तो डेप्रिशिएट करती है, एसेट डेप्रिशिएट करती है, तो इन पैसिव यूज ऑल्सो डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो हमने बता ही दिया कैसे करेंगे कंप्यूटेशन, ओपनिंग डब्ल्यू डी बी प्लस परचेज ऑफ द एसेट्स, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है, 43 सबसेक्शन 1 में, सेल ऑफ एसेट्स क्लोजिंग डब्ल्यू डी बी आएगा, इस क्लोजिंग डब्ल्यू डी बी में डेप्रिसिएशन माइनस के लिए तो ओपनिंग डब्ल्यू डी बी आएगा। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, बोला एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, अगर किसी ने सब्सिडी दिया तो माइनस कर दीजिए, प्लस ड्यूटीज एंड क्रेडिट इफ क्रेडिट नॉट ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ क्रेडिट नॉट क्लेम, यानी कि अगर आपके एसेट्स में जीएसटी लग गया है 2 लाख रुपए का, और इस 2 लाख रुपए का अगर आप क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं तो आपको डिप्रिसिएशन 10 लाख पे मिलेगा, इन्हें क्रेडिट नहीं क्लेम करते हैं तो डिप्रिसिएशन आप 12 लाख पे क्लेम कर सकते हैं। और जीएसटी में क्या लिखा हुआ, अगर आपने 12 लाख रुपए पर क्रेडिट क्लेम कर लिया तो आपको इस 2 लाख रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ क्रेडिट नॉट क्लेम प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस ऑफ एसेट प्लस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट टिल द एसेट इज पुट टू यूज, अगर आपने एसेट लोन पे लिया हुआ है तो जब तक एसेट यूज करते हैं तब तक का इंटरेस्ट वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36 जो हम लोग पीजीबीपी में करेंगे, प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉई फॉर मेकिंग सर्वे ऑफ द एसेट्स, इन सब को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाला गया, अगर आपने एसेट खरीदा है कैश में और कैश का पेमेंट किया है इन एक्सेस ऑफ 10,000 तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, और फिर सब्सिक्वेंटली और हुआ क्या, अगर वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा तो आप उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 टू सेम पर्सन इन ए सिंगल डे शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली नो डिप्रिसिएशन इज अवेलेबल। सेल ऑफ एसेट कितना माइनस करेंगे, मनी वैल्यू ऑफ द एसेट्स और इंश्योरेंस क्लेम जितना मिला है वो माइनस होगा ओपनिंग डब्ल्यू डी बी से, यहाँ पर जो हमने माइनस किया ऊपर में कहा गया माइनस सेल ऑफ एसेट्स ओपनिंग डब्ल्यू डी बी से जो माइनस होगा, फिर ये हमने करवाई चुका है। तो वी कंप्लीटेड डिप्रिसिएशन का, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग फिर पीजीबीपी शुरू करें। चलिए पीजीबीपी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई विल, हर हालत में मैं याद करूंगा अगर आप कोशिश करेंगे। रिवीजन टाइम 15 मिनट्स, टाइम लिख लीजिएगा। डिड यू मेमोराइज, इफ नो देन यू मस्ट मेमोराइज विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स कब से काउंट करते हैं, जब आपने मेरी क्लास खत्म होने के बाद। नाउ सेक्शन 28 टू 44D, ये इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हेड है और ये पीजीबीपी है। पीजीबीपी में आप देखिए, मैं आपको पीजीबीपी के रिवीजन करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पीजीबीपी में 5 हेड है और मैंने कहा था पांचों हेड, मान लीजिए घर है, ये सैलरी है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये पीजीबीपी है, ये कैपिटल गेन है और ये अदर सोर्सेस है। हर एक का सेक्शन है 15 टू 17,
22 से 27, 28 से 44D, कैपिटल गेन 45 से 55A और अदर सोर्सेस 56 टू 59। हमने कहा था जब भी आप किसी के घर में नॉक करेंगे, इनकम है, इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। अगर इनकम के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो अब हक मिल जाएगा, वो किसी भी एक घर में जाके चला जाए। सबसे पहले वो सैलरी के घर में जब नॉक करता है, यू नॉक नॉक, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? बोलता है मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप से एग्जिस्ट करता हुआ इनकम हूँ। बोलता भैया अंदर आ जाओ। जब अंदर जाएगा तो कौन मिलेगा? उनके रिलेटिव मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, यानी कि डिडक्शन जो होने वाला है, तो इसमें 16 डिडक्शन होने वाला है। और इसी सैलरी में एक छोटा सा एक रूम होगा आइलैंड टाइप का घर में के अंदर, जो सेक्शन 10 होगा, जो सैलरी की तो होगी लेकिन एग्जेम्प्टेड होगी। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में जो जब जाएगा तो उसको 23 और 24 जो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन 23 में और 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। तो बच्चे छोटी फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन जैसे ही वो पीजीबीपी के अंदर में घुसता है तो इसमें तो पागल टाइप का हो जाता है। इसमें तरह तरह के लोग और बहुत सारे लोग, मामा मामी नाना नानी बुआ बुओ उसके लड़के पिताजी सब कोई है इसमें स्पाउसेस के साथ। इसमें स्टूडेंट्स पागल हो जाता है, बोला हो क्या रहा है। इसी को हमें छोटा भी करना। कैपिटल गेन में भी बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। माइनस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और ट्रांसफर एक्सपेंस, तीन ही लोग तो माइनस होते हैं। अदर सोर्सेस में जो पीजीबीपी हो गया तो अदर सोर्सेस में क्या टाइम लगता है? अब पीजीबीपी में जब हम लोग सेक्शन देखते हैं तो हमने कहा था पीजीबीपी को आप क्या करो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 28 चार्जिंग सेक्शन, बोले सर मैं इनकम हूं, मैं इनकम हूं, 22 सबसेक्शन 24 का कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं। आप पीजीबीपी घर में पहुंच गया, नॉक नॉक, तो बोलता है सर बोर्ड देखो बाहर में लिखा हुआ 28, बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें किसी में भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते? बोला हां सर करता हूं। दूसरे कंडीशंस को, तीसरे कंडीशन, बोला अंदर आ जाओ, फिर खुल जाएगा। अब अंदर पहुंच गया तो 28 है चार्जिंग सेक्शन। हर एक हेड का पहला सेक्शन चार्जिंग है, जो नेचर ऑफ इनकम बताता है। तो अंदर चला गया, अंदर चला गया, 28 इसको अंदर ले जाएगा। अब अंदर ले जाएगा तो हमने कहा कि भैया अंदर तो पहुंच गया, डिडक्शंस, बस सर डिडक्शन है 32-36, इसको हमने कह दिया ये है हरियाणा पुलिस, जो डिडक्शन होने देगा। बोले डिडक्शन मिल गया, लेकिन एक बदमाश पुलिस है 40 से 43, इसको हमने कह दिया ये दिल्ली पुलिस है, वो रोक लेगा, ब्लॉकेट लगाया हुआ है, ना जा नहीं सकते। बोला हरियाणा पुलिस जाने दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर आने के लिए आपको ये कुछ कंडीशंस और हैं, वो सेटिस्फाई करने से पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम रोक लेंगे। और फिर प्रिजम्प्टिव बेसिस 44AD ADA, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग को 28 + CA + CA + CA इतना रिवीजन करना है। तो आइए 28 What is business income? हमने थोड़ा लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा। Business profession, business defined है section 2 subsection 13 में, profession defined है section 2 subsection 36 में, लिखा हुआ है हमने। Salary of partners, non-competing fees, keyman insurance, speculative income, ये सब क्या है? Business income। Export incentives, business income। तो और भी बहुत सारे हैं, हमने इतना ही लिखा है। What is business expense? Professional gifts, हमने यहाँ लिखा होगा। Professional gifts is a business income। बिजनेस एक्सपेंसेस क्या है? अब हमने कहा था बिजनेस एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं, तो हमने इस बिजनेस एक्सपेंसेस को ग्रुप कर दिया। हमने कहा इंप्लॉयज के ऊपर कोई भी खर्चा हो वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, एसेट को मेंटेन करने का कोई भी खर्चा हो बिजनेस एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज को मेंटेन करने का जैसे इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करने का कोई भी खर्चा हो बिजनेस एक्सपेंसेस है, क्लाइंट के ऊपर कोई भी खर्चा किया हुआ बिजनेस एक्सपेंसेस है, कंपनी के रेपुटेशन को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए आप कोई भी खर्चा करते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट है या किसी अगेंस्ट केस फाइल करते हैं ताकि वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट, ब्रांड इंफ्रिंजमेंट के लिए, ये सब क्या है? बिजनेस एक्सपेंसेस। आज एम्प्लॉई के ऊपर किसी भी तरह का खर्चा हो बिजनेस एक्सपेंसेस, आप सैलरी दे, एम्प्लॉई को बोनस दे, कंपनसेशन दे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाए, लाइफ इंश्योरेंस करवाए, हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, ये सब क्या है? बिजनेस एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉयज को रहने के लिए
घर दें, चलाने के लिए गाड़ी दें, उनके लिए बच्चों के लिए स्कूल खोल दें, ये सब क्या है? स्कूल मेंटेनेंस का खर्चा, गाड़ी मेंटेनेंस का खर्चा, घर मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस है। हमने आपको डिप्रिसिएशन में बताया था कि अगर आपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया तो उस पर डिप्रिसिएशन मिलता है 5% से, तो कि वो एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी तरह का खर्चा हो वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। उसी तरह से एसेट को मेंटेन करने का कोई भी खर्चा, आप एसेट को खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन दे दिया। एसेट को अगर रिपेयर करवाते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका डिडक्शन मिलेगा। किसी एसेट के ऊपर आपने टैक्स दिया, उसका डिडक्शन मिलेगा। अब आता है चार्ज। अच्छा, हमने लिखा है बहुत सारा, मुझे याद ही नहीं रहा। द पहला, द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में ओनरशिप के बेसिस पर टैक्स, ओनर को कहते थे टैक्स दो। यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि जो बिजनेस चला रहा है कैरीड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसको टैक्स देना है। बिजनेस इंक्लूड टीसीएम और एनी एसी इन टीसीएम, टीसीएम और एनी एसी इन टीसीएम, ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर और एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। आप पहली बार, आपके दोस्त ने कहा चांदनी चौक से मुझे मसाला खरीद के मेरे को भेज देना, और आपने भेज दिया, और आपके दोस्त ने आपको कमीशन दे दिया 10,000 रुपया, वो 10,000 आपने वन टाइम एक्टिविटी की, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, गाना गाना हॉबी है, आपने उसको प्रोफेशन बना लिया, तो अगर आपको हॉबी के कारण आपको कोई पैसे मिलते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रोफेशन और दिस इज चार्ज अंडर द हेड बिजनेस। एसएससी का मतलब द पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपका ट्रायल रन कंप्लीट होगा उस दिन माना जाएगा कि बिजनेस हैज कमेंस्ड, उस दिन माना जाएगा बिजनेस हैज बीन सेट अप। अगर आप राशन की दुकान खोलते हैं तो द डे, और या कोई सर्विस प्रोवाइडर की दुकान खोलते हैं या ऑफिस खोलते हैं, द डे यू आर रेडी टू रिसीव द फर्स्ट कस्टमर, इट इज सेट दैट द बिजनेस हैज कमेंस, रेडी टू रिसीव द फर्स्ट कस्टमर। Export incentive, profit on sale of import license, subsidy by government, duty drawback, these are all business income. Professional gifts, फिर interest salary bonus, जिस firm में आप partner है उसी firm से अगर आपको interest salary bonus commission remuneration by whatever name called, किसी भी नाम से मिलता हो, चाहे आपको due हो जाए या receive हो जाए, that is treated under the head business. लेकिन our share of profit from firm है, that is exempt in the hands of partners under section 10 subsection 2A, because firm उसके ऊपर already tax दे चुका होगा, double taxation ना हो जाए, इसलिए partner के hand में share of profit को exempt किया गया है, salary, remuneration और interest, क्योंकि firm के hand में minus होता है, इसके partners के hand में taxable किया गया under the head business. Non-competing phase, not doing any competitive business or profession, or not sharing any business or professional secrets is business income. Any sum received under a key man insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy. मैं आपको key man insurance policy के बारे में बता देता हूँ। Key man insurance policy, अगर employer अपने ही employee का life insurance लेता है और employer company को life insurance premium देता है, और employee को अगर कुछ हो जाता है, इसका पूरा maturity amount employer को मिलता है, तो that is key man insurance policy. और key man इसलिए क्योंकि हर एक employee के लिए नहीं है। आज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, जो टॉप इम्प्लॉयज हैं, उनको, उनके लिए है, तो उनके लिए अगर वो की मैन इंश्योरेंस लेता है, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। मैंने रीजन तो बताया था, मुझे लगा रिवीजन है, रिवीजन नहीं बताता हूँ, लेकिन चलिए बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D में लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जम्प्ट है, हाँ या ना? आज किसी इंप्लॉय की, ये की मैन इंप्लॉय, इसकी 10 करोड़ रुपए सैलरी है, अगर मैं चाहता हूं कि ये 10 करोड़ में इसको सैलरी तो देनी है, किसी भी रूप में दूं, अब ये खाने पीने आटा दाल चावल का कितना खाना खा लेगा ये, और कितना एंजॉय कर लेगा लाइफ में, अब तो फिर तो दान दक्षिणा में ही जाएगा। तो ये चाहता है कि मेरा इनकम जो है एग्जम्प्ट हो जाए, तो एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूं, और लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम हेवी दे दूंगा, और जब मेच्योरिटी मिलेगा, मान लो 8 करोड़ रुपए का मेच्योरिटी मिलता, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयर लोगों ने इन एम्प्लॉय लोगों की सैलरी को एग्जम्प्ट करने के लिए ये रास्ता अपना लिया 10-10D वाला। तो अब गवर्नमेंट चालू थी, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा है, तो ऐसा जब भी आप की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन के एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लोगे तो हम टैक्सेबल कर देंगे, अगर एम्प्लॉयर को मिलेगा तो पीजीबीपी में टैक्स कर देंगे,
इंप्लॉई को मिलेगा तो सैलरी में टैक्स कर देंगे, और इंप्लॉई की वाकई में डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर्स के हैंड में अदर सोर्सेस में टैक्स कर देंगे। ये हमने लिखा भी है अदर सोर्सेस का चैप्टर में, जो मैं आपको दिखला भी देता हूं। अदर सोर्सेस का चैप्टर में हमने ये लिखा है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये फास्ट ट्रैक क्विक रिविजन इनकम टैक्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदर सोर्सेस में है ये, कहाँ है, कहाँ है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ भैया। ये मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, एसएससी को मिलेगा यानी कि जिसने इंश्योरेंस करवाया, तो पीजीबीपी में एम्प्लॉय को मिलेगा तो सैलरी में, लीगल हेयर ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा तो अदर सोर्सेस में। अब हम लोग वापस आते हैं पीजीबीपी में, पीजीबीपी सेक्शन 28 कर रहे थे हम लोग, 28 में पीजीबीपी में ये हो गया। अब इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5, और हमने आपको ये बताया था कि डे ट्रेडिंग यानी कि जिस दिन आप शेयर्स खरीदेंगे, जैसे आपका ये ब्रोकर है, आपने एक डीमैट अकाउंट खुलवाया हुआ है, आप ब्रोकर को बोलते हैं कि मेरे नाम पे एक शेयर्स खरीदो, तो शेयर्स खरीद लेता है, तो सेम डे डीमैट अकाउंट में नहीं जाता, अगले दिन जाता है सारा कुछ सेटलमेंट होने के बाद। तो जिस दिन आपने खरीदा, जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ये कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। जिस दिन खरीदा उसी दिन बेचा तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहलाता है विदाउट गोइंग इनटू डीमैट अकाउंट। इसीलिए लिखा हुआ कि इज सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी ऑफ स्क्रिप्ट। अगर डीमैट अकाउंट में आ गया है शेयर्स तो आपने तो एक्चुअली में उसकी डिलीवरी ले ली है, तो डिलीवरी के बाद अगर आप खरीदेंगे बेचेंगे तो वो कैपिटल गेन में जाएगा, लेकिन सेम डे विदाउट टेकिंग डिलीवरी है तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है। और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बता दूं, अगर स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा और चार साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है तो ये किसी भी हेड के साथ हो सकता है, अपने इनकम के साथ तो हो ही सकता है, और दूसरे हेड के साथ भी हो सकता है, लेकिन सैलरी के साथ नहीं हो सकता, लॉटरीज के साथ नहीं हो सकता, और 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। तो जहां रिस्की है बिजनेस वहां पर लॉस को दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ होने नहीं दिया और कैरी फॉरवर्ड कम साल के लिए कर दिया। अब आते हैं डिडक्शंस में। अब डिडक्शंस में आपको बताया था 30 से लेकर 36 तक, और हमने आपको ग्रुपिंग भी कर दी थी, और ये घर के अंदर गए तो ये एम्प्लॉई का रूम, ये एसेट का रूम, ये लाइबिलिटीज का रूम, ये क्लाइंट का रूम, ये रेपुटेशन का 5। अब जब एम्प्लॉयज में जाएंगे तो अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे, एसेट में जाएंगे तो अलग। अभी हम लोग एसेट्स कर रहे हैं आपके साथ, सेक्शन 30 एंड 31। 30 क्या है? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ प्रीमाइसेस, और 31 क्या है? इंश्योरेंस रिपेयर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का 31 है, प्रीमाइसेस का बिल्डिंग का 30 है। देखिए पहले बिल्डिंग देखते हैं, अगर बिल्डिंग अगर आपने किराए पे लिया तो उसका रेंट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बिल्डिंग का इंश्योरेंस चाहे वो किराए पे हो या खुद का हो, आप अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बिल्डिंग पे आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, म्युनिसिपल टैक्स या लैंड रेवेन्यू, ये इसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब 43B के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करेंगे। 43B क्या होता है? ड्यू डेट से पहले पहले अगर आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट के बाद किया है, यहाँ किया है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप बिल्डिंग का करंट रिपेयर करवाते हैं जो रेवेन्यू नेचर है तो डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल इन नेचर है तो उसका डिप्रिसिएशन मिलेगा। फिर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो रेंट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन रेंट का डिडक्शन सेक्शन 37 में मिलेगा, लेकिन प्रीमाइसेस का रेंट का डिडक्शन 30 में ही मिलता है, लेकिन 31 में आपको रेंट का डिडक्शन नहीं मिलता, किसमें मिलता है? 37 में। अगर आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा, टैक्स कोई लगता नहीं है, करंट रिपेयर्स का डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल रिपेयर्स का डिप्रिसिएशन मिलेगा। करंट रिपेयर्स क्या होता है? इफ यू आर रिप्लेसिंग द पार्ट ऑफ द एसेट देन इट इज करंट रिपेयर्स, इफ यू आर रिप्लेसिंग होल ऑफ द एसेट या इफ यू आर मेकिंग एनी एडिशन देन इट इज ए कैपिटल रिपेयर्स। अगर आप किसी प्रीमाइसेस का रिनोवेशन करवा रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट का रिनोवेशन कर रहे हैं जहां से आपको सेल करना है, तो वो करंट रिपेयर्स है, लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीमाइसेस का जहां आपको सेल से कोई मतलब नहीं है उसका रिनोवेशन करवा रहे हैं तो वो कैपिटल रिपेयर्स है। तो करंट रिपेयर्स हो या कैपिटल रिपेयर्स हो, डिडक्शन मिल के रहेगा। करंट रिपेयर्स में तुरंत मिल जाता है, सेम फाइनेंशियल में, कैपिटल रिपेयर्स में डिप्रिसिएशन बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन धीरे धीरे हौले हौले बनता है।
Now, if the asset is used partly for business and partly for other profession, तो जितना भी depreciation है वो आपको apportionment करना पड़ेगा business के लिए और profession के लिए. तो above expenditure shall be apportioned to that part of asset which is used for the purpose of business. तो ये depreciation में भी था और ये business expenditure में भी. यहाँ section 36 subsection 1 amount expressly allowed as deduction. सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलेगा. अगर आपने इंश्योरेंस इंप्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको डिडक्शन मिलेगा 36(1)(b) में, प्रोवाइडेड कि हेल्थ इंश्योरेंस आप सभी इंप्लॉइज का लें और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दैट इज नॉट पेड इन कैश. बोनस और कमीशन टू इंप्लॉइज, अब देखिए इसमें एसेट्स आ गया, इंप्लॉइज के ये सारे आ गए, तो हम इंप्लॉइज के ऊपर किसी भी तरह खर्चा हो डिडक्शन मिल के रहेगा, या तो 36 में मिलेगा या 37 में मिलेगा. तो बोनस और कमीशन टू इंप्लॉइज अलाउड इज डिडक्शन बट अगेन सब्जेक्ट टू 43(b). 36(1)(3) इंटरेस्ट, अगर आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपने लोन लिया हुआ है एसेट्स खरीदने के लिए और एसेट टिल द एसेट इज पुट टू यूज उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा जो हमने 43 सबसेक्शन 1 में लिखा भी था और ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा. और ये इंटरेस्ट अगर आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज है तो उसका डिडक्शन मिल के रहेगा. दूसरी बात, तीसरी बात कि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा जब 43(b) के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. हमने ये बताया था ये हरियाणा पुलिस है और ये दिल्ली पुलिस रोक लेता है 43(b) अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो. फिर प्रोविडेंट फंड, ये भी प्रोविडेंट फंड, ये पेंशन फंड, ये ग्रेच्युटी फंड. तो वैसे तो किसी भी तरह का फंड के ऊपर डिडक्शन, मान लो जो एम्प्लॉयर ने मैरिज फंड में एम्प्लॉयज के मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया डिडक्शन नहीं मिलेगा. चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया डिडक्शन नहीं मिलेगा. सिर्फ कुछ खास फंड्स के लिए डिडक्शन मिलता है जो नाम यहाँ लिखे हुए हैं. रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो डिडक्शन मिलेगा. अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम में तो डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में तो डिडक्शन मिलेगा. इन सभी के लिए लेकिन कुछ कुछ कंडीशन है. पहला 43(b), इन सभी के लिए 43(b) के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा. और इसमें यह भी लिख दिया कि अगर आप अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे या अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम डिडक्शन नहीं देंगे. इनके अलावा किसी भी और फंड में आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन नहीं देंगे. तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी नॉन स्टेटरी फंड और एनी अनअप्रूव्ड फंड इज नॉट अलाउड डिडक्शन. ऑल्सो कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एनी अदर फंड इज नॉट अलाउड डिडक्शन. तो इनके अलावा किसी भी फंड में आप कंट्रीब्यूट करेंगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. बैड डेट्स, बैड डेट्स इज अलाउड एज डिडक्शन. और बैड डेट का डिडक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि आपने पहले उसको इनकम मान ली थी, अब उसका पैसा मिला नहीं तो आपने अक्रूअल बेसिस पे इनकम मान ली लेकिन एक्चुअली में कैश नहीं आया तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है. तो बैड डेट इज अलाउड एज डिडक्शन इफ डेट इज ट्रीटेड एज इनकम इन अर्लियर प्रीवियस ईयर. अगर पहले डेट को, मान लीजिए आपने उधार बेचा तो सेल अक्रू करके अक्रूअल बेसिस पे आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो आपने उसको क्रेडिट में इनकम मान ली थी. अब जब आपको उसका कैश नहीं मिला तो आपको उसका डिडक्शन मिलना चाहिए. और बाद में डिडक्शन मिलने के बाद में अगर आपको रिकवरी होती है तो रिकवरी ऑफ बैड डेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस इफ अर्लियर इट वाज अलाउड एज डिडक्शन. सच रिकवरी इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द बिजनेस इवन इफ द बिजनेस इज क्लोज डाउन. ये वैसा ही है जैसा हमने सेक्शन 25(a) में किया था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड रिसीव्स ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट इवन इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज सोल्ड दैट इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. यहां भी वैसा ही है. फिर फैमिली प्लानिंग के लिए, एम्प्लॉइज को एडुकेट करने के लिए फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस के लिए उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है. कितना मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डॉक्टर वॉक्टर का खर्चा है तो 100%, एसेट्स का खर्चा है तो 1/5 इज अलाउड एज डिडक्शन. वैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पे जनरल रेट क्या होता है, बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 15%, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए तो 20% SLM मिलता है. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पेड इज अलाउड एज डिडक्शन. बिजनेस के लिए तो अलाउड है, यानी कि अगर आपने शेयर्स को बिजनेस हेड में शेयर्स को खरीदने बेचने का इनकम को PGBP में लेके आया है तो उसका STT अलाउड होगा, लेकिन अगर कैपिटल गेन में लेके आया तो नॉट अलाउड होगा. अगर आपको मैं फास्ट लग रहा हूं तो YouTube में स्लो का एक ऑप्शन आता है, उसको स्लो कर लीजिए. फास्ट लगना नहीं चाहिए अगर आपने अच्छी तरह से इनकम टैक्स पढ़ा होगा.
मैं स्लो स्लो करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिवीजन करना है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा याद होगा और आप लोग रिवीजन के ही ऑब्जेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। अगर हम लोग नए नए प्रोडक्ट बनाते गए तो इंडिया ग्रो कर जाएगा, और नया प्रोडक्ट जो मार्केट में किसी वर्ल्ड ने किसी ने नहीं देखा है, जो टेस्ला कर रहा है, लेकिन उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का रिसर्च होता है और रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 100% की जगह 150% कहीं 200% का डिडक्शन दे रही थी। गवर्नमेंट ने अब ये सब बंद कर दिया और अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ 100% डिडक्शन मिलता है। लेकिन कुछ एडवांटेजेस आज भी हैं इसमें, वो बता देते हैं फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रायल रन कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए यहां कंप्लीट हुआ है, तो इसके 3 साल पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी आपने प्लांट मशीनरी खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदा होगा, उसका हम 100% डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 1 में ही दे देंगे। आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो 15% और 10% के बेसिस पे धीरे धीरे 10 साल लगता माइनस होने में, लेकिन ये 3 साल पुराना जितना भी खर्चा है जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रायल रन कंप्लीट हुआ वहां पर 100% डिडक्शन दे देंगे। और यहां पर आप दोबारा फिर कोई एसेट्स ये सब खरीद रहे हैं, प्लांट मशीनरी और या बिल्डिंग, तो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो भी हम आपको 100% डिडक्शन देते जाएंगे। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डिप्रिसिएशन में क्या होता, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद डिप्रिसिएशन मिलता, लेकिन यहां पर बिल्डिंग का ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन का आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्लांट मशीन खरीद के लिए क्या है, वो इंस्टॉल होता, पुट टू यूज होता, तब डिडक्शन मिलता। यहां पर जैसे ही आपने खरीदा वैसे ही आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स कर रहे हैं, बाहर के लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो भी हम आपको डिडक्शन दे देंगे, वो भी 100%। ये जो रिसर्च आप कर रहे हैं वो रिलेटेड हो आपके बिजनेस से या अनरिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको डिडक्शन दे के रहेंगे। लेकिन अगर आप ओन रिसर्च कर रहे हैं देन रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। अब आइए पढ़ लेते हैं। इन हाउस रिसर्च, खुद रिसर्च कर रहे हैं देन रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, लेकिन इफ यू आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स देन रिसर्च मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द बिजनेस। किस तरह के खर्चे मिलेंगे अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, सैलरी टू साइंटिस्ट, रॉ मटेरियल इनपुट्स एंड सैलरी ऑफ सपोर्ट स्टाफ, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो रहा है तो पुराना 3 साल ही, लेकिन सिर्फ इसका मिलेगा, रॉ मटेरियल इनपुट्स का मिलेगा और सैलरी ऑफ साइंटिस्ट का मिलेगा, लेकिन साइंटिस्ट को आपने परक्विजिट्स दिया तो वो नहीं मिलेगा, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस नहीं मिलेगा और सैलरी टू सपोर्ट स्टाफ, अकाउंटिंग स्टाफ या कोई और सपोर्ट स्टाफ है उसको, उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में 2 रोड ब्लॉक है। पहला कि सभी खर्चों पर नहीं मिलता है, सिर्फ ये 2 के पे मिलेगा, और इसमें भी सिर्फ परक्विजिट्स ऑफ साइंटिस्ट वाला मिलेगा, परक्विजिट ऑफ साइंटिस्ट का नहीं मिलेगा, और बिफोर कमेंसमेंट में सिर्फ 3 साल पुराना ही मिलेगा, लेकिन अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ तो हम सब कुछ देंगे, लेकिन 100%। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आइए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का मिलेगा, चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, पूरा मिलता है। इफ यू आर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, तो आप किसी को भी कंट्रीब्यूट करें 100% का ही डिडक्शन मिलेगा। पहले यहां पर कंपनी रिसर्च करती है और कुछ कुछ कंडीशंस है तो 150 मिलता था, वो सब हटा के सिर्फ 100% ही डिडक्शन मिलता है। तो फायदा सिर्फ कहां है, डिप्रिसिएशन जो आपको 15% या 10% के बेसिस पर मिलता था उसका फायदा आपको मिल गया है कि आप, क्योंकि आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। दूसरा,
ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, सेक्शन 35 का डिडक्शन अगर पूरा नहीं माइनस हुआ हो पाया तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है ये। अब आगे आता है 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमरी एक्सपेंसेस। ये क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमरी एक्सपेंसेस, अगेन सेम, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रायल रन कंप्लीट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर से पहले जितना भी आपका सेटअप कॉस्ट है वो सब जोड़ लीजिए, और जितना भी नहीं एलिजिबल सेटअप कॉस्ट जोड़ लीजिए, एलिजिबल सेटअप कॉस्ट जोड़ लीजिए, जो भी वो खर्चा आया है इसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका ट्रायल रन कंप्लीट हुआ। तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 फिक्स है लॉ के अकॉर्डिंग। पढ़ लेते हैं आप, एलिजिबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज ट्रायल रन और इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कौन कौन से एलिजिबल एक्सपेंसेस है, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर बिजनेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड टू द बिजनेस, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग MOA और AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ अ कंपनी पेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, expenses and legal charges incurred for drafting, printing and advertising for prospectus, expenditure incurred for issue of shares or debentures like underwriting commission etc. तो इतने ही eligible expenses है जिनका deduction मिलेगा। अब जैसे आपने trial run से पहले आपने salary दिया होगा, deduction primary expenses का नहीं मिलेगा। आपने interest on borrowed capital लिया होगा तो आपको deduction नहीं मिलेगा। Interest on borrowed capital अगर asset खरीदने के लिए तब तो capitalize हो जाएगा, लेकिन other than asset का है तो उसका deduction नहीं मिलेगा। ये सब debt expenses है, इसका deduction आपको life में कभी नहीं मिलता है। तो अगर trial run जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो debt expenses होते जाएंगे, और trial run से पहले ही सिर्फ इन्हीं खर्चों का deduction मिलेगा, वो भी 5 installment। What is not primary expenses? Salary to employees, rent of premises, interest, ये सब primary expenses का हिस्सा नहीं है। Interest में फायदा है कि अगर आपने loan लिया है asset खरीदने के लिए तो capitalize हो जाएगा, और capitalize हो जाएगा तो depreciation मिलेगा, और depreciation अगर पूरा नहीं minus हो पाया तो unabsorbed depreciation होगा, और unabsorbed depreciation unlimited period के लिए carried forward होगा। Applicability, इसका 35D का reduction सिर्फ Indian company claim कर सकता है, लेकिन कितना? एलिजिबल एक्सपेंसेस तो है, लेकिन एलिजिबल एक्सपेंसेस इज लिमिटेड टू व्हाट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिच एवर इज हायर। तो ये वाला इससे लिमिटेड है, यानी कि इन दोनों में से पहले इसका हायर निकाल लीजिए, फिर इन दोनों का लोअर निकाल लीजिए, और लोअर को 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर अगर अदर रेजिडेंट है, यानी कि इंडियन कंपनी के अलावा कोई और है, तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एलिजिबल एक्सपेंसेस व्हिच एवर इज लोअर, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल इंप्लॉयड में हमेशा कैपिटल इंप्लॉयड ही ज्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए आपके पास कैपिटल है, आप प्रोजेक्ट सेटअप करने में 8 करोड़ लगाएंगे, 9 करोड़ लगाएंगे, तो हमेशा यही ज्यादा होगा। तो अब ये समझ लीजिए इंडियन कंपनी को एक फायदा दे दिया गया कि 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड और एलिजिबल एक्सपेंसेस व्हिच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कैपिटल इंप्लॉयड, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, और ये बेसिकली 7 साल का होता है, आप देख लीजिए। जनरल डिडक्शन, जनरल डिडक्शन के बारे में बता दूं, जो डिडक्शन 30 और 36 में नहीं आता है वो 37 में आएगा। 30 और 36 में एक्सप्रेस कुछ डिडक्शन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड थे, 30, 31, 32, 35, 35D, इतने तो हमने किए ही थे, और 36 इसके अलावा 37 है। ये 37 क्या है, जब हमने एकदम शुरुआत की थी पीजीबीपी के तब बताया था, बोला जो खर्चा एम्प्लॉय के ऊपर होगा वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, जो खर्चा एसेट को मेंटेन करने पे होगा वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, जो खर्चा लाइबिलिटीज को मेंटेन करने में होगा वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, क्लाइंट के ऊपर जो होगा वो बिजनेस एक्सपेंसेस है, रेपुटेशन को बचाने के लिए होगा वो बिजनेस एक्सपेंसेस है। तो ये सारा कुछ सेक्शन 37 में भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। एक्सपेंडिचर इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब कैसे पता लगाएंगे दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, अगर इंप्लॉयज के ऊपर खर्चा हो रहा है तो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है,
अगर एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है क्लाइंट्स को मेंटेन करने में या क्लाइंट्स के लिए, तो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है. मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है. ये अलग बात है, इसका 30 और 31 में अलग से इसका डिडक्शन मिलता है. लेकिन आपको याद होगा अगर मैंने प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया है तो उसका डिडक्शन कहां मिलता है? सेक्शन 37 में. आपको मैं यहां पर दोबारा दिखलाता हूं, देखिए, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, ये कहां मिलता है? 37 में मिलता है. तो वहां भी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. अरे इतनी जल्दी पीजीबी भी खत्म भी हो गया. ये रहा, ये रहा. एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए. तो ये जो भी खर्चे हैं इनके, ये पीजीबीपी खर्चे. यहां पर हमने एमडी अपने वाइफ को ले गया था कॉन्फ्रेंस के रूप में, इसका बताया था हमने आपको. ना एक्सपेंडिचर इज नॉट ऑफ कैपिटल इन नेचर. कैपिटल इन नेचर होगा तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम कीजिए. फिर एक्सपेंडिचर इज नॉट पर्सनल इन नेचर. अगर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा. एक प्रोफेशनल अपना हार्ट ऑपरेशन करवाता तो उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा, पर्सनल इन नेचर है. और नॉट इन कैपिटल नेचर में पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ए ब्रोशर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड इज रिडक्शन, सेक्शन 37 सबसेक्शन 2A. एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन नेचर ऑफ ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. पेमेंट ऑफ ब्राइब पेनाल्टी फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड इज रिडक्शन. पेमेंट ऑफ रैंसम मनी हफ्ता इज अलाउड इज रिडक्शन, क्योंकि इट इज नॉट स्टॉप्ड बाय एनी, इट इज नॉट एन ऑफेंस फॉर टू गिव हफ्ता मनी और रैंसम. अब देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, आपको किस कैटेगरी मतलब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना, सबसे पहले देखना होगा बिजनेस एक्सपेंसेस है या नहीं है. फिर पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, नहीं है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यस. कई कोर्स ने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, नहीं है. वेदर अलाउड, यस अलाउड. सैलरी टू स्टाफ, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अलाउड. एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, हमने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स में देयर इज नो इंक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि बोनस शेयर्स को आप क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को आप कैपिटलाइज करते हैं बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व, इसी को आप कैपिटलाइज करके बोनस शेयर्स इश्यू कर देते हैं. तो यहां पर एसेट्स में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, देयरफॉर इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर अलाउड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लिस्टिंग फीस अलाउड. रेंट ऑफ बिल्डिंग विच इज ओन बाय प्रोप्राइटर नॉट अलाउड, क्योंकि ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ना अगेन यहां पर रेपुटेशन बचाने की बात थी कि पिछले 25 साल से कंपनी डिविडेंड दे रही थी, अचानक डिविडेंड बंद कर देती कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाता, तो उसने लोन लेकर डिविडेंड दे दिया. यानी कंपनी के पास प्रॉफिट तो था लेकिन कैश नहीं था पेमेंट करने के लिए, तो लोन लेकर डिविडेंड दे दिया, देयरफॉर अलाउड. इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस है, देयरफॉर नॉट अलाउड. इनडायरेक्ट टैक्स आर बिजनेस एक्सपेंडिचर है, देयरफॉर अलाउड. आया, अब आइए 40A सबसेक्शन 2. अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव या जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट करेंगे तो जितना अनरीजनेबल पेमेंट होगा उतना डिडक्शन नहीं मिलेगा. 40A सबसेक्शन 3 कैश एक्सपेंडिचर. कैश एक्सपेंडिचर अगर आप करते हैं इन कैश, अगर ECS से पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगा. लेकिन एक्सपेंसेस इन कैश एक्सीडिंग 10,000 इन ए सिंगल डे टू ए सेम पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन. फॉर ट्रक ऑपरेटर 35,000 है, और नॉन एप्लीकेबिलिटी अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को पे करेंगे तो जितना ही करोड़ों करोड़ों कैश पेमेंट कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बता ही देगा अपने आप को या गवर्नमेंट को कि इसने कैश में पेमेंट किया है. पेमेंट मेड टू फार्मर्स फॉर इट्स प्रोड्यूस, पेमेंट मेड एट ए प्लेस नॉट सर्व बाय एनी बैंक, तो ये सब एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस और भी हैं लेकिन हमने इसमें लिखे नहीं है क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स था. और ये एक्सेप्शन क्या था मैं आपको दिखला भी देता हूं. ये हमारी जो ओरिजिनल बुक है, इस बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ है. तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये इतनी छोटी बुक है, ये अब तो ये 400 पेज की बुक हो गई है. इसमें इनकम टैक्स, इसमें तीन चीजें हैं, एक तो जो टेक्स्ट है वो है, प्लस फास्ट ट्रैक है,
प्लस 663 इनकम टैक्स के मेरे बनाए हुए एमसीक्यू है। तो आप इसको यूट्यूब के वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं हमारे चैनल taxbykk.com में जाके। अब यहां पर देखेंगे आप एक्सेप्शन देखिए क्या है, इतने सारे एक्सेप्शन हैं यहां पर। ये बता दिया था इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट, गवर्नमेंट बता दिया था, विलेज और टाउन नॉट सर्व बाय एनी बैंक ये बता दिया, और ये वाला डिलीट हो चुका, पेमेंट मेड ऑन अ डे ऑन विच बैंक्स वर क्लोज ईदर ऑन अकाउंट ऑफ बैंक ऑफ हॉलीडे ये डिलीट हो चुका है। कल्टीवेटर प्रोड्यूसर फार्मर को पेमेंट करेंगे तो बुक एडजस्टमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो, और विदाउट द एड ऑफ पावर कॉटेज इंडस्ट्री रिजत पापड़ वालों को पेमेंट करेंगे तो, फिर एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं वेयर द सम डज नॉट एक्सीड 50,000 ये सब एजेंट को पेमेंट, ये मनी चेंजर, ये सब, तो ये सब एक्सेप्शन थे। तो हमने पूरा नहीं लिखा है, कुछ लिख दिया। इसके बाद 43B, ये मैं शुरुआत में भी बता चुका हूँ 43B है क्या। 43B मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसमें 43B में ड्यू डेट, इसमें सबसे पहले 43B बहुत आसान है आपको सोचना, आप सबसे पहले किस फाइनेंशियल ईयर का वो पेमेंट है वो निकाल लीजिए। मान लीजिए वो फाइनेंशियल ईयर वन का पेमेंट है, फाइनेंशियल ईयर वन का ड्यू डेट क्या होगा, यानी कि पहले आप पैसा कमाएंगे उसके बाद ही तो टैक्स देंगे। रुक जाइए, तो गड़बड़ हो गया। फाइनेंशियल ईयर वन आप पहले पैसा कमाएंगे, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे, और असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट आएगा, ये ड्यू डेट। खर्चा किसका है, किस ईयर का, एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर वन का है। तो ये एक्सपेंस वन का आपको डिडक्शन अगर फाइनेंशियल ईयर वन में चाहिए तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दीजिए, तो फाइनेंशियल ईयर वन में। ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनेंशियल ईयर टू में पेमेंट किया तो फाइनेंशियल टू में, फाइनेंशियल ईयर थ्री में पेमेंट किया तो फाइनेंशियल ईयर थ्री में। मैं फिर से बता रहा हूं, जिस फाइनेंशियल ईयर का है उस फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट, इससे पहले पेमेंट किया डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर वन में लीजिए। अब पेमेंट तो यहां पर देखिए ड्यू डेट से पहले यहां कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर टू में पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर वन में मिलेगा एक्रूअल बेसिस पे। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलेगा। आया? लेकिन इसमें क्या सारे पेमेंट कवर्ड है? नहीं। ये 43B अप्लाई किसको होगा, जो कैश एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहा, जो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है वो तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन क्लेम कर रहा होगा, तो उसके लिए 43B नहीं है। 43B किसके लिए है, जो एक्रूअल बेसिस अकाउंट फॉलो करता है। और कौन कौन से पेमेंट कवर्ड है, इंटरेस्ट टू बैंक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, बोनस, कमीशन, पेमेंट मेड टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, ये नया ऐड हुआ। तो वैगन किराए पे लेते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी आपने किराए पे ली हुई है, इन सब पे ये एप्लीकेबल रहेगा। टिकट ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होगा, टिकट तो ऐसे भी आप कैश में खरीदते हैं। और ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया वो आएंगे। अब टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, पेमेंट मेड बिफोर ड्यू डेट तो इन द ईयर ऑफ अक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट मेड आफ्टर ड्यू डेट देन इन द ईयर ऑफ पेमेंट, फॉर पेमेंट नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 43B एक्सपेंस, अगर ये चार नहीं है तो अक्रूअल बेसिस पे आप डिडक्शन क्लेम कीजिए, आप पेमेंट करें या ना करें। आया? अब आते हैं प्रिजम्प्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन में। ना प्रिजम्प्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन होता क्या है, बड़ा सिंपल है प्रिजम्प्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। इसमें क्या क्या कहा गवर्नमेंट ने कि ऐसा है कि आपका टर्नओवर तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बस आप टर्नओवर कैलकुलेट कर लेंगे, बोला 80 लाख है, प्लस 80 लाख का 8% आपकी डीम्ड इनकम है, इसका मतलब 92% एक्सपेंसेस डीम टू बी अलाउड। अगर 92% एक्सपेंसेस डीम टू बी अलाउड है तो जितने भी एक्सपेंसेस के खर्चे के सेक्शंस हैं वो डीम टू बी अलाउड। हरियाणा पुलिस तो पहले ही रोक लेगा, बोला भैया ये तो हो गया आपका 8% जब आपने इनकम मान लिया तो 92% का खर्चा डीम टू बी अलाउड। प्लस अगर ये डीम टू बी अलाउड है तो जो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन है 42-43B, ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तो ये भी इनएप्लीकेबल है। तो कौन कौन सा सेक्शन इनएप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 32-44D इज नॉट एप्लीकेबल, इट मींस फर्दर बिजनेस डिडक्शन इज नॉट अलाउड नॉट डिसअलाउड, ना अलाउ होगा ना डिसअलाउ होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये 32-36 में फॉल करता, अनऑब्जर्व्ड प्रीसिस का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
सेक्शन 42 टू 43 भी नॉट एप्लीकेबल, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा. अदर इनकम कैन बी एडेड टू दिस इनकम. लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो तो 71 में है. अदर लॉसेस है वो इन सेक्शन में फॉल नहीं करता, वो 74 में है. तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस या कोई और लॉसेस इन सब इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता, तो 70 to 80 कैन बी एडजस्टेड विद दिस इनकम. देन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च नहीं माइनस होगा क्योंकि 30 to 36 में फॉल करता है. 80C to 80U का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि 30 to 36 में फॉल नहीं करता. तो इन इनकम में से 80C to 80U का डिडक्शन मिलेगा, 70 to 80 का डिडक्शन मिलेगा, सेट ऑफ होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कह दिया कि आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करवाना. और आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कह दिया कि आप 44 ADA में फॉल करते हैं तो आप 100% एडवांस टैक्स दीजिए 31st March तक. तो चार इक्वल इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है 15th ऑफ एवरी क्वार्टर. इन दो सेक्शंस में सिर्फ एक क्वार्टर. लेकिन अगर आप 44AE में है, ट्रक ऑपरेटर है, तो आपको 15th ऑफ एवरी क्वार्टर आपको एडवांस टैक्स देना होता है. अब 44AD एप्लीकेबल किसको है? बोला इंडिविजुअल एचयू फर्म जो रेजिडेंट है उसी को एप्लीकेबल है. और टर्नओवर इज अप टू 2 crore. नेचर ऑफ बिजनेस इज बिजनेस, ऑब्वियसली प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन के लिए अलग बनाया गया है. नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशन, एजेंसी बिजनेस, कमीशन और ब्रोकरेज. प्रेजम्प्टिव इनकम कितना मानेंगे? 8% ऑफ टर्नओवर. लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन ECS के सिस्टम से किया है तो जितना ट्रांजेक्शन आपने ECS सिस्टम से किया उसका 6% ऑफ टर्नओवर इनकेस ऑफ रिसीट थ्रू बैंकिंग चैनल. तो 44AD की जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो दो पार्ट में कैलकुलेट करेंगे. एक तो कैश कंपोनेंट वाला, सेल अगर आपका कैश में है, और सेल अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो 8% और 6%, कोई रिडक्शन मिलना नहीं. तो 44AD 30 to 36, 40 to 43 भी नॉट एप्लीकेबल. एलिजिबल ऐसे से ये है. अब अगर आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू चला रहे हैं तो क्या इसमें रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स रिडक्शन मिलेगा? फर्दर रिडक्शन नहीं मिलेगा. एडवांस टैक्स 100% ऑन और बिफोर 15th March. 44ADA प्रोफेशन के लिए है. अगेन इंडिविजुअल, फर्म, LLP इन तीनों को एप्लीकेबल है. और इनफैक्ट ये तीनों को एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर 2023 से सिर्फ इंडिविजुअल किया हुआ है. चलिए तो ये था क्या मैं आपको बता, ये हमारी बुक है. पहले 44ADA में सिर्फ रेजिडेंट लिखा हुआ था. रेजिडेंट लिखा हुआ था तो हम लोग ये कह रहे थे हर कोई कवर्ड होगा 44ADA में. अब असेसमेंट ये 2223 से इन्होंने ये वर्ड ऐड कर दिया है, इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल और फर्म HUF. LLP भी नहीं है. लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए आप 44ADE में असेसमेंट ये 21-22 के लिए आप रेजिडेंट लिख सकते हैं. अब कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, यानी कि प्रोफेशनल में तो एक्टर एक्ट्रेसेस भी आएंगे, डायरेक्टर्स भी आएंगे, प्रोड्यूसर ऑफ ए कंपनी भी आएगी, तो वो सब कवर्ड हो जा रहे थे. अब उन्होंने लिमिट कर दिया 44ADA आने वाले सेक्शंस के लिए 22-23 के लिए रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म एक्सक्लूडिंग LLP. एक्सक्लूडिंग LLP, यहां भी LLP नहीं है 44ADA में, यहां भी नहीं है. तो जितने भी बड़े बड़े फर्म है जो LLP बना के चला रहे थे और 44ADA में कवर कर रहे थे, वो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें वो नहीं आएंगे. अब एप्लीकेबिलिटी तो रेजिडेंट है ही, अप टू 50 lakh टर्नओवर, प्रोफेशन बिजनेस नहीं होना चाहिए, 50% ऑफ ग्रॉस एसेट्स 44. अच्छा ये भी बता देता है, 30 to 36 नहीं एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट SSC के लिए. रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स विल बी अलाउड, और यहाँ नॉट अलाउड है. 100% ऑन और बिफोर 15th March. चलिए तो ये ठीक है, रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स 44ADE में नॉट अलाउड है, 44ADA एंड AE में अलाउड है. अब यहाँ आते 44AE, एनी पर्सन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, कोई टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पूरे फाइनेंशियल में कभी भी 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, और ट्रक बिजनेस है, नो सच रिक्वायरमेंट. अगर हेवी ट्रक है तो ग्रेटर. तो यहाँ हेवी ट्रक क्या होता है? जिसका ग्रॉस वेट एक्सीड्स 12,000 kg, तो वो हेवी ट्रक हो गया. और उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ₹1,000 per ton. ₹1,000, मान लीजिए 14,000 kg की है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा? 14, तो यानी कि 14,000 इनकम आएगी पर मंथ, पर टन पर मंथ.
ड्यूरिंग विच ट्रक इज ओन्ड, ट्रक इज ओन्ड यानी कि अगर आप ट्रक आइडल भी पड़ा हुआ है, रिपेयर के लिए भी पड़ा हुआ है, ट्रक चल नहीं रहा, उसके बावजूद आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। और अगर अदर ट्रक है जिसका ग्रॉस वेट इज नॉट एक्सीडिंग 12,000 केजी, इज अप टू 12,000 केजी, तो अदर ट्रक में आएगा उसका 7500 पर मंथ विल बी द इनकम। बाकी हम लोग कर ही चुका, फोर इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना। अब जो डिफरेंस क्या है, 44 एडी में इंस्टॉलमेंट जो देना है एडवांस टैक्स का वो एक बार में देना है, एई में चार इंस्टॉलमेंट में देना है। रेमुनरेशन और इंटरेस्ट यहां अलाउ नहीं होता, यहां अलाउ होता है। कंपल्सरी टैक्स ऑडिट 50 लाख प्रोफेशन में और टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, और अगर 44 एडी की बिजनेस है तो टर्नओवर एक्सीड्स 2 करोड़, उसको डिटेल में बताया भी। तो वी कंप्लीटेड इट,